हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बहादुर थापा और आज हम इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट यूजिंग HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप इन हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस हम ये देख लेते कि आज हम क्या क्रिएट करने वाले। ऑलराइट, तो आप देख सकते हो टॉप पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल नैप बार हमें दिखाई दे रहा है। आपका ये लोगो भी हो सकता है, आप अपना नाम भी लिख सकते हो, मेन्यूज, एंड देन मैंने सिंपली यू नो हेडिंग, पैराग्राफ एंड दो आप बटन्स देख सकते हो। जब मैं उसको होवर करता तो उसको मैंने एक स्मूथ इफेक्ट दिया हुआ, जिससे आप देखोगे कुछ सेकेंड में जाके वो आपको ब्लिंक करके दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, एंड देन आप देख सकते हो जो ये लैंडिंग पेज है, आप इसका अगर आप डिजाइन देखोगे तो इसको मैंने थोड़ा एक क्रिएटिव बनाने की कोशिश की, तो मैं आपको इस वीडियो में वो भी बताऊंगा कि आप ये कैसे कर सकते हो। एंड गाइस आप ये जो बैकग्राउंड का कलर देख सकते हो, उसमें आप देख सकते हो कि वो सेमी ट्रांसपेरेंट है एंड बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा अलग कलर इसको दिया, एंड वो कलर कैसे लगेगा उसको हम एडवांस बिफोर एंड आफ्टर स्टूडियो एलिमेंट्स के थ्रू देखेंगे। ऑलराइट, एंड देन आप देख सकते हो ठीक उसी के नीचे हमारे पास ये तीन डीब है, जहां पे आप देख सकते हो जब मैं उसको करता हूँ हुबर तो हल्का सा वो ऊपर की ओर एंड देन बॉक्स शैडो हमें दिखाई देता है। एंड देन व्हाट डू वी ऑफर, हमारी सर्विसेज क्या, तो आप देख सकते हो HTML, CSS मुझे कितना आता है वो मैंने यू नो हाईलाइट करके रखा है। एंड देन हम क्या क्रिएट करते हैं, सो गाइस अगर आप नीचे देखोगे तो मोर देन इतना वेबसाइट आई क्रिएटेड। तो ये जो आपको जस्ट दिखाई दे गाइस, हम इसमें jQuery की प्लगइन भी यूज करने वाले। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल दिखाई देता है ये। एंड देन आवर बेस्ट प्राइसिंग, तो आप देख सकते हो आवर बेस्ट प्राइसिंग, जहां पे अगर मैं हुवर करता तो ये देखो अनलिमिटेड है, ये जो 60 रुपीज जो लिखा है डॉलर, एंड ये परचेस देखिए गाइस, इसको हाईलाइट करते ही इनका कलर चेंज हो जाता है, देखा, एंड हल्का सा ये ऊपर भी आ रहा है, वो भी बहुत स्मूथली, ऑन द स्पॉट नहीं आ रहा, बहुत स्मूथली आ रहा है। तो ये सब हमें ध्यान देना है। एंड अगर आप इसका बैकग्राउंड देखोगे तो गाइस आप देखोगे कि ये थोड़ा आपको डायगोनल टाइप दिखाई देगा, लेकिन प्रॉपर डायगोनल नहीं, लेकिन एक अलग सा स्टाइल यू नो हटके दिखाई दे रहा है कुछ। एंड आई नो आप में से बहुतों का अभी तक यहाँ तक ध्यान जा चुका होगा, तो ये वेबसाइट में बहुत कुछ देखने वाला। एंड नाउ आवर हैप्पी क्लाइंट्स, तो आपने जिन जिन क्लाइंट्स के लिए प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तो उन्होंने क्या कहा गाइस, तो उसके ऊपर है। आप देख सकते हो जब मैं इसको करूंगा हुबर तो गाइस इसके कलर चेंज होते, ये जो ब्लैक था पैराग्राफ वो व्हाइट हो जाता है। एंड देन गाइस आप इसको इस तरीके से स्लाइड कर सकते हो, यहाँ से स्लाइड कर सकते हो, यहाँ से स्लाइड, तो एकदम प्रॉपरली रेस्पॉन्सिव वर्क करता है। एंड देन वी हैव अ कॉन्टैक्ट अस पेज, ठीक है आप देख सकते हो वी हैव अ कॉन्टैक्ट अस पेज। यहाँ पे देखो आपको लग रहा भाई इसमें मैं सबमिट कैसे करूँ, बट बेस्ट पार्ट ये जैसे आप हुबर करोगे कैसा लगा है, देखो सबमिट बटन आ जाएगा और आप क्लिक करोगे तो प्लीज फिल द यूजर नेम, बता रहा भाई कुछ तो फिल करो पहले, है कि नहीं, इंटरेक्शन बढ़ाना जरूरी है। एंड देन सब्सक्राइब टू आवर न्यूज लेटर, एंड गाइस सब्सक्राइब टू आवर न्यूज लेटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता, तो वो भी हमने क्रिएट किया। एंड देन फाइनली आवर यू नो फुटर, आप देख सकते हो मेरे अबाउट थापा टेक्निकल नेविगेशन लिंक्स न्यूज लेटर एंड देन अगेन सेम एंड लास्ट में आपका ये कॉपीराइट वाला जो भी है, ठीक है हम जो लिखते हैं मेन, और ये जो पैराग्राफ्स ये सब आपको दिखाई दे रहा है ये सब मैंने सिंपली ऐसे ही यू नो नॉन कॉपीराइट ऐसे उठा के रखा हुआ है, तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान मत दो। मेन आज हमें ये सब कैसे क्रिएट करना है एंड कैसे ये सब काम करता है। ऑलराइट, एंड फाइनली ये देखो गाइस आपने नोटिस किया था ये चीज़, हल्का सा अगर मैं ऊपर जाता हूँ ऐसा आता है क्लिक करते ही, ऑलराइट एंड देखो वो गैप हो जाएगा। अभी सर्विसेज पे क्लिक करूंगा तो ये आ जाएगा, फिर वापस जाऊंगा ऑलराइट, प्राइस पे क्लिक करूंगा तो ये आ गया, फिर टॉप, फिर अबाउट पे जाऊंगा तो वी हैव आवर न्यूज लेटर ऑलराइट टॉप, एंड देन कॉन्टैक्ट पे जाऊंगा तो ये, तो इसमें हम बहुत स्मूथ स्क्रोलिंग देखेंगे। ये जैसे ये देखो जैसे मैं हल्का सा नीचे आता हूं देन ये अपेयर होता, अदरवाइज ये अपेयर नहीं होता। सो गाइस ये सब आज हम देखने वाले। एंड बेस्ट पार्ट ये कि सिर्फ ये दिखाने के लिए नहीं है, समझ रहे हो, सिर्फ ये दिखाने के लिए नहीं है, इट्स प्रॉपरली रेस्पॉन्सिव। तो अगर आप iPhone 10 में देखोगे, ठीक है, तो देखो थापा टेक्निकल परफेक्टली यहाँ पे ऐसे अगर मैं सर्विसेज पे भी क्लिक करता हूँ तो प्रॉपरली आ जाता है। ठीक है, एंड एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि वो जो एरो ये यहाँ पे भी काम कर रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है, इसी तरीके से कॉन्टैक्ट अस पे जाऊंगा, यहाँ पे भी देखो आप देख सकते हो एकदम प्रॉपरली रेस्पॉन्सिव है, एक के नीचे एक बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे। एंड गाइस सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप देखोगे आईपैड तो भी आप देखोगे एकदम प्रॉपरली रेस्पॉन्सिव है। अगर मैं कॉन्टैक्ट अस पे जाता हूँ तो देखो कितना ब्यूटीफुल हमें ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि कॉन्टैक्ट अस के लिए हमने एक अलग कोड लिखा, जहां पर अब ये हमारा जो मेन आपका नेविगेशन था जो पहले तीनों एक साथ थे, नाउ ये दो और ठीक ये नीचे न्यूज लेटर आ चुके एकदम परफेक्टली, एंड यहाँ पे भी आपका ये काम करेगा एकदम बेटर। ठीक है, कॉन्टैक्ट में अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो इस पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो सबमिट बटन आ गया, ये एक साथ रोटेट कर रहा है। सो गाइस ये प्रॉपरली रेस्पॉन्सिव है, बहुत यूजफुल है।
आई रियली होप गाइस आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले, एंड बिलीव मी गाइस आज आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत ज्यादा, ठीक है। सो दिस इज इट गाइस, हमने थ्योरी पार्ट देख लिया है कि क्या क्या बनाने वाले हम आज सिर्फ इस एक वीडियो में, एंड बिलीव मी गाइस इस वीडियो में आज आप लोगों को बहुत कुछ नया, बहुत एडवांस चीजें सीखने मिलेगा, एंड मैं आपको ये बताऊंगा कि आप प्रॉपरली एकदम स्क्रैच, एकदम जीरो से कैसे एक कंप्लीट वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। एंड गाइस ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो मैं आप लोगों को चाहूंगा कि आप लोग एकदम आराम से रिलैक्स होकर यू नो चाय कॉफी स्नैक्स कुछ भी लेके आराम से बैठिए और बस देखिए, एंड कहीं पे भी कुछ डाउट आए तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। सो गाइस अब हम कोडिंग शुरू करते हैं, लेकिन कोडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस बनाते रहता हूं, एंड आप देख सकते हो गाइस 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले, ठीक है। तो ये 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले की खुशी में, एंड गाइस 2019 एंड होने वाला है, एंड आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस साल में, ठीक है, 2019 साल में, तो मैं भी आप लोगों को कुछ रिटर्न करना चाहता, एक छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से, डेट्स वाई मैंने आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ। एंड ये वीडियो शायद लंबा होगा गाइस, 2 घंटा भी हो सकता है, 3 घंटा भी हो सकता है, बट बिलीव मी वीडियो के एंड में आप लोगों का जो नजरिया होता है ना कि वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं कोई भी प्रोफेशनल या कोई नॉर्मल जो स्टार्ट कर रहा होता है, तो गाइस वो सब फेज को आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। जहां जहां कोडिंग की जरूरत होगी मैं कोडिंग करूंगा, जहां जहां लगता है कि नहीं इसकी ये जो पार्ट है ये ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल है तो वहां से कैसे लेना है, तो सब कुछ आपको बताऊंगा, मीडिया क्वेरी रेस्पॉन्सिव कैसे बनाना है। सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल थापा टेक्निकल, और आपको राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, उसको भी हिट कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस अपलोड करूं ना सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आपको खुद से मैनुअली सर्च ना करना पड़े। एंड गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो गाइस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके ही जरूर जाना, ऑलराइट, एंड अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ऑलराइट। तो देखिए फाइनली अब हम शुरू करते हैं, पूरा फेज मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। सो गाइस सबसे पहला काम होता है कि अपना फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करो, क्या होता है सबसे पहले काम फोल्डर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मेन अब मैं क्या करता हूँ गाइस, वॉल्यूम डी पे जा रहा हूँ, डी ड्राइव पे, यहाँ पे मैं एक राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, न्यू फोल्डर पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेबसाइट 2020 यूट्यूब लिख देता हूँ, ठीक है, 2020 के लिए वेबसाइट है, इस तरीके से किया, बस दिस इज इट, बस इतना ही करूंगा, बाकी मैं सब आपको सबलाइम के थ्रू करके दिखाऊंगा। सो ऑलरेडी यहाँ पे कोड है, लेकिन मैं यहाँ पे ओपन फोल्डर पे जाऊंगा, ठीक है, आप देख सकते हो, इस पे जाता हूँ और वेबसाइट 2020 यूट्यूब, ऑलराइट परफेक्ट, एंड देन सिलेक्ट फोल्डर, ऑलराइट, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो हमारे सामने फोल्डर है, यहाँ पे मैं सिंपली सबसे पहले न्यू फाइल पे जाता हूँ, एंड आई विल राइट index.html, तो आपका फाइल का जो पहला नाम होगा भले ही वो किसी भी लैंग्वेज में करो इंडेक्स रखो, एंड देन लेटर आप उसको .php.html कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। एंड देन न्यू फोल्डर पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा css, ऑलराइट, एंड देन इस css के अंदर न्यू फाइल पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा css का जो आपका फाइल होगा कास्केडिंग स्टाइल सीट, तो आपको लिखना है style.css, एंड देन वी नीड वन मोर फोल्डर, उसके लिए क्यों, क्योंकि हमें हमारे ये जो वेबसाइट्स है उसमें हमें इमेजेस की नीड पड़ती है, राइट। एंड गाइस मुझे इमेज की जरूरत है, ठीक है, आप देख सकते हो हमने जो मेन हमारा हेडर पे जो इमेज यूज किया उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ऑलराइट, एंड देन यहाँ पे जाता हूँ YouTube 2020, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे है, इमेजेस पे जाता हूँ, एंड जस्ट मैंने यहाँ पे उसको कर दिया पेस्ट, दिस इज इट। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो ये हेडर पार्ट है वो एकदम परफेक्टली कंप्लीट हो चुका, इमेजेस है हमारा स्टाइल सेट, एंड देन हमारा index.html, ऑलराइट, दिस इज इट गाइस। फाइनली अब हम हमारा कोड शुरू करते हैं, इस तरीके से मैंने लिखा, मैंने आपको बताया कि हम इसमें क्या यूज करने वाले, बूटस्ट्रैप भी यूज करने वाले, एंड जो आपका बूटस्ट्रैप का लेटेस्ट है वो क्या गाइस, आपका बूटस्ट्रैप 4, ऑलराइट। सो बूटस्ट्रैप 4 गेट स्टार्टेड वाले पेज पे आपको आना है, एंड ये इसलिए क्योंकि गाइस ये आपका रेस्पॉन्सिव सपोर्ट करता है, ठीक, एकदम नीचे, और ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है इसको आप इस तरीके से कीजिए कॉपी, एंड इसमें ना एक मेटा टैग है जो आपके वेबसाइट पे होना ही चाहिए, एल्स वो रेस्पॉन्सिव ही नहीं होगा, ये आपको जो दिखाई दे रहा है मेटा नेम जो दिखाई दे रहा है, व्यूपोर्ट नेम इक्वल टू व्यूपोर्ट, एंड देन जो भी आपका कंटेंट है, एंड जिस भी डिवाइसेस पे आप देख रहे हो तो उस डिवाइस का विड्थ विल बी इक्वल टू आवर वेबसाइट का विड्थ, और बाकी इनिशियल इसके लिए जूम के लिए, ठीक है। एंड ये आप देख सकते हो बूटस्ट्रैप के लिंक, एंड देन बाकी ये आपका पॉपर हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, एंड जेक्वेरी का पॉपर लिंक, एंड जितने भी ये जेक्वेरी या इसके पार्ट होते हैं ना गाइस, इसको आपका जो बॉडी टैग जहाँ पे एंड हो रहा है उसके ठीक ऊपर रखिए, एकदम लास्ट में, ठीक है, इससे हमारे यू नो लोडिंग टाइम पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा, थोड़ा वेबसाइट जल्दी लोड हो जाएगा,
तो ये एक टिप्स था, एंड आई नो ये शायद आप लोगों को ऑलरेडी मालूम था। सो हमने ऑलरेडी देखा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ठीक बॉडी टैग के जस्ट ऊपर इसको रखा करो, परफेक्ट। ऑलराइट, तो गाइस सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक डिव ले लेता हूँ, ठीक है। मैं चाहे तो डायरेक्ट हेडर क्लास ले सकता था, बट मैं वो नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। ऑलराइट, ठीक क्या हो गया था जस्ट अभी, इस तरीके से हेडर लिखकर इसको मैं एक आईडी भी दे देता हूँ, एंड आईडी में मैं दे दूंगा इसको टॉप हेडर, इस तरीके से, परफेक्ट। एंड ठीक इसी के नीचे गाइस मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ, एंड अब हमें नैप बार चाहिए, ठीक है। तो ठीक मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ, और इस तरीके से मैं लिखता हूँ बूटस्ट्रैप 4। आपको सिर्फ बूटस्ट्रैप 4 लिखना है, एंड आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन जो गेट बूटस्ट्रैप जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको आना है कंपोनेंट्स पे, ठीक है। कंपोनेंट्स के अगर आप लिस्ट देखोगे तो वी हैव अ नैप बार, तो आपको नैप बार पे आना है, ठीक। यहाँ पे आप देखोगे तो ऑलरेडी सब कुछ है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। एंड बिलीव मी, अगर आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ, गाइस मैंने आपको क्या बताया, एक प्रोफेशनल जब काम कर रहा है तो उसको मालूम है कि जहां जहां कोड ऑलरेडी अवेलेबल है किस लिए कोड लिखना है उसको, ठीक है। उस कोड को आपको कॉपी करना है, एंड देन उसको मॉडिफाई करना है। एंड ये जो है ये कॉपीराइट वाला भी नहीं है, ये उन्होंने खुद बना के दिया गेट बूटस्ट्रैप ने कि आप इसको यूज कीजिए, ऑलराइट। दैट्स व्हाई, एंड मैंने बूटस्ट्रैप के ऊपर पूरी सीरीज एंड बूटस्ट्रैप 4 इन 1 वीडियो भी बनाया, उसको भी आप चेक कर सकते हो। तो देखिए गाइस, ये हमने इस तरीके से लिखा। एक बार मैं आपको इसको कंट्रोल एस सेव करता हूं, कॉपी फाइल पाथ करता हूं, एंड देन यहां पे जाके अगर मैं आपको दिखाऊं, सो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, एकदम परफेक्ट। मेन सिर्फ परफेक्ट नहीं होता, ये रेस्पॉन्सिव है यानी ऑलराइट, परफेक्ट ये रेस्पॉन्सिव है, ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूँ, अब भी अगर आप ध्यान से देखोगे, सो हमें कुछ ऐसा हमारा नैप बार चाहिए, ना कि कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले मुझे ये दोनों को डिलीट करना है, इन चारों लिंक को मुझे राइट साइड को लेके आना। तो देखो इसलिए ये देखो, सबसे पहले तो ये जो एल आई दिखाई दे रहा है जो ड्रॉप डाउन है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे अगर हम देखें तो ये मुझे नहीं चाहिए, इसको किया मैंने डिलीट, ऑलराइट। एंड देन ये जो डिसेबल है ये भी मुझे नीचे, इसको मैंने कर दिया डिलीट, परफेक्ट। एंड देन ये जो दो फॉर्म्स थे सर्च और वो बटन, वो भी मुझे नीचे, परफेक्ट। तो देखो गाइस जो हमने जस्ट कॉपी किया था कितना छोटा हो चुका है वो, ऑलराइट। एंड ये जो नैप बार आपका हेडिंग दिखाई दे रहा था उसको मैं लिख देता हूं थापा टेक्निकल, इस तरीके से थापा टेक्निकल लिखा, परफेक्ट, ऑलराइट। इतना हुआ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, तो कुछ इस तरीके से आप दिखाई दे रहा है। अब ये होम एंड लिंक जो है मुझे यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। सो इस लिंक को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे आई विल राइट सर्विस। सो गाइस सर्विस मैंने लिखा, ठीक। इसी की तरह मुझे क्या करना है गाइस, चार मेरे को और चाहिए एक्स्ट्रा, ठीक, एक दो एंड तीन, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको लिखा, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, अगर यहाँ पे दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब बस मुझे इसका नाम चेंज करना है, ऑलराइट। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने नेम चेंज कर दिया, परफेक्टली नाम चेंज हो चुका। अब भी मुझे इसको राइट साइड में लेके जाना, तो यहाँ पे जो मार्जिन राइट ऑटो लिखा है ना, आपको सिर्फ मार्जिन लेफ्ट ऑटो कर देना इस लाइन पे, ठीक है, यूएल के अंदर, एंड सिर्फ मार्जिन लेफ्ट जैसे आप लिखोगे, एंड बूम गाइस कैसा लगा आपको। सो इतना हो गया। अब मुझे गाइस इसके बीच में स्पेस चाहिए फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, तो उसका मैं आपको बेस्ट ट्रिक पता क्या बताना चाहूंगा, ठीक। नैप बार के नीचे ये एक काम करता हूँ, ये जितने भी आपको कोड दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऑलराइट, इसको पहले मैं छोटा कर देता हूँ, परफेक्टली ये, ठीक। ये जो नैप टैग दिखाई दे रहा है इसके नीचे आओ, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करो गाइस, एक डिव ले लीजिए, एंड हम बिकॉज अब बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं तो हमारे पास एक क्लास है कंटेनर, सिर्फ आपको क्लास कंटेनर लेना है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, इस तरीके से हटाया, एंड ठीक ये नैब के ऊपर जहाँ वो एंड और इस तरीके से आपको रख दीजिए, एंड परफेक्ट इस तरीके से आपको दिखाई दिया ये, ऑलराइट। एंड देन ठीक क्या करना है, जहाँ पे आपने कंटेनर लिया ना गाइस, यहाँ पे आप एक और चीज कर दो, दैट इज योर टेक्स्ट अपर केस कर देना है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं जाता हूँ, आपको करना है टेक्स्ट अपर केस, ठीक है, इससे टेक्स्ट अपर केस हो जाएगा आपका, जिससे सब कैपिटल्स हो जाएंगे। एंड देन मैं पैडिंग 2 देना चाहूंगा, इस तरीके से पैडिंग 2 दे देता हूँ, परफेक्ट, कंट्रोल एस सेव, ठीक है। इस तरीके से इतना हमारा काम हो चुका है। अभी मुझे ठीक इसके नीचे जो ये कंटेंट है ये मुझे चाहिए, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो मैं ठीक जहाँ पे नैप खत्म हो रहा है वहां पे मैं आता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इस सेक्शन का नाम क्या होगा, देखो गाइस सबसे पहले तो क्लास में लिख लेता हूँ, और मैं इसमें लिख देता हूँ हेडर सेक्शन, ठीक है। सिंपली मैं क्या लिखूंगा गाइस, हेडर सेक्शन लिखता हूँ, ठीक। इसमें एक और डिव क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेंटर डिव, इस तरीके से। एंड देन ठीक यहाँ पे एक H1 लेता हूँ गाइस, इसको एक क्लास दे दूंगा मैं, जिसको मैं बोलता हूँ फॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है। आपका वो थोड़ा बोल्ड दिखाई देगा, बहुत सिंपल सिंपल क्लासेस है। एंड इसमें जो मुझे चाहिए वो क्या चाहिए, ये चाहिए। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, परफेक्टली,
ठीक उसी के नीचे गाइस मैं पैराग्राफ लेता हूं एंड देन जो पैराग्राफ है उसमें मैं इसको कॉपी करता हूं, यहां पे पेस्ट कर देता हूं, परफेक्ट। एंड ठीक उसी के नीचे गाइस मैं क्या करता हूं, एक डिव लेता हूं, ठीक है। इस डिव को मैं क्लास दूंगा जिसका नाम होगा आपका हेडर बटन्स, हेडर के बटन्स, ठीक है। इस तरीके से गाइस आप बेटर यही रहेगा, आईडी से बेटर आप क्लास यूज करो जितना हो सकता है। एंड देन अब उस बटन को कॉल टू एक्शन मुझे देना है, तो इसलिए मैं एंकर टैग यूज कर रहा हूं, ना कि बटन टैग, खुद बूटस्ट्रैप ने प्रोवाइड कराया था, ठीक है। सो इस तरीके से मैं लिख देता हूं अबाउट अस एंड ठीक इसी के नीचे गाइस अब इसमें मैं लिंक ऐड करूंगा, उसका बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। जैसे जैसे हम पेज बनाते जाएंगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको उसमें लिंक कैसे ऐड करना है, जिससे जो स्मूथ स्क्रॉल हमें दिखाई दे रहा था, ठीक है। ऑलराइट, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट पार्ट हो चुका है। अब गाइस हमें क्या करना है, अब हमें जाना है CSS पे हमारे, ऑलराइट। तो देखो सबसे पहले कैसे जाना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव CSS स्टाइल शीट, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला काम होगा गाइस आपको ये यूनिवर्सल ऑपरेटर, मार्जिन करो 0, पैडिंग भी कर दो बाय डिफॉल्ट, जो हमें 8 पिक्सल देता है वो हमें नीचे, सो मार्जिन पैडिंग 0 एंड देन बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दो, परफेक्ट, इतना हुआ, ठीक। यहाँ पे मैं आता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ देखो गाइस, और हाँ एक चीज़ याद रखो कि जब आप इस तरीके से काम कर रहे हो ना, एक हमारा जब नेबर खत्म हो गया तो यहाँ पे आपको लिखना है हेडर पार्ट एंड, ठीक है। और आपको ज्यादा कुछ हाई फाई एकदम हर लाइन के लिए नहीं लिखना, क्योंकि समझदार समझ जाएंगे कि हेडर पार्ट खत्म हो चुका है सिंपली। यहाँ तो क्रिएट लिखने की इतनी मैटर नहीं थी, बट यहाँ से अब हमें क्या कौन सा सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, कौन सा एंड हो रहा है, कमेंट के थ्रू बताना है। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, देखो गाइस सबसे पहला मेरा काम क्या होगा कि ये जो हमारा नेब बार है उसको कैसे एक्चुअल में हमें दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो वी हैव अ हेडर, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे जाता हूँ हेडर पार्ट, ऑलराइट परफेक्ट। सो हेडर को गाइस मैं विड्थ दूंगा 100%, इसको जो हाइट होगा उसको मैं दूंगा 100 व्यू हाइट, जिससे हमारा कंप्लीट विड्थ एंड हाइट ले लेगा। एंड देन इसका जो बैकग्राउंड इमेज होगा, ठीक है, उसको मैं URL दे देता हूँ। और एक चीज याद रखो कि अभी आप CSS फोल्डर के अंदर हो, राइट, आई मीन CSS फोल्डर के अंदर एक फाइल है उसके अंदर हो। सो सबसे पहले आपको CSS फोल्डर के बाहर जाना पड़ेगा एंड देन इमेज फोल्डर के अंदर आके उसके इमेज को एक्सेस करना है। सो दिस इज इट, बहुत सारे लोग को अभी तक नहीं मालूम गाइस, वो ये भूल जाता है, वो क्या करते हैं डायरेक्टली इमेजेस लिख देते हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। और डायरेक्टली इमेजेस लिख देते हैं और यहाँ पे उसके अंदर जो इमेज है जो कि है आपका हेडर -bg.jpg वो डायरेक्टली इस तरीके से लिख देता है और फिर आउटपुट नहीं आएगा, कैसे आएगा, ठीक है। बैकग्राउंड रिपीट को नो रिपीट कर देता हूँ, बैकग्राउंड का जो साइज होगा उसको 100% by 100% कर देता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। और ये डायरेक्टली दिखेगा तो नहीं, इसको पहले आपको ऐड करना पड़ेगा आपके इस फाइल में। सो लिंक पे मैं जाता हूँ, आपको CSS फोल्डर के अंदर style.css, ठीक है, इस तरीके से लिखा, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, इधर भी कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ एंड 3, 2, 1। सो गाइस आप देख सकते हो कि हमें कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, क्योंकि कैसे दिखेगा यार, अभी आप CSS के अंदर हो, तो सबसे पहले आप CSS फोल्डर के बाहर जाओ, फिर इमेज फोल्डर को टैग करो एंड देन उस फाइल को एक्सेस करो, ठीक है। एंड 3, 2, 1, बूम गाइस, अब हमें हमारी इमेज परफेक्टली आ चुका, आप देख सकते हो कहीं पे भी स्क्रोल बार नहीं है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों परफेक्टली, जो मेरा स्क्रीन का विड्थ है, तो इसलिए दैट इज द रीजन व्हाई मैंने 100 VH लिखा था। ऑलराइट, इतना हो गया। एक चीज मुझे चाहिए गाइस, यहाँ पे मेरे को बैकग्राउंड कलर भी चाहिए, राइट। सो लीनियर ग्रेडियंट यूज करूंगा इस तरीके से, लीनियर, और स्पेलिंग एकदम अच्छे से ध्यान दो, जो बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। एंड बस आप देखते रहो गाइस जो मैं लिख रहा हूँ, और ये मैंने ऑलरेडी सब बताया, प्लीज अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट आता है ना, आप एक बार ये लीनियर ग्रेडियंट बाय थापा इस तरीके से लिख के यूट्यूब पे सर्च जरूर करो, ठीक है। सो यहाँ पे गाइस मैं कौन सा कलर यूज करने वाला हूँ, देखिए 0,168,255 और लास्ट में अल्फा की वैल्यू देने वाला हूँ 0.3, ठीक है। इसी को ही मैं कर लेता हूँ कॉपी परफेक्टली एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, दिस इज इट, इतना सिंपल है। यहाँ पे मैं जाऊँगा तो आप देखोगे एक लाइट कलर आ चुका है जो कि बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। एंड गाइस आपको मैं पोजिशन इसको रिलेटिव कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे एक और कलर चाहिए, ठीक है। मुझे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डार्क है, ये थोड़ा ज़्यादा, ये थोड़ा लाइट है, ठीक है। और हाँ एक और चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गया, डेट इज योर क्लिप पाथ, जो आपको वो डिजाइन दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल नीचे। सो कैसे होगा देखो, यहाँ पे आपको लिखना है पॉलीगॉन, ठीक है, सिंपली। एंड बिलीव मी गाइस, मैंने ये इसके ऊपर पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया, एक आपको बताया कि यू नो वी हैव अ पॉइंट्स, आप देख सकते हो टॉप लेफ्ट, टॉप राइट एंड देन बॉटम राइट एंड देन बॉटम लेफ्ट,
तो ये चारों पॉइंट है, लेकिन इसके अंदर आपको कैसे एक्सेस करना है इसका लिंक मैं इधर टॉप पे प्रोवाइड करा दूंगा, प्लीज आप उसको एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है। मैं अभी क्या करता हूँ देखिए, सो गाइस मैंने बस इस लिंक को ऐड कर दिया, तो आप देख सकते हो वी हैव अ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड देन फिफ्थ, दिस इज इट, इतना सिंपल है। इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा बूम, तो आपको देखो हमें वो पोजीशन मिल चुका है। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने पॉइंट्स ऐड कर दिया, एंड आप देख सकते हो कि ये पेंटागॉन शेप पे 1, 2, 3, 4 एंड 5 टोटल 5 पॉइंट्स है, तो मेरे पास 5 पॉइंट है। मैं आपको इतना बताना चाहूंगा ये जो लास्ट का जो 0-0 दिखाई दे रहा है वो आपको इसका रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, लेफ्ट एंड टॉप दोनों 0-0। एंड देन अगर आप ये देखोगे तो ये जो आपका सेकेंड पॉइंट है वो आपका ये है, क्यों, अब लेफ्ट आपका 100% हो चुका है, टॉप अभी भी 0 है। एंड देन ठीक अगर आप इस पॉइंट पे आओगे तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस हम ऊपर से नीचे आ चुके हैं, ठीक है, ये देखिए लेफ्ट अभी भी 0 है लेकिन ऊपर से हम 75% नीचे आ चुके हैं। अब फिर ये वाला जो पॉइंट है अभी हम पूरा लेफ्ट यहां से यहां गए ना, सो लेफ्ट आपका 100%, ऊपर से हम आए तो 75% वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है परफेक्टली। एंड ये जो लास्ट है ऊपर से हम पूरा 100% नीचे आए और आपका लेफ्ट जो है ये लेफ्ट एकदम परफेक्टली 50% सेंटर पे। सो देखिए गाइस इतना सिंपल था। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने पॉलीगॉन हेक्सागॉन मतलब जितने भी है ये क्लिप पाथ की मैंने कंप्लीट सीरीज बनाया उसका लिंक इधर टॉप पे दे दूंगा, हालांकि मैंने तो आपको समझाई दिया एक एक पॉइंट क्या था, है कि नहीं, एंड दिस इज इट। तो इस तरीके से आपका ये बन जाता है। अभी मैं आपको क्या करना है कि गाइस मुझे इसको एक और अच्छे से कलर करना है, ठीक है। सो मैं इसी हेडर को मैं लेता हूँ इस, और मैं अब सीडो एलिमेंट्स यूज करने वाला हूँ बिफोर। तो आप देख सकते हो कि मैंने पोजीशन रिलेटिव ऑलरेडी दे दिया है हेडर को, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप सीडो एलिमेंट्स यूज करते हो, सो गाइस सबसे पहले आपको लिखना होगा कंटेंट, ऑलराइट, इस तरीके से आपको कंटेंट लिखना है। एंड देन आपको पोजीशन लिखना पड़ेगा एब्सोल्यूट, अब उसमें आपको लिखना है टॉप 0%, एंड देन आप लिखिए बॉटम 0%, देन आपको लिखना है गाइस सिंपली, अब लेफ्ट एंड राइट बच गया ना, लेफ्ट 0 लिख दीजिए एंड देन सिंपली राइट को भी कर दीजिए 0, सब एकदम 0-0 लिखना है। एंड ठीक आपको बैकग्राउंड कलर हमें चाहिए, ठीक है, जो हमें उस पर ऐड करवाना है। गाइस आप देख सकते हो मैंने लीनियर ग्रेडियंट कलर ऐड कर दिया, बहुत सिंपल है, टू राइट मतलब राइट साइड को ये तीनों के तीनों कलर जाएंगे, और मैंने इनको हेक्सा कोड पे 0-0 एंड लास्ट को 100% रखा है, ठीक है। ऑलराइट इतना हुआ, इतना सिर्फ आप लिखोगे और रिफ्रेश कर दोगे तो देखो गाइस कंप्लीटली ये उसको ओवरटेक कर रहा है। सो वो ओवरटेक ना करे दैट्स द रीजन व्हाई गाइस हम ओपेसिटी यूज करेंगे 0.4%, ठीक है, इससे आपका वो ओपेसिटी मतलब सिर्फ आपको 0.4% में ही दिखाई देगा। एंड बूम कितना ब्यूटीफुल अब हमें ये दिखाई दे रहा है। ऑलराइट अब मुझे इस नेप को भी ऐड करना है, तो कैसे होगा देखिए। और एक और चीज आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे ना इसने ओवरटेक कर लिया हमारे जो भी टेक्स्ट है वो भी थोड़े से ओपेसिटी उस पर इंक्लूड हो चुका है। सो वैसा ना हो तो उसके लिए हम यूज करेंगे जेड इंडेक्स एंड मैंने उसको -1 दिया एंड बूम अब कैसा लगा, अभी आपको एकदम क्लियर दिखाई दे रहा होगा ये। ऑलराइट यहाँ पे चाहे तो आप गाइस 0.3 भी कर सकते हो, ज्यादा अच्छा दिखाई देगा। ऑलराइट ये अब बेस्ट दिखाई दे रहा है। अब मुझे इस नेप बार को भी किसी तरीके से इसी कलर पे ढालना है, राइट। तो गाइस आप देख सकते हो नेप बार के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक क्लास है जिसका नाम है नेप बार एकदम टॉप पे, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं नेप बार को भी सेम यही प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूं स्यूडो एलिमेंट्स जो जस्ट अभी मैंने हमारे हेडर के लिए किया। ऑलराइट तो इसको भी मैं कर लेता हूं कॉपी, एकदम टॉप पे जाता हूं कॉपी फाइल पाथ। ऑलराइट और यहां पे इसको मैं कर देता हूं इस तरीके से पेस्ट, और एक काम करता हूं इसको हटा देता हूं फिलहाल, एंड इसको इस तरीके से दिखाता हूं परफेक्ट दिखाई दे रहा है। ऑलराइट ठीक है इसको कंट्रोल एस सेव करता हूं, एंड अभी फिलहाल कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहां पे अगर आप देखोगे नेप बार लाइट एंड बैकग्राउंड कलर इन्होंने यूज किया हुआ, तो वो दोनों को मैंने हटा दिया। एंड बूम गाइस कैसा लगा आपको, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है गाइस, इनका मुझे रूप और रंग चेंज करना है, इसका मैं व्हाइट कलर एंड थोड़ा सा बोल्ड करना चाहूंगा इन सबको मैं। सो ये जितने भी मेरे एंकर टैग यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, देखो कोलेप्सिबल लिस्ट जितने भी है, तो ठीक यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा गाइस टेक्स्ट अपर केस कर देता हूँ, कंट्रोल एस से सब अपर केस हो गए, ठीक है। सो अभी मुझे इनका कलर चेंज करना है, ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये देख सकते हो एंकर टैग का कलर चेंज करना है मुझे, वो LI के अंदर है, एंड देन ये जो LI है वो UI के अंदर है। सो हमें ज्यादा नहीं जाना ऊपर, मैं सिर्फ LI के नेब आइटम को सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक सेकेंड इसको मैं इस तरीके से करता हूँ सेलेक्ट, पहले डॉट यूज करना है क्लासेस के लिए एंड एंकर टैग लिखना है, दिस इज इट गाइस। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है देखिए, मुझे सिंपली सबसे तो इसका कलर चेंज करना होगा, कलर ट्रिपल एप लिख देता हूँ, इट मीन्स व्हाइट। एंड आपको ये गाइस इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा क्योंकि वो जो बाय डिफॉल्ट जो कलर है वो लेने वाला नहीं, तो ठीक है कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, एंड फॉन्ट वेट बोल्ड करने की जरूरत नहीं, वो मैंने ठीक है एंड फॉन्ट वेट बोल्ड कर देते, ठीक है फॉन्ट वेट बोल्ड परफेक्ट।
कंट्रोल एस सेव करता हूं एंड 3 to 1 बूम गाइस, इसका कलर चेंज हो चुका है, इसका अभी भी नहीं हुआ। तो उसका करने के लिए गाइस उसका हमारे पास ऑलरेडी क्लासेस है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, फॉन्ट वेट बोल्ड डायरेक्टली आप यूज कर सकते थे, एंड टेक्स्ट अगर आपको व्हाइट चाहिए तो आप इस तरीके से टेक्स्ट व्हाइट कर सकते थे। तो जो अभी जस्ट मैंने सीएसएस से किया वो सेम आप बूटस्ट्रैप से भी कर सकते थे। ऑलराइट, एंड यहाँ पे आप मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि जब आप इस तरीके से लिखती हो गाइस, एक बेटर रहेगा कि आप ऑलरेडी एक एंकर टैग के लिए क्या करो, और आपको मालूम है एंकर टैग बाय डिफॉल्ट हमको लाइन देता है, ठीक है। सो टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया करो, एंड ठीक इतना ही नहीं कि और एलआई के लिए भी एक काम करो, डैट इज लिस्ट स्टाइल अनस्टाइल कर दो, सॉरी नन कर दो, ठीक है। और एंकर टैग को जब भी हम करेंगे हूबर तो बाय डिफॉल्ट आपको टेक्स्ट डेकोरेशन नन करना ही पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज वहाँ पे भी आपको लाइन दिखाई देता है। सो गाइस ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको करना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि बाय चांस अगर आपका भी गलती से भूल गया एंकर टैग को वो करना, तो वो सबसे टॉप पे जो आपको दिखाई दे रहा है वो वहाँ से हमारे लिए हटा देगा जो नीचे अंडरलाइन आती है, ठीक है। इतना हो चुका है, परफेक्ट, कंट्रोल एस सेव। अब मुझे इसको यहाँ पे सेंटर पे दिखाना है, सो कैसे, तो देखो गाइस उसके लिए ऑलरेडी मैंने क्या करके रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो आई हैव अ, यहाँ पे एक सेक्शन है जिसका नाम है हेडर सेक्शन। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, हेडर सेक्शन क्लास है तो इस तरीके से लिखा। एंड गाइस ये जो हेडर सेक्शन, इसका मैं विड्थ 100% लिख देता हूँ परफेक्टली। इसकी जो हाइट होगी गाइस उसको मैं इनहेरिट कर रहा हूँ, ऑलराइट। एंड देन इसका जो कलर होगा उसको मैं सबके सबको व्हाइट कर दे रहा हूँ। इसका जो टेक्स्ट अलाइन होगा सेंटर कर दूंगा, एंड देन जो पोजिशन होगा उसको मैं कर दूंगा रिलेटिव, ठीक है। और वो मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं अभी आपको बताता हूँ, क्योंकि देखो पोजीशन रिलेटिव रखना बहुत जरूरी है अब, क्योंकि मुझे सेंटर डिप को सेंटर पे लेके आना है, ठीक है। ये आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है और आपको कुछ नया भी सीखने मिलने वाला है कि आप सेंटर डिप को सेंटर पे कैसे लेके आ सकते हो, राइट। सो इसके लिए क्या करना है गाइस, आपको विड्थ 100% रखना है, सिंपली हाइट आप कर दीजिए ऑटो, एंड देन पोजिशन आपको कर दो एब्सोल्यूट। अब आपको पता चल गया हमने इसको रिलेटिव इसलिए किया ताकि अब हम इसको एब्सोल्यूट बता सके। एंड अब मैं यहाँ पे मैं सिंपली टॉप 50% मुझे नीचे आना है, लेफ्ट साइड से 50% मुझे सेंटर पे जाना है, लेकिन वो प्रॉपरली दिखता नहीं है। सो वो कुछ अब हमें इस तरीके से दिखाई देगा ये कोने पे, इसको गाइस अब मुझे परफेक्टली सेंटर पे लेके आने के लिए। सो फॉर दैट वी हैव CSS3 की एक प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, ठीक है। आपको लिखना है ट्रांसलेट -50% लेफ्ट को -50% टॉप को, तरीके से आना। आप देखोगे गाइस ये ना अभी हो गया परफेक्टली, ठीक है। लेकिन एक बेटर पार्ट ही रहेगा कि कभी भी हम कुछ बोल नहीं सकते, सिक्योरिटी नहीं दे सकते कि ये कोड रन करेगा या नहीं। सो इसको मैं कम्प्लीटली कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, एक कॉपी किया, पेस्ट एंड पेस्ट। क्यों ऐसा मैं बोला, क्योंकि गाइस आपको माइक्रोसॉफ्ट के लिए भी लिखना है, ठीक है, एंड देन आपको वेब किट लिखना होगा ताकि वो आपके सफारी, क्रोम, मोजिला ये सब पे चल सके, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है सेम पीस ऑफ कोड एंड परफेक्ट। अब आपको इसको स्टाइल करना है, ठीक है। स्टाइल करने से पहले आपको मैं इतना बताना चाहूंगा कि गाइस मैं गूगल फॉन्ट यूज कर रहा हूँ। गूगल फॉन्ट में आपको दिखाई देगा एक पॉपिंस करके होगा, वो हमें चाहिए, एंड ऑलरेडी पॉपिंस यहाँ पे है। सो यहाँ पे जस्ट आपको सेलेक्ट दिस फॉन्ट पे क्लिक करना है, इसका URL को कॉपी करना है, ठीक है। ये क्या इस URL को आप ठीक इसके नीचे पेस्ट कर दीजिए परफेक्टली, कंट्रोल एस सेव, एंड देन इसको कॉपी कीजिए फॉन्ट को, और एकदम हमें वो हर जगह वो चाहिए, राइट। सो यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए इस तरीके से, एक काम करते इसको एंटर हिट कर देता हूँ ताकि वो आपका ज़्यादा लिंक ना खाए, ऑलराइट परफेक्ट। इस तरीके से हुआ, यहाँ पे मैं जाता हूँ इसको पेस्ट करता हूँ एंड परफेक्ट। अब इसका कलर चेंज हो चुका है, इनका फॉन्ट का जो लुक था वो चेंज हो चुका है, ठीक है। सबसे पहले अब ये जो आपको पैराग्राफ दिखाई दे रहा है इसका मुझे ना स्टाइल चेंज करना है, एंड बिलीव मी मैंने इस वेबसाइट में जितने भी पैराग्राफ है सबका सेम रखा हुआ है। सो दैट इज दी ओनली रीजन गाइस मैं ठीक इस LI के नीचे आके पैराग्राफ को करने वाला हूँ। मैं डायरेक्टली यूनिवर्सल पैराग्राफ आप इसको कह सकते हो, तो मैं क्योंकि मेरे हर पैराग्राफ का ना सेम साइज जो मैं प्रॉपर्टी देने वाला हूँ सिर्फ वही होने वाला है। सो लाइन हाइट 1.6 मतलब ऊपर नीचे दो अगर लाइन है तो उनके बीच कितना डिफरेंस होना चाहिए। फॉन्ट वेट में कर देता हूँ 400, ठीक है। बेसिकली आप कह सकते हो उसका थीन मतलब होता है। एंड देन जो कलर होगा गाइस वो आपका लाइट ग्रे 60 60 60, कंट्रोल एस सेव। मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब इसको ध्यान से देखना आप, ठीक है। एंड 3 to 1 बूम गाइस, कलर चेंज हो गया, इसका लुक भी फील चेंज हो चुका है। इतना हो गया, अभी मुझे क्या करना है देखो गाइस, अभी मैं जाता हूँ और सबसे पहले आपका वो जो बटन दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, तो बटन का मैं ना लुक हुलिया चेंज कर देता हूँ, देखो। सो हेडर बटन जाता हूँ इस तरीके से, हेडर बटन्स ये देखिए, हेडर बटन्स उसके अंदर एंकर टैग है हमारे। सो सबसे पहले क्या करना है गाइस, मुझे इनका जो बॉर्डर है बॉर्डर को मैं कर देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड पूरा वाइट, इस तरीके से मैंने वाइट कर दिया, ठीक है।
बॉर्डर रेडियस यूज करता हूँ मैं इनमें 100 पिक्सल का, परफेक्ट। ठीक है, इनमें जो मार्जिन होगा आजू बाजू उसको मैं 0 ऊपर नीचे से, लेकिन आजू बाजू से मुझे 5 पिक्सल का चाहिए, सो मैंने मार्जिन यूज किया। पैडिंग मुझे इनके बीच में चाहिए, राइट। सो गाइस पैडिंग में दे रहा ऊपर नीचे से 12 पिक्सल का, आजू बाजू से 35 पिक्सल का, लेफ्ट एंड राइट से। आउटलाइन कभी भी आप नन कर दो, क्योंकि फिलहाल हमें आउटलाइन की कोई नीड नहीं है। इनका जो कलर होगा टेक्स्ट का वो हो जाएगा व्हाइट, ठीक है, परफेक्टली। एंड देन इनका जो फॉन्ट की साइज है उसको मैं कर देता हूँ 1 REM, ठीक है, रूट, हमारा रूट EM आप इसको बोल सकते हो, बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल रहता है। फॉन्ट वेट में कर देता हूँ 400, ऑलराइट। एंड देन जो लाइन हाइट होगा उसको मैं 1.4 कर देता हूँ। पिक्सल विक्सल लिखने की जरूरत नहीं, टेक्स्ट अलाइन आपको कर देना है सेंटर, इस तरीके से लिखोगे एंड बूम गाइस कुछ आपका वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एक चीज नोटिस किया गाइस, एंकर टैग को आप होवर करने के बावजूद आपको नीचे वो कलर एक तो अलग आ जाता है और नीचे अंडरलाइन आ जाता है। सो इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं जाता हूँ, एंड देन जब भी अगर कोई इसको करेगा होवर, ऑलराइट, तो कलर मुझे क्या करना है, देखो कलर मैं चेंज कर देता हूँ, मैं लिख रहा हूँ 50D1C0, 50D1C0, परफेक्टली। आपको ये कलर देना है, इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा उसको कम्प्लीटली व्हाइट कर दो, एंड टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो गाइस, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो, वो हमें नहीं चाहिए। एंड मैं बॉक्स शेडो देने वाला हूँ हल्का सा, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट वर्टिकल ऑफसेट आपको कितना ब्लर करना है, उसको कितना स्प्रेड करना है, एंड देन उसका जो कलर होगा वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाना है। सो मैं ब्लैक कलर देने वाला हूँ, लेकिन उसका हल्का सा मैं ट्रांसपेरेंट रखने वाला हूँ। सो दिस इज इट, तो कुछ इस तरीके से आपका वो बन चुका है। ऑलराइट, नाउ आपका ये जो पैराग्राफ है उसको कैसे अब हम थोड़ा स्टाइलिश करें, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आता हूँ, एंड देन अगेन ये जो हमारा सेंटर डीप है, आपको मालूम है कि ये सेंटर डीप के अंदर हमें काम कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से सेंटर डीप के अंदर जो हमारा पैराग्राफ है, सो जस्ट मैंने आपको अभी ऊपर पैराग्राफ लिख के रखा था, ठीक है, वो मेरे सारे जगह यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ठीक सिर्फ हमारे मेन हेडर पार्ट के लिए मुझे थोड़ा 1.3 √EM चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं पैडिंग जा रहा हूँ, पैडिंग में मैं गाइस 10 पिक्सल लिख देता हूँ, टॉप से लेफ्ट से मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, एंड देन मुझे बॉटम से 20 पिक्सल का चाहिए, एंड राइट से मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, एंड देन इसका जो कलर होगा वो मुझे व्हाइट चाहिए, ठीक है। सो 3, 2, 1 एंड बूम गाइस, कुछ जिस तरीके से अब हमें एकदम परफेक्टली दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट अब ये कंप्लीट हो चुका है। एक चीज देखना जरूरी है कि ये अभी भी नीचे दिखाई दे रहा है और ये वर्टिकल स्क्रोल बार हमें दिखाई दे रहा है, वो मुझे नहीं चाहिए। सो गाइस हमें क्या करना होगा, यहाँ पे टॉप पे जाना है, सिंपली हैव टू राइट फिक्स्ड टॉप, ठीक है, इस तरीके से फिक्स टॉप लिखना 3, 2, 1 एंड बूम, परफेक्ट। देखो अब हेडर फुटर कहीं कुछ नहीं है, परफेक्टली रेस्पॉन्सिव हो चुका है, ठीक है, इतना हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये वाला पार्ट चाहिए। सो गाइस अब हमको ये 3 पार्ट्स क्रिएट करने, एक्स्ट्रा डीप आप कह सकते हो उसको, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पे मैं आता हूँ, जहां पे आपका ये सेक्शन खत्म हुआ, ये हेडर पार्ट, ऑलराइट, यहाँ पे आप लिख सकते हो 3 एक्स्ट्रा हेडर डीप, ठीक है, आप एक्स्ट्रा हेडर डीप स्टार्ट्स इस तरीके से आप लिख दीजिए। बस आपको इस तरीके से लिखना है कि सामने वाला अगर कोई आपने बीच में काम छोड़ दिया और किसी और को ये काम करना पड़ा, तो उसको एटलीस्ट समझे कि हाँ भाई ये कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है, बेस्ट पार्ट रहता है ये, एंड इस तरीके से आपने लिख दिया, परफेक्ट। सो गाइस अब मैं क्या चाहता हूँ, देखो सबसे पहले मैं एक सेक्शन ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं गया, इसको एक क्लास देना बहुत जरूरी है, दैट इज योर हेडर, और क्या लिखता हूँ गाइस, मैं एक्स्ट्रा डिव लिख देता हूँ, ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, टोटली आपके ऊपर है। तो देखो अब मुझे क्या चाहिए, एक में मुझे सिंपली 3 डीप चाहिए, एक ही रो के अंदर, एक लाइन के अंदर 3 डीप चाहिए, बहुत सिंपल है। बूटस्ट्रैप में गाइस हमने ग्रिड सिस्टम पढ़ा था, ठीक है, उसका लिंक मैं इधर टॉप पे दे दूंगा। सो ग्रिड सिस्टम यूज करने के लिए वी नीड अ कंटेनर, ठीक, उसके बाद वी नीड अ रो क्लास, ठीक, उसके बाद गाइस अब आप अपना यूज कर सकते हो। सो लार्ज में गाइस आपको कितना चाहिए, ऑलराइट, तो लार्ज में हमें 4 दिखाना है, क्योंकि 4, 4, 4, 12 हो जाएगा, परफेक्टली। मीडियम में भी गाइस आपको 4 दिखाना है, तो इस तरीके से मीडियम को भी 4 कर दीजिए, बट जो आपका मेन होगा मोबाइल में तो आपको 12 स्पेस दिखाना है, ठीक है, दिस इज इट, इतना लिखना है, सिंपल सा गाइस। इसमें आपको एंकर टैग रखना है, ठीक है, क्योंकि उस आप चाहे तो एंकर टैग रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, बट बेटर अगर आप एंकर टैग रखो, क्योंकि फिर उसको इजी होता है वो करने में, राइट, मतलब एक्सेस करने में। सो मुझे क्या चाहिए, फॉन्ट ऑसम चाहिए, तो देखो गाइस यहाँ पे मैं जाता हूँ, देखो फॉन्ट ऑसम पे गए, ये आइकन से, लेकिन आपको इसका सीडियन चाहिए। सो फॉन्ट ऑसम CDN 4.7.0 वर्जन में यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो CDNJS जो लिखा हुआ है,
इसका वर्जन चेंज करो पहले तो। हालांकि 5.11 आ चुका है बट बेटर है, ठीक है अभी इसको यूज करो, कुछ होता नहीं उससे, परफेक्टली यहाँ पे आना है, कॉपी लिंक टैग पूरा का पूरा कॉपी करो, है कि नहीं। टॉप पे आइए, पेस्ट कर दिया है, ऑलराइट। एंड देन अब इसको यूज कैसे करना है, सिंपल है। देखो यहाँ पे सपोज मुझे क्या चाहिए, लेट्स से मुझे चाहिए डेस्कटॉप, इस तरीके से मैं डेस्कटॉप लिखूंगा तो आपको डेस्कटॉप मिल जाएगा, ठीक है। जैसे अगर डेस्कटॉप आपको मिला तो यहाँ पे जो टैग दिखाई दे रहा है, आई टैग जो जस्ट अभी मैंने एक्सेस किया था, उसको मैं जाता हूँ यहाँ पे, ठीक इसके अंदर उसको मैं कर देता हूँ पेस्ट, परफेक्ट। तो अगर मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ और अपने इंडेक्स में जाता तो गाइस आपको यहाँ पे डेस्कटॉप दिख रहा है, परफेक्ट है कि नहीं। ऑलराइट, इतना हो गया, ठीक है। H2 पे क्या लिखा होना चाहिए, हमारा ये लिखा होना चाहिए इजी टू यूज, परफेक्ट। एंड देन आपको चाहिए पैराग्राफ टैग, एंड पैराग्राफ में आप ये गाइस आप देख सकते हो लो रैम स्पैम वाला जो भी है, इसको आप इस तरीके से लिखो एंड कंट्रोल एस सेव कर दो, दिस इज इट। अगर आपको मैं दिखाऊँ तो वो कुछ अब आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। आप देख सकते हो लेकिन ये परफेक्टली एक कोने में आ चुका है, लेकिन कितना ब्यूटीफुली है, ठीक। उसी तरीके से गाइस अब आपको क्या करना है, अब आपको इसी को ही तीन बार और यूज करना होगा, दो बार और यूज करना होगा, एक एंड दो, दिस इज इट। इतना हुआ, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो तीनों की तीनों आ चुके हैं, ठीक है। ये जो ऑसम डिजाइन जो दिखाई दे रहा है वो आप यहाँ पे नाम चेंज कर दो इस तरीके से, ठीक है। एंड देन ये जो इजी टू कस्टमाइज लिखा हुआ है इसको आप कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ऑलराइट। एंड देन गाइस अब आपको ये देखना है कि उसका कौन सा कलर था, राइट। तो वी हैव डेस्कटॉप, यहाँ पे आपको लिखना है ट्रॉफी, इस तरीके से आपने लिखा ट्रॉफी। एंड देन जो गाइस आपका ये होगा यहाँ पे आपको लिख देना है सिंपली मैजिक। तो मैंने जस्ट अभी आपको दिखाया था अगर आप डेस्कटॉप लिखते हो तो क्या आता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो आपको ट्रॉफी एंड मैजिक दिख चुका है, ऑलराइट। इतना सिंपल था ये। अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे गाइस मैं एक एक्स्ट्रा डिव यूज करने वाला हूँ, इनको एक एक क्लास प्रोवाइड करने वाला हूँ, और वो जो क्लास होगा उसका नाम होगा, मैं सिंपली लिख देता हूँ एक्स्ट्रा डिव, परफेक्ट, ठीक है। अब मुझे इसको करना है CSS। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने नाम दे दिया, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर लेता हूँ, इस तरीके से हेडर लिखता हूँ, हेडर में एक्स्ट्रा जो आपका, सो गाइस आप देख सकते हो मैंने हेडर एक्स्ट्रा डिव को एक्सेस कर लिया। अभी मुझे इसमें CSS यूज करना है, मैं सिंपली लिखूंगा विथ 100% हाइट में कर देता हूँ ऑटो, मतलब जितना भी हमारा कंटेंट होगा उसके हिसाब से। एंड देन गाइस इसका जो मार्जिन होगा, मार्जिन को देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ऊपर और नीचे से 100 पिक्सल का, आजू बाजू से 0। आप चाहे तो ऑटो भी कर सकते थे, ठीक है, वो टोटली आपके ऊपर। एंड देन जो तीन डिब है उसको मैंने क्या नाम दिया था आपको याद है, एक्स्ट्रा डिब, तो उसको मैंने किया इस तरीके से एक्सेस। उसका जो बैकग्राउंड का कलर होगा गाइस डेट विल बी वाइट, तीन बार लिखो या तो 6 बार लिखो, बात एक ही है। सो बॉर्डर को आप लिख दीजिएगा इस मीडियम, एंड देन आप नन भी लिख सकते हो इस तरीके से, परफेक्टली, ठीक है। एंड देन गाइस आपको पैडिंग देना बहुत जरूरी, ऊपर और नीचे हर चारों तरफ से मैं पैडिंग दे रहा हूँ। एक सेकेंड, फिलहाल मैं अभी इंपॉर्टेंट नहीं लिखता, एंड मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट मैं क्यों लिखता हूँ बार बार, ठीक है। एंड देन गाइस जो इसका बॉर्डर रेडियस होगा ना उसको मैं कर देता हूँ 3 पिक्सल, ऑलराइट। एंड इसका जो ट्रांजिशन होगा उसको मैं कर दे, ट्रांसफॉर्म नहीं, ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड में, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ, अगर यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, बूम गाइस कुछ वो हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड अगर आप देखते हो तो पैडिंग यूज नहीं हुआ, उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अपना खुद का पैडिंग है वो बूटस्ट्रैप ने रखा हुआ है। तो ऑल राइट, नाउ इट्स लुकिंग ग्रेट। अब मुझे क्या करना है गाइस, देखो मुझे सबके सब एकदम सेंटर पे चाहिए, क्या चाहिए गाइस, सबके सब एकदम सेंटर पे। आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पे ना इस तरीके से टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिख दोगे तो भी बन जाएगा काम, ऑल राइट, ठीक है। सो गाइस अब मुझे ये जो भी हमने H2 लिखा ना इसको मुझे स्टाइल करना है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मेरे वेबसाइट में अगेन जहाँ जहाँ मैं H2 यूज़ करने वाला हूँ वो सब के सब सेम है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे H2 जा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं देखूँगा इस क्या लिखता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ फॉन्ट का साइज 0.9 rem, ठीक है। इस तरीके से मैंने फॉन्ट साइज लिखा, मैं यहाँ पे मार्जिन जाऊँगा, मार्जिन में चाहता हूँ ऊपर से 20 पिक्सल का, लेफ्ट से नहीं चाहिए मेरे को, बॉटम से 15 पिक्सल का चाहिए, राइट से नहीं चाहिए, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट का मैंने शायद उल्टा बोल दिया बट आप समझ चुके हो, आई नो। फॉन्ट वेट में कर देता हूँ बोल्ड, थोड़े बोल्ड दिखने चाहिए। लाइन हाइट दे रहा हूँ गाइस, इट मीन्स ऊपर और नीचे के बीच 1.1 का डिफरेंस होना चाहिए। एंड वर्ड स्पेसिंग, हाँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 पिक्सल, दो वर्ड के बीच की स्पेस, सो 3:1 एंड बूम गाइस। अभी आपको लग रहा है क्यों चेंज नहीं हुआ, मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज मुझे इस तरीके से एक्स्ट्रा डिप लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं बस यहाँ पे एक्स्ट्रा डिप, ठीक है, एक सेकंड डबल हो गया, परफेक्ट। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ 3:1 एंड 1 सेकंड,
गाइस आप देख सकते हो कलर चेंज नहीं हो रहा है। एंड व्हाट आई रियलाइज कि अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा हाइफन डिप लिखा हुआ था, ठीक है, तो जहां जहां ये एक्स्ट्रा डिप लिखा, एक सेकेंड में उसको कर नहीं सकता, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, इसको एक्स्ट्रा डिप कर देता हूँ कंट्रोल एस सेव, एंड एकदम नीचे आता हूँ, यहाँ पे भी जो ये एक्स्ट्रा डीप है उसको इस तरीके से एक्स्ट्रा डीप कर देता हूँ। सो 3, 2, 1 एंड बूम गाइस, कैसा लगा अब आपको, ऑन द स्पॉट चेंज हुआ कि नहीं? क्योंकि मैं वही सोचूं ये क्यों नहीं हो रहा है, इंपॉर्टेंट लिखने के बावजूद नहीं होता, बट नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। सो गाइस इतना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जितने भी आइकन्स दिख रहे गाइस थोड़े छोटे दिखाई दे रहे हमको, सो क्लासेस पे जाता हूँ इस तरीके से, मैंने कंट्रोल डी करके सेलेक्ट किया सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे, यहाँ पे क्लास है फॉन्ट ऑसम को मैं 2 times बिगर करना चाहूंगा, ठीक है। 3, 2, 1 एंड बूम, नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, एंड देखना कि नहीं अभी भी नहीं, सो इंस्टेड ऑफ 2 आई विल मैं 3 times बिगर करना चाहूंगा, एंड ऑलराइट नाउ इट्स लुकिंग ऑसम जैसा हमें चाहिए। एंड अब गाइस मुझे क्या करना है कि इसको हल्का सा हूबर इफेक्ट दिखाना है, तो कैसे होगा वो, तो इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं जाता हूँ हूबर इफेक्ट पे जाता हूँ इस तरीके से, ठीक है। हूबर इफेक्ट पे मैं जैसे जाऊंगा तो सबसे पहले गाइस मुझे बॉक्स शैडो देना है इसको, गाइस बॉक्स शैडो सेम वही है जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट कि एक बार अगर आप यूज कर लेते हो तो ये देखो कैसा लग रहा है कि नहीं, लेकिन सिर्फ एज इट इज मुझे वो थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है, तो गाइस बहुत सिंपल है। अगेन हम क्या करने वाले हैं, CSS3 में ट्रांसफॉर्म की एक प्रॉपर्टी है जिसमें अगर आप ट्रांसलेट y मतलब ऊपर की ओर भेजते हो वो भी -20 pixels करके, सो जादू देखो क्या होता है। 3, 2, 1 एंड बूम गाइस, देखो तो कैसा लगा गाइस, हमने ऑलमोस्ट इतना कंप्लीट कर चुके, अब हमें देखना है ये व्हाट डू वी ऑफर। सो मैं बैक टू यहाँ पे जाता हूँ अगेन, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे जाता हूँ पेस्ट करता हूँ एंड सेक्शन स्टार्ट लिख देता हूँ, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो लेकिन बस आपको इस तरीके से लिखना है कि वो रिलेटेड रहे ऑफर हमारा जो भी है। अगेन इसको मैं कर लेता हूँ कॉफी, कॉफी बोल रहा हो गया मैं कॉपी को, ठीक है। एंड गाइस अगर अभी तक आप मेरे चैनल के साथ बने तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि गाइस आप में वो जुनून है, समझ रहे हो, दैट्स व्हाई आप अभी तक बने हो, एंड बिलीव मी आप एंड तक बने रहे आपको बहुत कुछ नया एंड बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन इतना मैं चाहूंगा कि गाइस अगर बीच बीच में हो रहा है तो थोड़ा सा 5 मिनट के लिए यू नो वीडियो पॉज करके थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा सा यू नो स्ट्रेच कर लीजिए बॉडी को, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। ऑलराइट तो अभी मैं ऑफर सेक्शन पार्ट पे आ चुका हूँ, यहाँ पे अगेन मैं अगर आपको दिखाऊँ तो वी हैव 2 parts, आप देख सकते हो हमारे पास एक ये पार्ट है। ऑलराइट आप हम इसको कैसे कर सकते हैं, आप सोचो थोड़ा कैसे कर सकते हो आप। अगेन बूटस्ट्रैप का अगर इसको मैं 6 sides दे दूँ, एंड अगेन बूटस्ट्रैप में इसको अगर मैं 1 row का 6 sides दे दूँ तो बराबर 6 × 12 है कि नहीं, एकदम परफेक्टली हो रहा है ये। सो कैसे, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ तो हर पार्ट के लिए मैंने एक सेक्शन, एक सेकेंड सेक्शन परफेक्ट यहाँ पे, ठीक है। अब इसको क्लास का नाम आपको देना बहुत जरूरी है, सो हम क्या करें सर्विस ऑफर करें, राइट। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से सर्विस ऑफर्स, ऑलराइट। यहाँ पे मैं आईडी दे रहा हूँ, अभी तक मैंने लेकिन आईडी की यूज की नहीं है, तो गाइस आपको एंड में पता चलेगा कि मैं ये आईडी क्यों यूज कर रहा हूँ। सेक्शन लिया गाइस, अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक डिप ले लेता हूँ, डिप को मैं कंटेनर दे देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेडिंग इस तरीके से, ठीक है। हेडिंग्स लिख रहा हूँ और मैं इसको टेक्स्ट सेंटर कर देता हूँ परफेक्टली। अब यहाँ पे एक H1 लेने वाला हूँ मैं, ठीक है। H1 को गाइस मैं क्लास करने वाला हूँ टेक्स्ट सेंटर परफेक्ट, एंड देन इसका जो फॉन्ट वेट होगा उसको मैं फॉन्ट वेट बोल्ड करने वाला हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या लिखने वाला है, व्हाट डू वी ऑफर, यहाँ पे मैं जाता हूँ व्हाट डू वी ऑफर, एंड ठीक इसका जो पैराग्राफ है गाइस उसमें मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो भी मैंने लिखा है हालांकि डमी टेक्स्ट है ये, ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, क्या होता है भगवान जाने, ठीक है। इसको मैं जाता हूँ पेस्ट करता हूँ और ठीक यहाँ पे गाइस मैं CSS का क्लास यूज करता हूँ, इसको भी मैं कर देता हूँ टेक्स्ट सेंटर में, ठीक है, टेक्स्ट सेंटर परफेक्ट। एंड अगर आपको दिखाऊं तो कुछ अब वो हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है, व्हाट डू यू ऑफर लोअर स्पैम, ये जो भी हमने लिखा इस तरीके से परफेक्ट, ठीक है। अब CSS हम बाद में करेंगे, लेकिन हमने इतना डीप कर लिया है, ठीक है। इस डीप के नीचे मुझे आना है एंड देन अगेन देखो 1, 2 सिर्फ 2 ही सेक्शन, इट मीन्स कॉलम 6 by 6 का डिवाइड कर दूंगा। तो अगेन गाइस अब मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूँ क्योंकि आई थिंक अब आपको बहुत कुछ पता चल चुका है। कंटेनर आता हूँ, यहाँ पे मैं डिप आता हूँ, ठीक है, रो, क्योंकि जो पार्ट ईजी ना गाइस वो बार बार बता के फायदा भी तो नहीं है, है कि नहीं। हमने ग्रिड सिस्टम बार बार देख लिया, कॉल लार्ज में मैं इसको कर देता हूँ गाइस 6, एंड देन जो आपका कॉल मीडियम होगा आपको थोड़ा बहुत सोचना है कि कैसे करना है, ठीक है। मोबाइल में मुझे कॉल 10 करना है, एंड ऑफसेट यूज कर रहा हूँ मैं
कितने का, 1 का। सो इसका मतलब एक ही गाइस, मोबाइल में वो पूरा 10 स्पेस ले लेगा, पूरा 10 कॉलम लेगा, एंड लेफ्ट का एक और राइट का एक कॉलम छोड़ के परफेक्टली हमें वो सेंटर में दिखाई देगा। तो ऑफसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्टली बूटस्ट्रैप 4 में अगर आप सिर्फ ऑफसेट लिख दोगे तो काम बन जाएगा। ऑलराइट गाइस, इतना हुआ। अब भी मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे सिंपली मैं जाता हूँ एंड एक और चीज करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे ऑफसेट लार्ज को 0 करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 लेने से क्या वो पूरा कम्प्लीटली सबको पकड़ा देगा, ठीक है। HTML एंड प्रोग्रेस बार, सिंपल इतना है। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ, एक सेकेंड, कैपिटल। हालांकि आप लिख सकते हो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे मैं क्लास में जा रहा हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ नेम्स, ठीक है। इसका अगर मैं आपको दू मार्जिन फ्रॉम टॉप एंड बॉटम से मैं 3 का दे रहा हूँ, मार्जिन ऊपर और नीचे से मैं 3 का दे रहा हूँ। इसमें मैं H1 जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HTML, एंड अब मैं अगेन आपको बताता हूँ, प्रोग्रेस बार पे जाओ, ठीक है। प्रोग्रेस बार्स यहाँ पे आप देख सकते हो वाले प्रोग्रेस बार्स ये है, लेकिन वी नीड अ एनिमेटेड वन, ठीक है। ये वाला एकदम परफेक्ट है, इसको एक सेकेंड, इसमें लेकिन वो दिख नहीं रहा हमें जो चाहिए, ठीक है गाइस, कोई नहीं, इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट। कैसा लगा? अरे यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, 100%, ठीक है। यहाँ पे भी आपको वीट देना है 100%। तो सिर्फ आप यहाँ पे 100% लिख दोगे ना, इससे होगा ये कि आपको वो टेक्स्ट यहाँ पे इस तरीके से 100% दिखाई देगा। तो गाइस अभी मैं बाकी के भी ऐड कर लेता हूँ। सो सिंपली गाइस, ये जो आपका नेम डीप दिखाई दे रहा है, ठीक इसके नीचे आओ एंड इस तरीके से पेस्ट कर दो। तो आप देख सकते हो मैंने CSS के लिए किया, जावास्क्रिप्ट के लिए किया, रिएक्ट के लिए किया एंड नोट के लिए किया। कंट्रोल S सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो सब बराबर आ चुके। एंड गाइस आप लोग एक चीज देख सकते हो, एंड दैट इज कि आप देखो अगर CSS जावास्क्रिप्ट अगर इनके नीचे का जो प्रोग्रेस बार है उनका लुक थोड़ा सा अलग है, उनकी विड्थ तो कम है ही, साथ में थोड़े पतले भी दिख रहे। सो उसका कुछ मतलब नहीं, आप देख सकते हो विड्थ 75 करके रखा है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओहो हो, एक चीज हम भूल गए, दैट इज हमने एक क्लास लेना में भूल गया यहाँ पे। सो गाइस मैं एक डिव ले लेता हूँ, ठीक है। और वो क्यों लिया मैं आपको आपको बताता हूँ, क्योंकि वो जरूरी था वैसे। ऑलराइट यहाँ पे मैं जाता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो एक क्लास पकड़ाता हूँ प्रोग्रेस करके, ठीक है। और ये जो क्लास मैं दे रहा हूँ ना, ऐसे मैं खुद से नहीं दे रहा हूँ, मैं एक्चुअली कॉपी मैंने परफेक्टली नहीं किया लगता है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो इन्होंने देखो प्रोग्रेस ऑलरेडी इन्होंने खुद बोला प्रोग्रेस यूज करो। आपको अगर मैं यहाँ पे ये देखो डीप क्लास प्रोग्रेस एंड देन ये डीप है, मैंने सिर्फ इसको कॉपी कर दिया, ये देखो। तो ये फायदा होता है, आपने देखा अभी जस्ट, अगर मैं कॉपी नहीं करता तो कुछ हो सकता था, बाद में सोचता रहे बाप रे क्या हो गया ये। तो ये ऐसे ही काम होता है नॉर्मल, ऐसा कोई नहीं कि जो अगर प्रोफेशनल लोग बिन देखे करते, यार जब ऑलरेडी दिया हुआ है तो किस लिए वो करना, समझ रहे हो। देखो इस तरीके से लिखा, अब यहाँ पे मैं विड्थ कितना भी दे सकता हूँ, विड्थ अगर मैं 50 कर देता ना तो देखो क्या होता। अब देखा अभी एकदम सेंटर पे आ गया, एकदम छोटा, लेकिन अब मुझे चाहिए 75, मैक्सिमम आप 100 दे सकते हो खाली। तो इस तरीके से अब ये परफेक्टली हो चुके गाइस, अभी एज इट इज रहने दो। अभी मुझे ये राइट साइड का चाहिए, राइट। एक चीज करो कि इस तरीके से लंबा मत छोड़ो यार, ये जो आपका पार्ट जहां खत्म हो रहा है इसको मिनिमाइज कर दो। ऑल राइट, ठीक है। अभी आप क्या करो, सेम फिर से आपको एक और डिप चाहिए, कॉल लार्ज में 6 आपको डिवाइसेस दिखाना है, ठीक है। सो आप देख सकते हो मैंने लार्ज में 6 लिखा, एंड मैं रुक इसलिए गया क्योंकि गाइस मुझे मीडियम में 12 दिखाना है, मतलब मीडियम में मुझे एक के नीचे एक दिखाना है। सो मैं जो टॉप है गाइस वहां पे भी मैं कर दे रहा हूँ 12। तो ये वाले जो पार्ट है इसको भी मैंने कर दिया है कम्प्लीटली 12। इसका मतलब मीडियम डिवाइसेस जो है आपका iPad Pro उसमें अब आपको ये पूरा का पूरा स्पेस खा लेगा वो, एंड मोबाइल में तो पूरा का पूरा दिखाना ही है मुझे। सो कॉल 12, दिस इज इट। एंड इसका जो पार्ट होगा गाइस इस पे मैं एक और एक्स्ट्रा क्लास ऐड कर रहा हूँ, दैट इज योर सर्विस डीप। ऑलराइट गाइस, इतना हो चुका है। एंड देन अगेन अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें भी गेम हो रहा है गाइस। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पार्ट है ना, इसको मैंने 6 एंड इसको मैंने 6 कर दिया, परफेक्ट। लेकिन इस 6 के अंदर भी 2 और हमें ऐड करने पड़ेंगे, दैट इज ग्रिड सिस्टम अगेन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसने भी एक स्पेस लिया हुआ है, एंड देन ये जो पार्ट है इन्होंने भी अपना एक स्पेस लिया। उस 6 के अंदर भी मुझे अब इसको अलग स्पेस एंड इसको अलग स्पेस देना पड़ेगा। तो देखो अगेन मुझे ग्रिड सिस्टम यूज करना पड़ेगा, क्लास रो जा रहा हूँ। यहाँ पे जो मेरा पहला जो आइकन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है गाइस, उसको मैं कितना दे देता हूँ, कॉल लार्ज में 2 का स्पेस दे रहा हूँ, ठीक है। एंड देन जो नॉर्मल आपका मोबाइल है उसमें भी मैं बोला ठीक है भाई तू 2 ही स्पेस ले, उससे ज्यादा नहीं दूंगा मैं। एंड यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सर्विस
आइकन्स। इस तरीके से गाइस इसको मैं क्लास देने वाला हूँ। एंड यहाँ पे मैं अब गाइस सिंपली क्या करने वाला हूँ कि ये जो मैंने डेस्कटॉप लिया था आपको याद है, ये इसको मैं करता हूँ इस तरीके से कॉपी, पूरा ए तक कॉपी कर रहा हूँ, सॉरी ए नहीं, आई तक कम्प्लीटली कॉपी करता हूँ। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इस तरीके से पेस्ट, दिस इज इट। सो एक बार चेक कर लेते कैसे दिख रहा है। ऑलराइट परफेक्ट, हमें हमारा डेस्कटॉप दिख चुका है एकदम परफेक्ट, कोई बात नहीं। ऑलराइट इस तरीके से हमारा ये हो चुका है। एंड देन ठीक, अब इसी के नीचे में एक और मुझे डिप लेना पड़ेगा। एंड इस डिप को मुझे देखो गाइस क्या करना है, इस डिप को मुझे बाकी जितने स्पेस बचे, कितने बचे इसमें 10 बचे ना, ठीक है। मीडियम में कितना बचा वो बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं डायरेक्टली अब 10 लिख दूंगा तो मेरा काम हो चुका है। अब भी यहाँ पे गाइस मैं क्या करना, अगेन मैं H2 यूज करने वाला हूँ, ये ध्यान से देखना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको क्या बताया था H2 की मैंने ऑलरेडी कोडिंग कर चुकी है, ठीक है। सो यहाँ पे H2 जाता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट, एक सेकेंड, ठीक है कॉपी किया, ठीक है पता नहीं कैसे अपने आप नीचे आ गया था, चलो कोई नहीं। यहाँ पे मैं P पे जाता हूँ, एंड P पे गाइस ये सब आप देख सकते हो डमी टेक्स्ट है, यहाँ पे आप अपना खुद के। एंड एक चीज नोटिस किया गाइस आप लोगों ने, ये जो पार्ट है ये मेरे वेबसाइट का, आप में से अगर मैं आपको थापर टेक्निकल खोल के दिखाऊं अपने वेबसाइट को, ये देखो गाइस आपने नोटिस किया व्हाट डू यू ऑफर, तो ये जो मैंने लिखा गाइस ये सेम वही है जो मैं यहाँ पे क्रिएट, तो मैंने बहुत सारे यू नो वेबसाइट का फ्यूजन बना रहा हूँ मैं आज, तो आपको सब मजा आ जाएगा। देखो ये जो पार्ट है ये वही है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ऑलराइट, सो कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब भी ये जो मैंने लिखा ना गाइस, इसी को ही अब मुझे क्या करना होगा, कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट इस तरीके से करना है, ठीक है। सो इसको मैं करता हूँ पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, ठीक है। एंड वो कैसा लगा आपको, बैक टू बैक 3 आ चुके हैं। अभी खाली मुझे करना है तो क्या, इनका नाम चेंज करना है। सो डिजिटल मार्केटिंग कर देता हूँ यहाँ पे, और ये जो नीचे सपोर्ट 24/7 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पे परफेक्ट, ठीक है गाइस इस तरीके से रखा, यहाँ पे ये हो जाएगा चेंज। ऑलराइट, नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। अब बस मुझे क्या चाहिए गाइस, इनका मुझे ये जो क्या कहते हैं गाइस इसको, फॉन्ट ऑसम जो है इसको चेंज करना है। पहला वाला डेस्कटॉप एकदम परफेक्ट है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन जो सेकंड वाला होगा वो होगा आपका वाईफाई, ये जो सेकंड इसको मैं कर देता हूँ वाईफाई, और ये जो थर्ड वाला आपका ऑसम था उसको मैं लिख दूंगा फोन। तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे पास, इस तरीके से हो चुका है गाइस। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हमें CSS यूज करना है खाली, ठीक है। सो इसको मैं करता हूँ कॉपी ऑफर CSS स्टार्ट, इस तरीके से आप लिख दीजिए, ठीक है, और इसी को एक और बार कॉपी कर दीजिए, ताकि फिर बाद में शायद अगर आप भूल भी जाओ तो आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपने पहले लिख दिया, खत्म हो गया बोल के, है कि नहीं। तो सिंपली इस तरीके से आपको लिखना है, पहले आपको ये डिप बनाना होगा। सो सर्विस ऑफर्स पे मैं जाता हूँ, सिंपली यहाँ पे देखो गाइस इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो थोड़ा सा वेड होगा, लेकिन ठीक है, ये आपका लाइट ग्रे कलर आप इसको बोल सकते हो। मैं पैडिंग देने वाला हूँ ऊपर नीचे से 50 पिक्सल का, आजू बाजू से 0 पिक्सल का, एंड देन जो मार्जिन बॉटम होगा उसको मैं दूंगा 50 पिक्सल, ठीक है। कंट्रोल एस सेव एंड 3:1 बूम गाइस, आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुली ये कलर आ चुका है, लाइट ग्रे, आप देख सकते हो इसका व्हाइट बैकग्राउंड है, इसका एक लाइट ग्रे कलर आ चुका है कि नहीं, ऑसम। अब ठीक, यहाँ पे मैं जाता हूँ डॉट हेडिंग्स, अगर आपको याद होगा मैंने दिया था, ठीक है, वहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगेन मैं मार्जिन बॉटम लिखने वाला हूँ 50 पिक्सल का, ठीक है। उसके बाद गाइस जो जितने भी मेरे ये हेडिंग्स है, हेडिंग्स का जो मेरा H1 है, ये जो मेरा हेडिंग का H1 है, मतलब ये व्हाट डू वी ऑफर की बात कर रहा हूँ मैं, इसको गाइस मैं जो फॉन्ट साइज है 1.5 रूट REM देने वाला हूँ। इनका जो फॉन्ट वेट है, अगर गाइस आप 600 लिख दे तो इट मीन्स वो आपका बोल्ड के अला जाता है। एंड देन इसका जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है, चाहे तो ये तीनों की तीनों ना मैं वहाँ से कर सकता था बूटस्ट्रैप से, बट बेटर मैं CSS से करूँ, क्योंकि बाद में इजी करना बहुत सिंपल। ऑलराइट, नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, ठीक है। अब भी मुझे ये HTML CSS जो भी लिखा है इसको मुझे सेट करना है। सो कैसे, अगर आपको याद होगा मैंने उनका जो क्लासेस का नाम है वो मैंने दिया था नेम्स करके, नेम्स के अंदर मैंने H1 लिखा था। ऑलराइट, सो इसका जो कलर होगा गाइस उसको देखो क्या कलर है, 2E 2E 2E, एक सेकेंड, यहाँ पे एट द रेट हो गया, 2E 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 था, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे नाम होते तो मज़ा भी आता, बीच बीच में गाइस आपको बोर बिल्कुल नहीं होना, जब भी आपको लगे थोड़ा सा बोर हो हल्का सा स्ट्रेच कर लो, यू नो कलर लिखा मैंने। एंड देन इनका जो फॉन्ट साइज होगा 0.9 REM मुझे लिखना है, रूट REM बोलूंगा फिर से मैं इसको। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो होगा इस समय अब मैं अपर केस नहीं कैपिटलाइज करूंगा, 3:1 एंड बूम गाइस, देखो कितना ब्यूटीफुल हमें ये दिखाई दे रहा है। और मैं क्या कर सकता था, यहाँ पे मैं कर सकता था टेक्स्ट
कैपिटलाइज मैंने कर दिया परफेक्ट, लेकिन कैपिटलाइज करके फायदा नहीं है, मुझे अपर केस करना पड़ेगा क्योंकि बाकी सब अपर केस है और मुझे आई थिंक फॉन्ट वेट मुझे यूज करना पड़ेगा बोल्ड, ठीक है, क्योंकि ऑल राइट नाउ इट्स लुकिंग ऑसम परफेक्ट। ठीक है, अभी ये जो आपको H2 दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको मैं सेट करता हूँ। देखो ये क्या है हमारे H2, ये देखो, और ये किसके अंदर है गाइस, सर्विस डिप के अंदर है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, और अगर आपको याद हो मैंने एकदम, एक सेकेंड, स्टाइल पे ना एकदम मैंने टॉप पे सर्विस डिप ऑलरेडी यूज किया था, आपको याद है मैंने H2 यूज किया था ये बोलते हुए कि बार बार मुझे यूज होने वाला है। सो यहाँ पे मैं जाता हूँ कॉमा, और ये क्या एक क्लास है ना, क्लास को तो डॉट लिखना पड़ेगा, तो सर्विस डिप एंड H2, this is it। अब ये दोनों के सेम प्रॉपर्टी, that's why मैंने इस तरीके से लिखा। एंड गाइस यही होता है कि एक वेबसाइट को आप किस तरीके से ऑसम बनाते हो, मतलब डू नॉट रिपीट योर सेल्फ बोलते ना, ठीक है, अगर आपके एक डिप में सेम प्रॉपर्टी यूज हो रहा है तो बार बार मत लिखो यार, समझ रहे हो, ऐसा एक टॉप पे जाओ यूनिवर्सल बना दो। जैसे ये मेरा पैराग्राफ हर जगह यूज हो रहा है तो मैंने डायरेक्ट पी को कर दिया, अब मुझे पी को करने की कुछ जरूरत नहीं है, समझ रहे हो, इस तरीके से आपको करना है परफेक्ट। एक काम करता हूँ यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ एक्चुअल सी एस एस स्टार्ट, लिख देता हूँ एक्चुअल सी एस एस स्टार्ट यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बाकी सब तो क्या बाय डिफॉल्ट हम अपना वाला कर रहे हैं ना, जो बाय डिफॉल्ट हमें ब्राउजर ने दिया हुआ है, ये बाकी के जितने आ रही है बाकी सब हमारे एक्चुअल सी एस एस के क्लासेस, सी एस एस क्लासेस लिख देते हैं, ठीक है, परफेक्ट। आपको भले ये सेंस नहीं बन रहा हो ये मैंने क्यों ऐसा लिखा, गाइस ये जस्ट कमेंट है ताकि आगे को उनको एक्चुअल में पता चल कि हाँ यहाँ से जो भी अब ये एक्चुअल जो क्लासेस यूज किया गया है वेबसाइट में उसका हो रहा है, एंड बाकी ये सब जो है बाय डिफॉल्ट ये हमारे टैग्स है, ठीक है। ऑलराइट इतना हो गया, ये बहुत हमें ऑसम दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी हमें थोड़ा सा ऊपर नीचे चेंज करना होगा, एंड दैट इज ये जो हमारे आइकन से उसको मुझे सेंटर पे लिखना, एंड बिलीव मी ये बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। मैं तो आपको यही चाहूंगा कि गाइस अभी इतना होने के बाद आप खुद सोचो, एक बार वीडियो पॉज करो, आप सोचो कि इस आइकन्स को मैं सेंटर पे कैसे लेके आ सकता हूँ, अब सोचो गाइस, सोचो ये, जब अगर आप सोचोगे नहीं तो फिर वो थिंकिंग जो एक कैपेबिलिटी होती है वो बढ़ेगी नहीं ना, क्योंकि आपको एक आदत हो जाएगा डायरेक्टली देखने की कि ठीक है एक बार पहले मैं देख लेता हूँ फिर कब मैं करूँगा, वैसा नहीं गाइस, आप वीडियो देखते देखते एक पॉज करके सोचा करो ये कैसे हो सकता है एल्स, है कि नहीं, एंड देन आप चेक करो कि हाँ मैंने सेम वही स्टेप फॉलो किया है कि नहीं वो करने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक सेपरेट डीप बना रखा हुआ है, एंड उसको नाम दे रखा है मैंने सर्विस आइकन्स, एंड वो मैंने क्यों दिया था अभी आपको बताता हूँ, सिंपली डायरेक्शन नहीं, डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्ट वाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, दिस इज इट, एंड 3, 2, 1 बूम, कैसा लगा आपको, इतना सिंपल था, सिर्फ डिस्प्ले फ्लैक्स सेंटर, ये मैं आजकल हर वीडियो में मैं ये यूज कर रहा हूँ, एंड मैंने फ्लैक्स इन वन वीडियो इन हिंदी भी मैंने पूरा क्रिएट करके रखा है, ग्रिड सिस्टम इन सीएसएस इन वन विद वो भी करके रखा है, ठीक है। तो हमारा गाइस ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ऑलराइट इतना हो चुका है गाइस, एक चीज हमें देखना है कि ये जो आपको प्रोग्रेस दिखाई दे रहे थोड़े मोटे दिखाई दे रहे हैं, ऑलराइट, तो इसको मैं छोटा कैसे करूं, तो आपको याद है जब अभी जस्ट मैंने आपको बोला था प्रोग्रेस जो मैं भूल गया था, तो इसी को मैं एक्सेस करता हूं, हाइट में देता हूं 0.6 आरईएम का, ठीक है। एंड गाइस आपको इंपॉर्टेंट यूज करना ही पड़ेगा, एल्स वो दिखेगा ही नहीं आपको, एक सेकेंड मैं एक काम करता हूँ बिना इंपॉर्टेंट के आपको मैं दिखाता हूँ क्या होता है, कुछ नहीं होगा समझ रहे, लेकिन जैसे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा मैं बोल रहा हूँ नहीं भाई बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप ने जो दिया मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, आई वॉन्ट 0.6 ओनली, एंड बूम, कैसा लगा आपको, है कि नहीं ऑसम ये, ठीक है। अब भी मुझे क्या चाहिए गाइस, मुझे मार्जिन बॉटम लिखना पड़ेगा, मार्जिन बॉटम, ठीक है, एंड मार्जिन बॉटम में मैं 25 पिक्सल अगेन मुझे इंपॉर्टेंट लिखना है क्योंकि बाय डिफॉल्ट उन्होंने अपना दिया हुआ है जो मुझे नहीं चाहिए, परफेक्ट। एंड इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं चेंज करना चाहता हूँ, एंड बूम, ठीक है, इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है परफेक्ट। अभी ये जो आइकन है ना गाइस इसका मुझे कलर चेंज करना है, सो मैं क्या चाहूंगा कि हर आइकन का कलर सेम हो, अगेन फिर से, हाँ मेरे जितने भी आइकन्स मैं यूज कर रहा उनका अगर कलर मुझे सेम चाहिए, समझ रहे, तो मैं उनका कलर यूज कर लेता हूँ, डेट इज योर 2FCCD, 2FCCD एंड देन D0, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, 3, 2, 1 एंड बूम गाइस, देखो सबका कलर चेंज हो गया, अब मुझे बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक सबका कलर चेंज हो जाएगा, एंड ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ ये मोर देन 2000 वेबसाइट्स जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको कैसे कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले तो देखो गाइस, सो गाइस यहाँ पे हम लिख देता हूँ प्रोजेक्ट डन स्टार्ट, हाँ यहाँ पे स्टार्ट, और यहाँ पे मुझे कर देता हूँ एंड, प्रोजेक्ट जितने हमने किया बस बेसिकली इतना मैं बताना चाह रहा हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ,
सो गाइस इतना हो गया। मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मैंने ऊपर कॉपी किया है इसी को मैं इतना हो गया गाइस। अभी मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे आपको जो टॉप पे दिखाई दे रहा है इसी को मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे जाता हूँ एंड देन कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, मुझे इसको एंड करना पड़ेगा। ऑल राइट, परफेक्ट। तो यहाँ पे इसको मैं, ये जो मैंने लिखा इसको मैं इस तरीके से करता हूँ कॉपी, और आई थिंक ठीक इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। ठीक, इस तरीके से कॉपी कर ये पैराग्राफ में हटा देता हूँ, और यहाँ पे अगर जाके रिफ्रेश कर दो तो कुछ हमें वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब लेकिन ये जो मैंने सर्विस ऑफर्स लिखा है ना गाइस, ये मुझे सर्विस ऑफर नीचे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोजेक्ट वर्क। मैंने क्या लिखा, प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। ये आईडी मुझे नहीं चाहिए इस जगह पे, इसको मैंने हटा दिया। परफेक्ट, ठीक है, इतना काम हो चुका है। ऑलराइट, और एक काम करता हूँ गाइस, इसको मैं H1 हटा देता हूँ, पैराग्राफ ही रखता हूँ मैं, इसको भी यहाँ से हटा के, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पैराग्राफ के ऊपर दिया हुआ है। सो 3-1 एंड नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। ठीक है, लेकिन इतना हुआ अब भी सिंपल सी बात है। देखो, सो गाइस आप ध्यान से देखिए कि एक रो के अंदर 4 कॉलम है, लेकिन हर बार ग्रिड सिस्टम ही क्यों। मैंने जस्ट अभी आपको दिखाया था कि अगर आप फ्लेक्स बॉक्स यूज करते तो कितना सिंपल होता है। ठीक है, देखो मैं एक डिव लेता हूँ, इसको क्लास देता हूँ कंटेनर। ठीक है, अभी इसके अंदर मैं एक और डिव लेता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखो आप, और इस डिप को मैं ना कुछ नहीं करता, ठीक एज इट इज रखता हूँ। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको मैं एक H1 में ना मैं सिंपली फिलहाल अभी एज इट इज रखता हूँ, और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ 1500। एंड ठीक, इसमें मैं पी लिख रहा हूँ, और ये जो CMS इंस्टॉलेशन लिखा है मैंने, ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हो, ये मैंने बस ऐसे देखा कहीं से तो मैंने CMS इंस्टॉलेशन लिख दिया। मैं सोच रहा था क्या करूँ इसमें, नहीं इतना लिखा। मैं रिफ्रेश करता हूँ अगर तो कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अभी मैं बाकी की उसको भी कॉपी कर लेता हूँ। सो इसको मैं 4 बार कॉपी करना है, 1, 2 एंड 4। परफेक्ट, यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या है, 2500, 700, 500, 2500। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने कंप्लीट कर लिया, एंड बूम, कुछ वो एक के नीचे का रहा है। ठीक है, लेकिन अभी आप जादू देखो, यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, और डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, एंड सॉरी सेंटर नीचे मुझे अराउंड चीज, एंड देन मैं लिखूंगा अलाइन आइटम सेंटर। दिस इज इट, बस ये 3 लिखा, 3-1 एंड बूम। आपने देखा क्या हो, अपने आप सब हो जाता, कोई टेंशन ही नहीं। एंड एक और चीज लिख दो, दैट इज टेक्स्ट सेंटर, जिससे टेक्स्ट भी सेंटर में आ जाएंगे। परफेक्टली एक के नीचे। ऑलराइट गाइस, दिस इज इट, इतना सिंपल हो चुका है। अभी मुझे इस पे क्या चाहिए, पहले तो मैं आपको CSS अप्लाई करता हूँ, एंड इसका CSS ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ हमने किया ही नहीं तो CSS ज्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी अब इसमें CSS कितना है, देखो नीचे आता हूँ, ये जो भी लिखा है मैंने इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट एंड देन अगेन पेस्ट। ये जो सर्विस ऑफर लिखा है यहाँ पे, इसको मैं हटा के यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, अवार्ड्स वॉन। आप कुछ भी लिख सकते हो यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस क्या लिखूँ सोचता हूँ, एंड यही क्रिएटिव आप देखो, अवार्ड वॉन। ठीक है, आप लेकिन आप सोच समझ के अपने वेबसाइट के लिए लिखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो मैंने प्रोजेक्ट वर्क किया था, ठीक है, उसका गाइस मैं क्या करता हूँ, उसको मैं एक स्टाइल दे देता हूँ, एंड दैट इज मार्जिन फ्रॉम टॉप एंड बॉटम से दूंगा 100 पिक्सल का। ऑलराइट, एंड आजू बाजू से 0, मतलब नहीं आजू बाजू का मुझे। लेकिन इसका जो प्रोजेक्ट डन होगा, मतलब जो मैंने प्रोजेक्ट किया, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क्स के अंदर आई मीन जो H1 था मेरे, उसका जो मैं फॉन्ट साइज है उसको 2 REM करने वाला हूँ, एंड देन जो टेक्स्ट अलाइन होगा उसको मैं कर दूंगा सेंटर। अब वो सेंटर इसलिए क्या, क्योंकि गाइस मीडियम डिवाइस पे हमें क्लियर नहीं दिख रहा था। ऑलराइट, नाउ हमें इस तरीके से एकदम ब्यूटीफुली दिखाई दे रहा है, ऊपर नीचे से परफेक्ट। अभी इसमें मैं jQuery यूज करने वाला हूँ, तो देखो गाइस। सो गाइस आप यहाँ पे ना jQuery के लिंक देख सकते हो, वी हैव अ काउंटर ऑफ, एक लिंक हमें जरूरत है उसके लिए, एंड देन वी नीड अ वे पॉइंट्स। ठीक है, तो इसको एंड ये जो आपका काउंटर है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी इस तरीके से। ठीक है, एंड ठीक jQuery जो हमारा मेन पार्ट है, ठीक उसके नीचे इसको मैं ऐड कर देता हूँ jQuery। अगर आप देखोगे तो वी हैव jQuery, ठीक इसके नीचे मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, बस अब आपको कुछ नहीं करना है, देखो कंट्रोल एस सेव करता हूँ, इतना हुआ। ठीक, इसके नीचे आपको आना है, इसके नीचे आके आपको क्या लिखना है, आपको लिखना होगा स्क्रिप्ट टैग। सो गाइस इस तरीके से आपने इसको स्क्रिप्ट टैग लिखा, एंड डोंट वरी अगर आप सोच रहे हो मैंने कहाँ से लिया, तो गाइस आपको इस
वेबसाइट जो मैं क्रिएट करूँ उसका सोर्स कोड कैसे पाना उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा, एंड पूरा ए टू जेड होगा उसमें, उसका आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। नहीं तो आप सिंपली वे पॉइंट्स लिखोगे गूगल पे तो भी मिल जाएगा, एंड काउंटर ये जो है वो तो भी मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना रखा है जेक्वेरी प्लगइन्स के ऊपर भी, ठीक है। अब गाइस जेक्वेरी यूज हो रहा है, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए कि ये जितने भी मेरे नंबर्स थे इन सब पे मुझे एक क्लास ऐड करना होगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल डी, इस तरीके से कंट्रोल डी एंड वन मोर टाइम कंट्रोल डी, यहाँ पे मैं एक सेकेंड, मुझे लिखना होगा क्लास, ठीक है। क्लास में क्या यूज करो, देखो गाइस मुझे क्लास का नाम मैं रख देता हूँ काउंट, सिंपली सिर्फ काउंट, ना काउंट्स ना ये ना वो, सिर्फ काउंट रख रहा हूँ, दिस इज इट। इसको अब मैं कॉपी करूंगा, तो देखो अब यहाँ पे मैं कोड कैसे लिखने वाला हूँ। सो गाइस यू हैव टू राइट डॉलर सिंबल, बेसिकली जेक्वेरी को रिप्रेजेंट करता है, एंड वो क्लास था तो मैंने क्या लिखा डॉट, अगर हैशटैग आईडी के लिए होता, इतना लिखने के बाद गाइस यू हैव टू राइट काउंटर अप, ठीक है। इस तरीके से आपको काउंटर अप लिखना है, पैरेंथेसिस के अंदर कर्ली ब्रेसेस देना है, तो आपको गाइस यहाँ पे लिखना है डिले, और ये मैं खुद से नहीं लिख रहा हूं, आप देख सकते हो मिली सेकंड दिखा रहा है, ठीक है। ये उन्होंने प्रॉपर्टी दी है, ठीक है, आपको डिले करवाना तो ठीक है आप 10 लिखिए इस तरीके से, कॉमा देना है, सेमी कॉलम नहीं देना, एंड टाइम कितने टाइम के अंदर आपको वो चाहिए कि 0 से 1500 कब तक चाहिए, मुझे चाहिए मिली सेकेंड 3 सेकेंड के अंदर, दिस इज इट, सिर्फ इतना लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, ऑलराइट, सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, कैसा लगा अब आपको, ये देखिए जो अभी जस्ट हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप में से बहुत लोग सोच रहे थे वो कैसे हो रहा था, तो उसको हम बोलते हैं काउंटर अप, एक जेक्वेरी का प्लगइन है जिसके थ्रू वो होता है। तो मैंने आपको बताया गाइस अभी तक हमने कितना कुछ कर चुका है जो कि बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, एंड डोंट वरी रेस्पॉन्सिव भी हम देखते रहेंगे, उसका बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। इतना हो चुका है, अब भी आवर बेस्ट प्राइसिंग इसको कैसे करना है, देखो यहाँ पे मैं जाता हूँ अगेन, इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं जाता हूँ और अगेन वन मोर टाइम इसको मैं करता हूँ कॉपी, ठीक है। तो ये जितने भी प्रोजेक्ट डन दिखाई दे रहा है इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आवर प्राइसिंग, अगेन गाइस मैं टॉप पे जा रहा हूँ, जो मैंने एक सेकेंड ये जितने भी कंटेनर इन सबको मैं ऐसे छोटा कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने किया कॉपी, एंड ये जो मेरा डीब इसको भी मैं छोटा कर देता हूँ ताकि हमें एकदम परफेक्टली दिखाई दे। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है बेस्ट, एंड देन एक सेकेंड मैंने, एक सेकेंड गाइस इसको मैं पहले हटा दूँ, इसको मुझे कॉपी नहीं करना था, मुझे कॉपी करना था तो पूरा का पूरा ये सर्विस सेक्शन टैग तक के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं गया, इसको मैंने कॉपी की जस्ट, एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ परफेक्ट। नाउ ये सेक्शन को भी मैं इस तरीके से रख देता हूँ, ठीक है। अभी जस्ट मुझे क्या चेंज करना है कि मुझे ये सर्विस ऑफर के बदले आई टू राइट प्राइसिंग, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो सर्विस डिप के लिए प्राइसिंग, ठीक है। और आई थिंक गाइस अभी तक आपको पता चल चुका है बेसिकली ये जब मैं मेन्यू पे क्लिक करता हूँ ना तब वो इस पेज पे आए, इस पर्टिकुलर सेक्शन पे आए, दैट इज द ओनली रीजन व्हाई गाइस मैं ये आईडी यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड ये जो आवर प्राइसिंग लिखा, आवर बेस्ट प्राइसिंग, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ परफेक्टली, इस तरीके से कॉपी किया, एंड ये मुझे पैराग्राफ नहीं चाहिए वहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से गाइस मैंने इसको कंट्रोल एस सेव कर चुका हूँ, अब ये हमें बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है परफेक्ट। और इसको मैं क्या करने वाला हूँ गाइस, अभी इसको मैं डायरेक्टली टेक्स्ट वाइट कर देता हूँ, ठीक है। अब इससे होगा ये कि गाइस आप लोगों को तो ये दिखेगा नहीं क्योंकि वाइट में वाइट दिखने से रहा, एक सेकेंड तब भी हम ये दिख रहा है, ये कैसे हो गया, ठीक है, टेक्स्ट वाइट्स हो गया, वाइट लिखूंगा तो अब दिखेगा नहीं, लेकिन मैं जब ऐसे करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास ऑलरेडी ये प्रेजेंट है, ठीक है। इतना हुआ, अभी क्या करना है, देखो गाइस सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर जो प्राइसिंग आप देखोगे तो 1 2 3 अगेन 1 2 3 ग्रिड सिस्टम सिंपल। सो डिप क्लास कंटेनर में जाता हूँ, इधर कंटेनर पे, ठीक है, सिंपली गाइस यहाँ पे मैं जाता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ क्लास रो, ठीक है। एंड मैं एक डिप ले लेता हूँ फिर से यहाँ पे इस तरीके से, एक सेकेंड ये कैपिटल कैसे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूँ क्लास करता हूँ, देखो ऑब्वियसली मुझे कितने चाहिए, 4 चाहिए ना, तो लार्ज, और मुझे कंप्लीटली 12 चाहिए हमारे मोबाइल डिवाइसेस पे। सो ये जो स्टार्ट हो रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है गाइस, ये बेसिकली क्या हो रहा है, एक कार्ड है ये, ठीक है। मैं अगर आपको जाऊं एंड यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, वी हैव अ कार्ड्स इन बूटस्ट्रैप, तो सिंपली यहाँ पे आओ, इस तरीके से आपका कुछ कार्ड दिखाई देता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये हम इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, एंड ठीक है, इस तरीके से एकदम सिंपल रखा गाइस, कुछ मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऐड वैड नहीं किया। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट सेंटर कर दूंगा क्योंकि सबके सब सेंटर पे आ जाने चाहिए। ये जो हेडर आपको दिखाई देगा, इस हेडर के बदले आप क्या लिखो, यहाँ पे जाते हो इसको कर लो कॉपी,
यहाँ पे हेडर के बदले चिपका दो। ये जो कंटेंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कंटेंट में हमें चाहिए ये पूरा का पूरा, है कि नहीं। सो इस तरीके से एक एलआई लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैं डॉलर सिंबल यूज कर रहा हूँ एंड यहाँ पे एक स्पैन टैग लूंगा ताकि उसको मैं हाईलाइट करा सकूं। तो मैंने इस तरीके से 20 लिख दिया उसमें, ठीक है, इस तरीके से 20 लिखा, ऑल राइट। जैसे ही मैंने 20 लिखा, अब भी मुझे क्या चीज, सिर्फ एक चीज वहां पे एक्स्ट्रा लिखना है, डेट इज योर ये फॉरवर्ड बैक स्लैश एंड देन आपको लिखना पड़ेगा एक सेकेंड मनी वेबसाइट है मेरा, ठीक है। इस तरीके से मैंने वेबसाइट लिख दिया, ऑल राइट, परफेक्ट। तो गाइस बस इतना ही करना है मुझे, एलआई यूज करना है, तो मैं इसको पहले फिल कर लेता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने बाकी को भी ऐड कर दिया एंड कार्ड फुटर में मैंने परचेस लिख दिया, एंकर टैग यूज करके मैंने लिख दिया है परचेस, सिंपल सा इतना मैं कर चुका हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो देखो गाइस आपको कुछ वो इस तरीके से दिखने वाला है। अरे ये यहाँ पे, ठीक है, ये जो मैंने जस्ट अभी लिखा ना गाइस, इसको मुझे 3 टाइम और कॉपी एंड पेस्ट करना है बस, सर कुछ नहीं करना है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ, ऑल राइट, यहाँ पे मैंने किया पेस्ट, यहाँ पे मैंने किया पेस्ट, इस तरीके से गाइस 3 बार आपको पेस्ट करना था एंड बूम हमें ये हमारा मिल चुका है। एंड इंस्टेड ऑफ ये जो बेसिक्स है उसको मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉपी कर लेता हूँ, सेकेंड वाले में स्टैंडर्ड लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 20 के बदले 40 और लास्ट में ये जो अनलिमिटेड है या प्रीमियम भी कह सकते हो इसको, तो इसको मैं जाके यहाँ पे कर देता हूँ 60। दिस इज इट, इतना मैंने लिखा। अरे ऑल राइट, यहाँ पे नहीं चाहिए था, यहाँ पे चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। तो आप देखोगे स्टैंडर्ड प्राइस इनका इस तरीके से हो चुका है। अभी मुझे इस पे CSS अप्लाई करना है, ठीक है। सो अगेन मैं यहाँ पे कमेंट को कॉपी एंड कॉपी कर रहा हूँ और ये जितने भी अवार्ड वॉन लिखा है ना गाइस, इसको मैं हटाता हूँ स्टार्ट, ठीक है, और वो इसलिए क्योंकि इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, परफेक्ट, ऑल राइट। तो आपको याद होगा मैंने प्राइसिंग लिखा था सबसे पहले टॉप पे। सो गाइस मैं क्या करता हूँ, विथ 100% दूंगा उसको, हाइट में दूंगा 100 BH, तो जितना भी पूरा का पूरा स्पेस ले ले। पैडिंग दूंगा मैं ऊपर एंड नीचे चारों तरफ से 50 पिक्सल का एंड पोजिशन दूंगा मैं रिलेटिव, और उसका रीजन ये है क्योंकि मुझे बैकग्राउंड चाहिए किस टाइप का, कुछ इस टाइप का, आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुली हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसके लिए मैंने इसलिए पोजिशन रिलेटिव दिया। एंड अगर आपको याद होगा मैंने टॉप पे जो आपको बताया था एडवांस CSS आप कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे मैं जाके इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट, सेम वही है, कुछ नहीं करना है गाइस। एंड ये जो मैं इस तरीके से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने देखा अगर मैं ये बैकग्राउंड कलर यूज करता हूँ तो वो इसको भी ओपेसिटी कम कर देता है, दैट इज द ओनली रीजन वाई गाइस मुझे कुछ इस तरीके से इसको करना पड़ रहा है, ठीक है, सब सेम है, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं। इंस्टेड ऑफ प्राइसिंग मैं इसको नेबार कर देता हूँ और ये जो लीनियर ग्रेडियंट है गाइस लीनियर ग्रेडियंट ही रहेगा, ठीक है, ये कलर मैं चेंज करने वाला हूँ यहाँ पे, इसका जो कलर होगा वो देखो ध्यान से 1CF9 ये तो है, ठीक है, लेकिन ये जो होगा गाइस ये होगा मेरा 55% में, और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ 160 डिग्री इसको घुमाने वाला हूँ, ठीक है, जस्ट बिकॉज मैं ये 160 डिग्री लिख रहा हूँ ना इसलिए हमें वो इफेक्ट दिखाई दे रहा है, और बाकी जो पार्ट होगा उसको मैं 0% करने वाला हूँ, इस तरीके से 0% ये वाइट कलर। सो 3, 2, 1 एंड बूम गाइस, देखो कैसा लगा आपको, ये आया कि नहीं, परफेक्टली है कि नहीं, लेकिन देखने वाली बात है कि गाइस इसका ये जो कलर हमें दिखाई दे रहा है डेट इज वेड, वो हमें वैसा कलर नहीं चाहिए। सो ये ओपेसिटी मैं यहाँ से हटा दूंगा एंड 3, 2, 1 बूम, परफेक्ट, जो हमें चाहिए था मिल चुका है। ये जो आया ना गाइस इज जस्ट बिकॉज जब मैंने दो कलर लिया है, एक तो ये ब्लू कलर और दूसरा मैंने ये व्हाइट कलर, ठीक है, ब्लू एंड व्हाइट। अब मैंने इसको 55% के इसलिए हमें आधा दिख रहा है वो, बट जो एक्चुअल डिजाइन ये आया ना ये जस्ट बिकॉज 160 आया। अगर मैं इसको 180 कर दूं तो 180 आपको मालूम है क्या होता है, 180 देखो एकदम यू नो एकदम स्ट्रेट होता है ना, 90 डिग्री परपेंडिकुलर 180 डिग्री, देखो इस तरीके से आ गया। तो जस्ट बिकॉज मैंने 160 लिखा है तो वो आपको कुछ वैसा दिखाई दे रहा है। अरे मैंने बहुत सोचा ये क्या करूं इसका, तो बाय डिफॉल्ट 160 में ऐसा बन गया एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, ऑलराइट। तो आपने देखा गाइस क्या क्या सीखने मिल रहा है हमें नया, ऑलराइट, इतना हो चुका है। अभी मुझे इनको स्टाइल करना है, तो देखो यहाँ पे मैं सिंपली जाता हूँ मनी पे जाता हूँ, ठीक है, मनी का जो फॉन्ट का साइज उसको मैं कर देता हूँ 40 पिक्सल, मनी मतलब जो मैंने वो 20-40 लिखा है, लाइन आइट दे देता हूँ सिंपली 1 का, और इसका जो कलर होगा गाइस वो थोड़ा सा हटके, सो 60 60 एंड 60, ऑल राइट, एक सेकेंड मनी, और यहाँ पे मैंने मनी क्लास दिया भी है या नहीं किसी को, ऑल राइट गाइस मैंने मनी क्लास मैंने मनी क्लास देना भूल गया। सो मैं स्पैन पे जाता हूँ, स्पैन स्पैन स्पैन, ठीक है, यहाँ पे मैं क्लास दे देता हूँ, देखो गाइस कितना काम आता है ये, है कि नहीं, क्लास यहाँ पे मैं जाता हूँ एंड देता हूँ MONEY मनी, ठीक है, डॉलर भी आप लिख सकते थे बट बेटर मनी लिखो ना किस लिए, ऑल राइट, देखो
आपने देखा क्या हुआ जस्ट अभी की अभी। इस तरीके से गाइस हमारा ये काम हो चुका है। अब भी मैं यहाँ पे जाता हूँ मनी के नीचे, ठीक है, मनी के नीचे यहाँ पे मैं कार्ड यूज़ करने वाला हूँ। जो मेन हमारा कार्ड है उसमें मैं जो ट्रांजिशन है 0.4 सेकंड जो हल्का सा वो ऊपर अभी आपको आएगा, जो एनिमेशन होने वाला है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसके थ्रू ट्रांजिशन हो चुका है एंड बॉर्डर की मुझे कोई नीड नहीं है अभी फिलहाल। एंड जो हमारा कार्ड का हेडर है, जो मैंने बेसिक स्टैंडर्ड वो सब लिखा हुआ है, ठीक है, वो मेरा कार्ड का हेडर था, उसको मैं सीएसएस देता हूँ। फॉन्ट का साइज 1.6 REM रूट REM, ठीक है। एंड देन जो फॉन्ट वेट होगा गाइस उसको मैं कर देता हूँ बोल्ड। बैकग्राउंड मुझे वाइट चाहिए, ठीक है, एक सेकेंड, वाइट चाहिए तो फिर मैं ये हैशटैग नहीं चाहिए, आप ट्रिपल एफ लिख दो, ठीक है, 00000 लिखती इट मीन्स वो आपका ब्लैक हो जाता। एंड देन गाइस आप पैडिंग यूज़ कर सकते हो कि 25 पिक्सल मुझे ऊपर नीचे से चाहिए, लेकिन आजू बाजू से मुझे कुछ नीचे और इंपॉर्टेंट यूज़ करो, एल्स वो लेने नहीं देगा आपको। 3, 2, 1 एंड बूम गाइस, देखो परफेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। और देखने वाली बात एक है कि ये बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं अप्लाई हुआ, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट करते। 3, 2, 1 एंड बूम गाइस, परफेक्ट। ऑलराइट, कार्ड हेडर ने अपना काम कर चुका है। सो नाउ कार्ड बॉडी, कार्ड बॉडी मतलब जिसके अंदर हम ये सब कुछ लिख रहे हैं, ठीक है। कार्ड बॉडी को अगर मैं सिर्फ पैडिंग कर दूंगा ऊपर नीचे से 30 पिक्सल का, आजू बाजू से मुझे लेना देना नहीं है। सो जीरो लिखा, एक सेकेंड एंड परफेक्ट। एक प्रॉब्लम हो रहा है अभी भी, वो ये कि हमें वो दिख क्यों नहीं रहा जो मैं चाहता हूँ इफेक्ट, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिखा, ठीक है, ऑल राइट। ये आपने देखा थोड़ा छोटा हो गया आजू बाजू से कार्ड की बॉडी। अब कार्ड बॉडी के अंदर जो LI यूज कर रहा हूँ मैं, कार्ड बॉडी के अंदर जो मैं ये LI के अंदर लिख रहा हूँ ना गाइस, ये जो आपने देखा ये सब LI है, इनके पीछे मुझे थोड़ी स्पेसेस चाहिए थोड़े, यू नो। तो वो कैसे होगा, देखो मार्जिन ऊपर नीचे से मैं यूज कर रहा हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने मार्जिन दिया ऊपर नीचे से 10 पिक्सल, आजू बाजू से 0। फॉन्ट वेट दे दिया 400, इट मीन्स थिन। फॉन्ट साइज दे दिया 15 पिक्सल का। लाइन हाइट दिया 1.6, कलर ये पकड़ा। एंड साथ ही साथ जो फूटर था हमारा, ये देखो यहाँ पे ये जो फूटर है इसको भी मैंने क्या कर दिया, बैकग्राउंड कलर ये दे दिया, और इसका हमने पैडिंग चेंज कर दिया। सो 3, 2, 1 एंड बूम। तो आप देख सकते हो कुछ अब हमें इस तरीके से एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है। अब ये जो एंकर टैग है इसको मुझे चेंज करना है, ठीक है। ये जो मेरा कार्ड का फूटर है इसका मुझे एंकर चेंज करना है। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा द बेस्ट पार्ट इज कि हमने जो ऊपर यू नो जब मैं एंकर टैग यूज कर रहा था हमारे मेन हेडर के लिए, तो उस समय जो मैंने ये लिया ना गाइस इसी को ही मैं कॉपी करने वाला हूँ पूरा का पूरा, ठीक है, और उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना रिपीटेबल है तो किस लिए बार बार आप लिखना उसको। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने जस्ट ऊपर जो हमने हेडर क्रिएट करते समय जो बटन क्रिएट किया था, जो एंकर टैग यूज किया था प्रॉपर्टी, वो मैंने यहाँ पे पूरा सेसेस उठा दिया है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है कि ये जो कार्ड फूटर है, ठीक है, ये हेडर बटन के बदले गाइस मुझे कार्ड फूटर यूज करना है। कंट्रोल ऐसे एक बार मैं अगर आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा कि अब हमें दिखने से रहा, ठीक है, देखो ऐसा, लेकिन यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा। सो उसके लिए मुझे क्या करना है गाइस, एक कलर यूज करना पड़ेगा, डेट इज यही कलर सेम मुझे हमारे ये जो अब एक सेकेंड कॉपी हमारा जो बॉर्डर है, बॉर्डर पे भी मुझे यही कलर यूज करना, तो अब हमें परफेक्टली दिखाई देगा, देखो कैसा लग रहा है आपको। और एक और चीज गाइस मैं चाहता हूँ कि जब मैं होवर करूँ तो इसका कलर चेंज हो जाए, है कि नहीं। सो उसके लिए गाइस मुझे क्या करना है कि बैकग्राउंड पे मुझे ये कलर चाहिए, बैकग्राउंड पे ये कलर चाहिए, ऑल राइट। एंड मेरा जब बैकग्राउंड को ये कलर आ गया तो कलर उसका वाइट हो जाना चाहिए, सिंपल, बाकी सब सेम है, ऑल राइट। ये देखो कैसा लगा। सो गाइस आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखो कि पहले तो जैसे ही मैं हूवर कर रहा हूँ ये कलर एंड ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो जा रहा है हमारे ये एंकर टैग का, ठीक है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी ऊपर है, लेकिन ये ऊपर आ रहे तो वो कैसे आ रहा है, देखिए सबसे पहले तो ये कि मेरे हूवर करने पे ये ऊपर चला जाना चाहिए, देखो तो वो कैसे हो रहा है, देखो अभी इसको फिलहाल एज इट इज रखो। आप कार्ड को अगर मैं करता हूँ कंप्लीट, क्या हमारे कार्ड है ना हूवर, अगर मैं करता हूँ उसको तो गाइस ट्रांसफॉर्म, आपको याद है कि CSS की प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई एंड -20 पिक्सल जो हमने अभी देखा था, बॉक्स शैडो सेम यही रहेगा, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ पेस्ट, परफेक्ट, एक सेकेंड पेस्ट, ऑल राइट, ठीक। इस तरीके से हुआ, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस आप देखोगे एक सेकेंड ये तो उनका ही है ये देखो मतलब हमने जो किया था परफेक्ट, ऑल राइट। अब भी मैं चाहता हूँ कि कार्ड की हूवर करने पर इसका कलर इसका कलर चेंज हो जाए, तो सबसे पहले तो ये हूवर जो हमने किया है, ठीक है, उसको मैं क्या कर देता हूँ, जब मैं कार्ड को करूंगा हूवर, ठीक है, तब वो चेंज हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से जब मैं लिखूंगा एंड बूम गाइस, अब आप देखोगे अगर तब ये हो रहा, अभी मुझे ये बेसिक और इसका भी कलर चेंज करना है, तो कैसे, देखो कार्ड को जब मैं करूंगा हूवर फिर से, हाँ देखो
ये आपको बार बार लिखना ही पड़ेगा। अगर सेम प्रॉपर्टी होता तो हम एक साथ ऐड कर देते, जो मैं अभी आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। जब मैं कार्ड को करूंगा होवर, तो ये जो मेरा कार्ड है, ठीक है, कार्ड का जो मेरा हेडर है उसका कलर प्लस, अगेन जब मैं कार्ड को करूंगा होवर तो ये जो मेरी मनी है उन दोनों का कलर चेंज हो जाना चाहिए। तो एक साथ आप दो प्रॉपर्टी को इस तरीके से यूज कर सकते हो, आपको जब लग रहा है कि सेम के सेम है, ठीक है, क्योंकि हमें कार्ड के हेडर और ये जो मेरा मनी है उन दोनों का कलर चेंज करना है ना आपको, राइट। तो गाइस वो एक साथ आप कर सकते हो बाय यूजिंग इस तरीके से 50D1 एंड C0, दिस इज इट। तो आप देखो कैसा लगा आपको, ठीक है। अभी बाय डिफॉल्ट इसको मुझे टॉप पे ही रखना है, समझ रहे हो, बाय डिफॉल्ट उसको मुझे टॉप पे ही रखना है। तो मैं क्या करता हूं कि ये जो मेरा सेकेंड वाला डिब है, ठीक है, इसको मैं एक नाम दे देता हूं। यहां पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं क्या दे देता हूं, कार्ड सेकेंड लिख देता हूं, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट मैं अपना नाम दे रहा हूं, आप मतलब खुद से इसका नाम दे रहे हो। तो कार्ड सेकेंड मैंने लिखा, इसको कॉपी करता हूं, कंट्रोल एस सेव, यहां पे मैं जाता हूं, रिफ्रेश करता हूं, कार्ड सेकेंड मैंने लिखा, ऑलराइट। अब यहां पे मैं क्या करूंगा गाइस, ये जो प्रॉपर्टी जो मैं होवर करने के बाद जो हो रही है उसको मैं पहले से बाय डिफॉल्ट पकड़ा देता हूं, 3, 2, 1 एंड बूम। ये देखो कैसा लगा आपको। एंड आप बेस्ट बात देख सकते हो कि पीछे एक बैकग्राउंड में हल्का से एक लग रहा होगा ये क्या आ गया है कि नहीं, ठीक है, आ गया, लेकिन एक यूनिक पना दिखाई दे रहा है जो हमें चाहिए था, ठीक है। तो इस तरीके से ऑलराइट, एक्चुअल में इसको अगर आप हटा दोगे तो भी काम बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो चला गया, वो थोड़ा अच्छा था लेकिन गाइस उतना भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब आप देख सकते हो परफेक्टली काम कर चुका है, ऑलराइट। तो आवर प्राइसिंग हो चुकी है, नाउ आवर हैप्पी क्लाइंट्स, ये कैसे करना है देखो, यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये खत्म हो गया है। एंड गाइस अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लो गाइस आप पक्का कुछ ना कुछ जरूर करोगे लाइफ में, क्योंकि इतना डेडिकेशन आप दिखा रहे हो, ठीक है, ऑलराइट। ऑलराइट, तो देखिए गाइस अभी इतना तक हम कर चुके हैं गाइस, अब मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा रेस्ट करो, यू नो थोड़ा उठ के स्ट्रेचिंग कर लो, यू नो मैं भी थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेता हूँ, लेकिन ठीक है कोई नहीं। अभी क्या करते, देखो यहाँ पे आ चुका हूँ, अभी मुझे चाहिए आवर कस्टमर्स फीडबैक, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्ट, इसको मैं हटा देता हूँ एंड को, और यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ, कंट्रोल एस सेव किया, स्टार्ट किया गाइस मैंने यहाँ पे। अभी देखो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सो गाइस सबसे पहले अगेन इसको मैं पहले तो इसे हटा देता हूँ, ठीक है, ये जो सेक्शन हमने यूज किया था, ठीक है, इसी को ही मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम सेम वही चीज यूज करने वाले बार बार, ऑल राइट। तो अब मुझे क्या खाली चेंज करना है, इसका प्राइसिंग मुझे चेंज करना है, यहाँ पे मैं जाता हूँ, इंस्टीट ऑफ प्राइसिंग गाइस मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा हैप्पी क्लाइंट्स, ठीक है, इस तरीके से हैप्पी क्लाइंट्स लिख दूंगा, और ये डीप मुझे नहीं चाहिए बेसिकली, इसको मैं हटा देता हूँ। एंड यहाँ पे अभी आवर हैप्पी क्लाइंट्स जो लिखा है, ठीक है, उसके बदले मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे जो मेरा पैराग्राफ है गाइस उसको मैं कॉपी करता हूँ, एंड आवर सेटिस्फाइड कस्टमर से जो उन्होंने बोला वो मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ जाके रिफ्रेश करता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब ये जो टेक्स्ट वाइट है वो मुझे नहीं चाहिए, सो टेक्स्ट वाइट हटा देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, परफेक्ट, अब हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, उसको अभी हम स्टाइल करेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं, इतना हुआ। अब भी गाइस क्या करना है, देखो सिंपल सा है, और ठीक है, इस पैराग्राफ में भी मैं गाइस कुछ क्लास ऐड करना चाहूँगा, डेट इज टेक्स्ट कैपिटलाइज करता हूँ, एंड मैं पैडिंग टॉप 1 देना चाहूँगा, ठीक है, ऊपर से थोड़ा सा पैडिंग देना चाहूँगा इसको, परफेक्ट, अब अच्छा दिखाई दे रहा है ये, ऑलराइट। अभी देखो गाइस यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कैरोजोल यूज़ किया है मैंने बूटस्ट्रैप 4 का कैरोजोल यूज़ किया, और एक कैरोजोल के अंदर मैंने ये तीन को ऐड किया, ठीक है, तीन डीप को। तो अगर मैं कैरोजोल पे जाता हूँ, कैरोजोल यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे मैं कैरोजोल पे गया, ये वाला जो कोड है इसको मैं डिट्टो करता हूँ कॉपी, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपको दिखाई दे रहा है डीप आईडी डेमो जो इस तरीके से लिखा है, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, ऑलराइट, इस तरीके से क्या। एंड ये सबको आपको टच नहीं करना, खाली आपको क्या देखना है, ये जो आपको एक डीप दिखाई दे रहा है इसको आपको हटाना है बस, ठीक है, और इस डीप के अंदर आपको क्या करना है मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से देखो, ये जो डीप है इस डीप के अंदर 1, 2, 3 आपको याद होगा कि मैंने टॉप पे ये तीन डीप बनाए थे, क्यों ना इसी तीन डीप को मैं उठाऊं और यहाँ पे रख दूं, ऑलराइट। तो कैसे हो रहा है देखो, देखो गाइस सिंपली एक डीप लूंगा मैं, ठीक है, यहाँ पे मुझे क्लास रो लेना है और उसके अंदर मुझे तीन डीप बनाने, इसके अंदर मुझे गाइस कितने डीप बनाने, तीन डीप बनाने, सो कॉल लार्ज 4,
परफेक्ट। अगेन मीडियम के लिए कॉल मीडियम 4, ठीक है। एंड देन लास्ट में मुझे लिखना है कॉल 12, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा एक के नीचे एक आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो वी हैव अ बॉक्स, आपको ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा मैंने इसको एक बॉक्स माना है। सो मैं सिंपली इस तरीके से यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं एक डिप देता हूँ, इसको एक क्लास दे देता हूँ बॉक्स, सिंपली परफेक्ट। ऑलराइट, अब भी इसको मुझे सेंटर पे लेके आना था, तो इसका आपको मैंने बताया मैंने क्या किया, सिंपली अब यहाँ पे मैं जाता हूँ और फॉन्ट ऑसम में ये जो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल वहाँ पे हमारे पास क्या है, वो डेस्कटॉप नहीं है, ठीक है वो। सो इस तरीके से एंकर टैग लिखा, एंड ठीक इसी में ही मैं गाइस क्या करने वाला हूँ, ये जो मेरा इमेज टैग है इसको यूज करने वाला हूँ। एंड इस इमेज टैग में ही मैं डायरेक्टली देखो क्या करता हूँ, इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। यहाँ पे आपको मालूम इसका नाम है हेडर हाइफन बैकग्राउंड डॉट जेपीजी, इस तरीके से लिखा सिंपल। और इसको एक क्लास देता हूँ मैं इमेज फ्लूड, जो कि बूटस्ट्रैप 4 का रेस्पॉन्सिव क्लास है। एंड देन इमेज थंबनेल, ये दोनों के दोनों का आपके जो बूटस्ट्रैप है उसके क्लासेस है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको वो दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, उसको हम सीएसएस करके एकदम परफेक्ट कर देंगे। ऑलराइट, ठीक इतना हुआ। अब ठीक इस एंकर टैग के नीचे आपको आना है, एक पैराग्राफ यूज करना है। उस पैराग्राफ का गाइस मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे क्लास में मार्जिन चारों तरफ से मार्जिन का फोड़ देने वाला हूँ, आगे पीछे ऊपर नीचे। और ये जो भी टेक्स्ट है, एक सेकेंड, इस टेक्स्ट को मैं अब कॉपी करना चाहूंगा, ठीक है कॉपी, और यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट परफेक्ट, तो कॉपी हो चुका है। एंड ठीक उसी के नीचे का हिसाब में एक और H1 लेना चाहूंगा, उस पर मैं लिख देता हूँ विनोद थापा इस तरीके से। एंड देन उसके अंदर मैं H2 लूंगा और उसमें मैं लिख दूंगा वेब डेवलपर, इस तरीके से वेब डेवलपर लिखा। एंड ये स्पेस कैसे आ गया मुझे नहीं मालूम, ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, परफेक्टली इतना आ चुका है। अब बस इसको मुझे 3 बार कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट करना है। एंड सिर्फ 3 बार नहीं, देखो यहाँ पे मैं गया, अब ध्यान से देखो, पेस्ट एंड पेस्ट, मैंने 3 बार एक ही रो के अंदर मैंने 3 बार किया। सो वी हैव दिस, लेकिन दूसरे में कुछ नहीं है, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो इसको मैं एक टाइम के लिए मैं आपके लिए छोटा कर देता हूँ, और छोटा और छोटा। तो गाइस अब भी ध्यान से देखो, ये एक रो है, ये हमारा एक कैरोजल आइटम है, ठीक है। उसके अंदर इसको मैं हटा दूँ, इसको छोटा कर दूँ और इसको भी छोटा कर दूँ, तो ये आपका जो पहला आइटम है ना, ये देखो पहला आइटम, उसके अंदर इतने कंटेंट है हमारे पास सब। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इतने कंटेंट है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक इसी कंटेंट को गाइस, ये जो मेरा सेकेंड इमेज था उसके बदले भी मुझे इसको करना पड़ेगा पेस्ट, ठीक है। और ये जो मेरा थर्ड इमेजेस है उसके बदले भी मुझे इसको करना पड़ेगा पेस्ट, परफेक्टली इस तरीके से। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो 1, 2, 3, तो बेसिकली अब हमारे पास 3 है। यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा, देखो नीचे दिखाई दिया। तो दिस इज इट गाइस, अब अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो आपने देखा जस्ट अभी क्या हुआ, एक के अंदर मैंने 3 इमेजेस रखे, देन दूसरे वाले के अंदर 3 डिप, एंड देन तीसरे वाले के अंदर 3 डिप, ठीक है। इस तरीके से गाइस ये हमारा हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है, इसको सीएसएस करके आपको दिखाना है। ऑलराइट, और इसी को ही मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। ऑलराइट, यहाँ पे एंड के बदले कर देता हूँ स्टार्ट परफेक्टली। एंड आई थिंक गाइस ये आपको समझ गया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जहाँ पे मैंने हल्का सा ट्रिक लगाया एंड कुछ नहीं, एक इमेज के अंदर बस मैंने ये 3 डिप को रख दिया है, ठीक है। सो सबसे पहले देखिए गाइस मैं क्या लिखता हूँ, हैप्पी क्लाइंट्स इस तरीके से लिख देता हूँ, CLIENTS, ठीक है। आपको स्पेलिंग एकदम परफेक्ट लिखना है इसका। विड्थ कर देता हूँ 100%, हाइट कर देता हूँ 100 व्यू हाइट, मतलब कंप्लीट पूरा का पूरा हाइट। एंड देन पैडिंग देखो गाइस, ऊपर नीचे से 80 पिक्सल, आजू बाजू से लेना देना नहीं है मुझे। और जो मैं आपको बॉक्स बताया कि वो जो मेरे बॉक्स के अंदर मैंने कंप्लीट सब कुछ लिखा था, सो टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ गाइस। उसमें जो बॉर्डर होगा उसका मैं कर देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड। एंड जो आपका कलर होगा दैट विल बी योर RGBA कलर, ठीक है। ब्लैक कलर का हल्का सा मैं उसमें इफेक्ट देने वाला हूँ, 0.3 दे देता हूँ, ठीक है। 0.2 दे देता हूँ, परफेक्ट। एंड देन गाइस इसका जो बॉक्स शैडो होगा, एंड गाइस आप देख सकते हो, जस्ट मैंने अभी इसको कॉपी कर में दिखाना चाहूंगा कि बॉक्स शैडो मैंने हॉरिजॉन्टल ऑफसेट वर्टिकल ऑफसेट कितना ब्लर करना है, कितना स्प्रेड 0 कर दिया, और कलर मैंने ये दिया ब्लैक कलर, बॉर्डर रेडियस 2 पिक्सल दिया, ट्रांजिशन मैंने दिया इतना, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो गाइस कुछ नॉर्मल इस तरीके से दिखाई देगा जो हमें बॉर्डर दिखाई दे रहा है। अभी अब मैं अगर बॉक्स को करता हूँ हुबर, ठीक है, अगर मैं बॉक्स को कर दूँ हुबर तो क्या, सो क्या उसका मैं बैकग्राउंड चेंज करना चाहूँगा। बैकग्राउंड का कलर अगर आप देखोगे तो 16C9, ठीक है, 16C9 एंड F
6 आपको दिखाई देगा। इस तरीके से कंट्रोल एस सेव रिफ्रेश करता हूं तो आप देखोगे इस कलर चेंज हो रहा है, वो सब अभी हो जाएगा, उसका बिल्कुल टेंशन मत लो आप, ठीक है। एंड आई नो आप में से बहुत लोग जो एकदम इंपॉर्टेंट कर रहे हो, दैट इज कि इसको मैं गोल करके सेंटर पे कैसे लेके आता हूं, है कि नहीं। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने ये तीन प्रॉपर्टी को कॉपी आ रहे, बहुत सिंपल है। जब मैं बॉक्स को करूंगा होवर तो ये जो पैराग्राफ है, ये जो मेरा पैराग्राफ है, इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए व्हाइट कलर में, ठीक है। एंड दूसरा आप देख सकते हो कि कैरोजल इंडिकेटर्स, कैरोजल इंडिकेटर्स मतलब गाइस ये जो आपको दिखाई दे रहा है नीचे तीन लाइन आपको फिलहाल दिख नहीं रहा क्योंकि उसका कलर व्हाइट है, तो उसको मैंने पोजिशन एब्सोल्यूट दिया राइट 0, बॉटम में -60 उसको नीचे लेके जा रहा हूँ क्योंकि अभी वो डीप के अंदर है। एंड उसका मैंने कलर चेंज कर दिया यहाँ पे इस तरीके से, सो 3-2-1 एंड बूम गाइस। अगर आप देखोगे तो नाउ अब हमें ये परफेक्टली इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि इसको मैं सेव कैसे दूँ इस इमेज को, ऑल राइट। तो देखो गाइस जिसके लिए आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे वो फाइनली आ चुका है। सो बॉक्स ए पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे इसको सबसे पहले तो पैडिंग नहीं, इसका जो मैं पोजिशन है उसको मैं कर देता हूँ रिलेटिव, ठीक है। अब जब मैंने उसको कर दिया रिलेटिव तो इसका देखो क्या करता हूँ, बॉक्स ए के अंदर जो इमेज है, एक सेकेंड, या डॉट ये मतलब कॉलर नहीं लगाना, इस तरीके से बॉक्स ए के अंदर जो इमेज है उसका वेट मैं कर दूंगा 100 पिक्सल। एंड बिलीव मी गाइस बहुत सिंपल है, हाइट कर दूंगा 100 पिक्सल। एंड बॉर्डर रेडियस सिंपली मैं अगर कर दूं बॉर्डर रेडियस 50% तो ऑन द स्पॉट वो सर्कल पे बन जाएगा। एंड इसका जो मार्जिन टॉप है मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल। सो 3-2-1 एंड बूम गाइस, कैसा लगा आपको, एकदम परफेक्टली सेंटर पे आया कि नहीं, ये सब है कि नहीं। ऑलराइट इतना हुआ, अब एक और कोड में गाइस आपको कॉपी करके दिखाता हूँ क्योंकि वो बहुत सिंपल है, ये वाला आफ्टर वाला जो भी है बॉक्स ए का, अगर मैं आफ्टर करता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ गाइस। ये जस्ट मैंने अभी जो कॉपी किया ना वो करने से पहले अगर आप चीज एक नोटिस करोगे तो थोड़ा सा वेर्ड ये हो रहा है कि इसको मैंने 100 VH दिया उसके बावजूद भी मुझे ऊपर के हिस्से दिखाई दे रहे जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। सो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या देखो हैप्पी क्लाइंट्स, इसको मैं कॉपी करता हूँ, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो गाइस स्पेलिंग रॉन्ग है। सो हैप्पी क्लाइंट्स, ठीक है, मैंने जस्ट एंड बूम, कैसा लगा अब, परफेक्टली आया कि नहीं, ये अपनी जगह परफेक्ट है, ये अपनी जगह एकदम परफेक्ट है, सॉरी यहाँ पे था ये, ऑल राइट, ठीक है। एंड आपने जस्ट नोटिस किया कि गाइस ये जो सेंटर वाला जो ये हिस्सा था ये अब यहाँ पे आ चुका है, देखो। तो ये कैसे आया गाइस, ये जस्ट अभी जो मैंने कॉपी किया था वो उसके थ्रू आया, लेकिन डोंट वरी मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ। मैंने क्या गाइस आपको याद है मैंने बिफोर एंड आफ्टर के ऊपर बहुत कंप्लीट डीप में वीडियो बना के अपलोड किया, उसका लिंक मैं टॉप पे जरूर दे दूंगा, उसको एक बार जरूर देखिए। तो बेसिकली मैंने क्या बोला गाइस, ये जो मेरा इमेज है इसको मैं एज इट इज रखता हूँ, एक एक पार्ट आपको दिखाता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने इसको कमेंट कर दिया क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखो अभी फिलहाल मैंने क्या क्या, खाली आफ्टर एलिमेंट यूज कर रहा हूँ मैं, आफ्टर सीडो एलिमेंट्स, और जब भी आप बिफोर आफ्टर लिखते हो आपको कंटेंट लिखना ही पड़ता, मतलब इसके बाद क्या, तो उसका कंटेंट हमें चाहिए, मैंने ये यूज किया गाइस। ये अगर आप इस तरीके से यूज करते हो तो आपको वो जो ये दिखाई दे रहा है, ये जो आपको इन्वर्टेड टाइप दिखाई दे रहा है जब हम यू नो टॉप पे यूज करते हैं, तो ये आपको आइकन दिखाई देता है इसके थ्रू, ऑलराइट। एंड सिर्फ अभी आपको वो दिख नहीं रहा क्योंकि आपको फॉन्ट फैमिली फॉन्ट ऑसम लिखना ही पड़ेगा, ये रूल है 3-2-1 एंड बूम, देखो आपको वो दिख चुका है। अभी आप मैं विड्थ एंड उसका हाइट को अगर मैं 40-40 कर देता हूँ तो भी अभी आपको कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने बैकग्राउंड कलर दिया नहीं, ठीक है। तो मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ कुछ इस तरीके से एंड बूम, आपको अब देखो बैकग्राउंड कलर आ चुका है हल्का सा, आप देख रहे हो आपको हल्का सा बैकग्राउंड कलर दिखाई दे रहा है बहुत लाइट कलर का। एंड मैं उसका बॉर्डर रेडियस इतना कर दूं 50% तो अब वो गोल हो जाएगा, देखा वो गोल हो गया है, ठीक है। आपको दिख रहा है कि नहीं, देखिए लेकिन ध्यान से देखो वो गोल हो चुका है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो वो गोल हो चुका है, ठीक है, उतना हुआ। उसके बाद गाइस उसका अगर मैं कलर वाइट कर दूं, ठीक है, एंड उसका जो पोजिशन हटा दूं टॉप एंड लेफ्ट इस तरीके से गाइस, मैं उसको कोने में लेके जा रहा हूँ, पोजिशन एब्सोल्यूट टॉप लेफ्ट एंड राइट। एंड इसको अब मैं वापस 100% पे कर देता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ, बूम, आप देख सकते हो कुछ अब वो ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब किसी तरीके से सर्कल के अंदर ये आइकन को मुझे सेंटर पे रखना है, एंड मैंने आपको स्टार्टिंग पे बताया था कि अगर आप डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर लिखते हो एंड बूम, तो वो आपके सेंटर पे आ जाता है। दिस इज इट, इतना सिंपल था ये, है कि नहीं। अब ये जो विनोद थापर ये जो वेब डेवलपर लिखा है इसको अब हमें क्या करना है, इसको सेट करना है, तो वो कैसे होगा, देखो बॉक्स के अंदर जो मैंने H1 लिखा अगर उसका मैं फॉन्ट साइज कर देता हूँ गाइस 13 पिक्सल का, ऑल राइट, फॉन्ट वेट कर दूँ मैं 400, इट मीन्स बेसिकली वो थिन ही रहने वाला है। उसका कलर मैं कर देता हूँ गाइस 000 मतलब ब्लैक, ठीक है। एंड देन जो मार्जिन बॉटम होगा, मार्जिन बॉटम उसको मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल परफेक्ट, ठीक है।
एंड उसी तरीके से उसके नीचे जो बॉक्स होगा, आई मीन H2 है बॉक्स के अंदर, उसको मैं सेट कर देता हूँ गाइस। फॉन्ट साइज उसको मैं दे देता हूँ 13 पिक्सल का, आई थिंक इसका मुझे 18 करना पड़ेगा, ठीक है। 13 पिक्सल दिया मैंने, यहाँ पे मैं जाता हूँ परफेक्टली। एंड इसका जो फॉन्ट वेट है, फॉन्ट साइज तो जस्ट अभी क्या, फॉन्ट वेट मैं कर देता हूँ गाइस 400 पिक्सल का। एंड देन इसका जो कलर होगा, डैट विल बी योर 66666, ठीक है। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा ये कौन सा कलर है। एंड देन मार्जिन बॉटम जो अगर मैं कर दूँ 20 पिक्सल, एंड गाइस इसको मुझे 400 नहीं 700 थोड़ा बोल्ड दिखाना चाहूँगा मैं। कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड बूम गाइस, तो देखो परफेक्टली अभी आपका हो चुका है। सो ऑलराइट गाइस, ये कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी एक चीज़ है कि आप देख सकते हो लेफ्ट एंड राइट साइड से आपको ये एकदम चिपक के आ रहा है, ठीक है। तो बस मुझे क्या करना है गाइस, एकदम टॉप पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे एक डिप ले लेता हूँ, नहीं तो यहाँ पे नहीं भी तो भी मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा कैरोसोल इनर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कंटेनर यूज कर देता हूँ। एंड 3, 2, 1 बूम गाइस, कैसा लगा अब आपको, देखो परफेक्टली आ चुका है कि नहीं। सो गाइस आप देख सकते कि हमने ऑलमोस्ट हमारा 70% तक देख चुका है, यहाँ तक हो गया। अब व्हाट डू वी ऑफर, हमारा ये क्रेडिट, आवर प्राइसिंग एंड हैप्पी क्लाइंट्स। नाउ वी विल सी कि ये कॉन्टैक्ट अस कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं अगेन अपने index.html पे जाता हूँ, और यहाँ पे ठीक जहाँ पे अपना ये सेक्शन एंड हुआ था इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस स्टार्ट्स लिख देता हूँ, क्योंकि इसको मैं यहाँ से एंड हटा दूंगा और इसका स्टार्ट यहाँ से मैं हटा दूंगा। सो गाइस मैं टॉप पे जाता हूँ, एंड देन अगेन मुझे सेम वही जो सेक्शन जो मैं हर बार कॉपी कर रहा हूँ, ऑलराइट, वो मुझे चाहिए। तो इसको मैं इस तरीके से कॉपी करता हूँ एंड ठीक एकदम नीचे आता हूँ इस तरीके से, और ठीक जहाँ पे ये चाहिए उस जगह पे उस सेक्शन को मैं ऐड कर देता हूँ। और सबसे पहले ये सेक्शन को मैं कर देता हूँ क्लोज, ऑलराइट। तो इंस्टेड ऑफ हैप्पी क्लाइंट्स का इसमें क्या लिखूंगा, यहाँ पे सिंपली कॉन्टैक्ट अस लिख देता हूँ। कॉन्टैक्ट अस लिखा, ऑलराइट मैंने, और एक काम करता हूँ गाइस, यहाँ पे मैं कोई आईडी भी दे देता हूँ, मैं इस तरीके से आईडी दे देता हूँ, कॉन्टैक्ट आईडी, ठीक है। इस तरीके से स्पेलिंग वाले रॉन्ग हो सकता है, बट ठीक है, कॉन्टैक्ट आईडी दे देता हूँ। एंड गाइस ये जो आवर हैप्पी क्लाइंट्स लिखा, इसके बदले मैं कॉन्टैक्ट अस लिखने वाला हूँ। सो इस तरीके से यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ आवर कॉन्टैक्ट अस, ऑलराइट। एंड ठीक उसी के नीचे आप देख सकते हो जो इसको, और ये जो इमोजी मैंने यूज़ किया ना गाइस, आप सोच ही नहीं सकते इसको मैंने डायरेक्ट यूज़ किया, आप देखो इस तरीके से, ठीक है। ये आपको मजा आ जाएगा देख के, देखो डायरेक्ट इमोजी यूज किया, बाकी सब डिटो सेम। सो 3, 2, 1 एंड नाउ देखो अगेन कॉन्टैक्ट अस, और ये मतलब दिस इज द बेस्ट पार्ट, यू नो, हमने ऑलरेडी इसकी कोडिंग करके रखा हुआ है, हमने ऑलरेडी पैराग्राफ सेट करके रखा हुआ है, तो हमें कुछ करना ही नहीं, खाली उसको ऐड करते जाना एंड ऑटोमेटिक वो हमें आउटपुट में आ रहा है, ठीक है। ऑलराइट, अब देखने वाली बात ये है कि ये जो कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है, ठीक है, तो सबसे पहले वी हैव दिस ब्यूटीफुल बैकग्राउंड। तो वो बैकग्राउंड होने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फॉर्म मैंने किस तरीके से लिखा है, एंड आप देख सकते हो ये परफेक्टली सेंटर में। अगर आप राइट साइड का ऑफसेट एंड देन लेफ्ट साइड का ऑफसेट देखोगे तो ये परफेक्टली सेंटर में है। एंड देन जब मैं होवर कर रहा हूँ किसी भी कहीं पर भी, तब जाके आपको सबमिट बटन दिख रहा है। हालांकि वो मैंने ऑलरेडी बनाया, बट एक रीजन है जिसके कारण जब मैं होवर कर रहा हूँ तभी वो दिख रहा है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम वो फॉर्म क्रिएट कर लेते। सो एक डिप ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं कंटेनर क्लास देता हूँ, ऑलराइट, थोड़ा सा ज़्यादा जूम हो गया था। इसके अंदर एक डिप ले लेता हूँ, बिकॉज हमें क्या यूज़ करना है, ग्रिड सिस्टम बूटस्ट्रैप का, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रो। तो देखो गाइस मैंने वहाँ पे किस तरीके से यूज़ किया हुआ है, इस तरीके से मैंने क्लास दिया। मैं लार्ज डिवाइस स्पेस को देना चाहूँगा 8, मैं मीडियम डिवाइस स्पेस को देना चाहूँगा 8, एंड देन सिंपली गाइस जो हमारा मोबाइल डिवाइस होगा उस पर मैं देना चाहूँगा 10 कॉलम की स्पेसेस, ठीक है। अभी मैंने इस तरीके से 8-8 जब लिखा ना, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, देखो क्या होता है। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ गाइस, बूटस्ट्रैप 4 पे जाता हूँ, ऑलराइट। इस तरीके से बूटस्ट्रैप 4 पे गया, आपको सीधे सीधे देखना कि फॉर्म्स कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप देखोगे फॉर्म्स, वी हैव अ फॉर्म्स, यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑलराइट। यहाँ पे ये देखिए गाइस, इसको मैं सिंपली कॉपी करने वाला और कुछ नहीं। इस तरीके से इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। ये बहुत सिंपल था, कोई बड़ी बात नहीं, इसमें फॉर्म बहुत ईजी है बूटस्ट्रैप का। यहाँ पे सिंपली फॉर्म ग्रुप एंड देन आप देख सकते हो फॉर्म कंट्रोल, खाली यही दो क्लास यूज हो रहा है। एक डिप लेना जिसके अंदर आएगा फॉर्म ग्रुप, मतलब आप दो लोग को एक साथ ग्रुप कर रहे हो। सो पहला आपका ये होगा लेबल, एंड देन सेकंड वन इज योर इनपुट टाइप इक्वल टू जो भी आप लिखोगे। तो इन दोनों को आप एक ग्रुप बना रहे हो, डेट्स वाई फॉर्म ग्रुप क्लास है। एंड इस इनपुट फील्ड को अगर आप फॉर्म कंट्रोल लिख देते हो तो बाई डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप ने अपने सीएसएस ऐड की हुई है, जिससे वो कुछ इस तरीके से ब्यूटीफुल दिखाई देता है। तो इसको मैं कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। यहाँ पे जाके अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो गाइस आप देखोगे कि वो मुझे लेफ्ट साइड से दिखाई दे रहा है, ना कि सेंटर में, ठीक है। तो अब मैं आपको यही बताने वाला था कि जो मैंने ये कोड लिखा है, अगर आप, मैं लिख देता हूँ ऑफसेट लार्ज में 2, क्योंकि
लेफ्ट साइड से दो और राइट साइड से दो, टोटल हो गए 4 एंड देन 8 इक्वल टू कितने हो गए गाइस, टोटल 12। तो आप ये परफेक्टली सेंटर में आएंगे। तो गाइस इंटरव्यू में पूछते हैं कि किस तरीके से आप ग्रिड सिस्टम के मदद से एकदम परफेक्टली सेंटर बना सकते हो, तो देखो कितना सिंपल था ये। उसी तरीके से गाइस ये जो हमने लिखा अभी ऑफसेट से, मुझे ये मीडियम डिवाइसेस के लिए भी करना पड़ेगा। ऑलराइट, मीडियम के लिए कर दिया। एंड ये मुझे मोबाइल डिवाइसेस के लिए कितना है, यहाँ पे 10 है ना, तो लेफ्ट से एक राइट से दो, तो कॉल 1 परफेक्टली। अब ये कहीं पे भी किसी भी डिवाइसेस में अगर आप देखोगे ये हमेशा परफेक्टली सेंटर में और रेस्पॉन्सिव रहेंगे। ऑलराइट, इतना हुआ। अभी हमारे केस में क्या है, 1 2 3 और तीनों के तीनों ऑलमोस्ट सेम है। राइट, तो मुझे ये पासवर्ड वाला नहीं चाहिए, ये लेबल भी नहीं चाहिए मुझे। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, देखो इसको मैं एक स्पेस दे देता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर दिखे कि ये जो यूज़ हो रहा है ये ईमेल के लिए हो रहा है, आई मीन यूजर नेम, ये ईमेल, ये मेरा मोबाइल नंबर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो ईमेल एड्रेस लिखा है यहाँ पे, और आप देखोगे गाइस मैंने वो ईमेल एड्रेस लिखा भी नहीं, सो वी डोंट नीड ये लेबल वाला, ठीक है। ये लेबल अपने को नहीं चाहिए, इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, परफेक्ट। ऑल राइट, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये स्पेस है गाइस, इसको पहले आप ठीक कर लीजिए, यहाँ पे भी इसको भी मैं ठीक कर लेता हूँ, ठीक है, एकदम परफेक्ट है। अभी क्या करना है कि फॉर्म ग्रुप लिखो ना लिखो चलता, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, आप लिखिए। ये जो टाइप है इसको आप ईमेल मत करो, इसको आप कर दो टेक्स्ट, क्योंकि मुझे अपना नाम लिखना है यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजर नेम, इस तरीके से यूजर नेम। ऑल राइट, यहाँ पे ईमेल एकदम ठीक है, ईमेल एकदम ठीक है। यहाँ पे आप लिखो गाइस अगेन टेक्स्ट, आप चाहे तो नंबर लिख सकते हो, बट नंबर लिखने पे एक प्रॉब्लम होता है कि वो यहाँ पे आपको नंबर दिखाई देता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि HTML5 में ये नया आया है। यहाँ पे आप लिख दो सिंपली मोबाइल, ठीक है। ऑलराइट, अगर आप सिर्फ इतना भी लिखोगे तो गाइस बहुत परफेक्ट हो जाएगा ये, एक सेकेंड। हाँ ऑलराइट, तो अब मैं अगर एक, ये तो पहले पहले वाला था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा गाइस, अगर मैंने अगर यहाँ पे ऐसे क्लिक किया तो आप देखोगे गाइस मेरा सब कुछ दिखाई दे रहा है वहाँ पे, वो मुझे नीचे। सो व्हाट आई वांट, यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑटो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑटो कंप्लीट जो दिखाई दे रहा है कि ऑटोमेटिक जो कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है वो मुझे नहीं चाहिए, सो मैं ऑटो कंप्लीट ऑफ करने वाला हूँ यहाँ पे। एंड एक और चीज़ लिख देता हूँ, डैट इज रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड लिखा, इट मीन्स कि ठीक है भाई अब मुझे वहाँ पे कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। तो इन दोनों को मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, ठीक, यहाँ पे पेस्ट। ऑल राइट, तो गाइस अब हमें ना जावास्क्रिप्ट के थ्रू वैलिडेशन करने की नीड भी नहीं पड़ेगी। एक बेसिक जो आपको वैलिडेशन चाहिए, ऑलराइट, वो आपको HTML5 ने प्रोवाइड करा दिया भाई, सिंपली अगर आप यूज करते हो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, ठीक है। तो इस तरीके से मैं जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ऑलराइट, अब देखोगे मैं क्लिक करूंगा नहीं आ रहे वो। एंड अगर मैं डायरेक्टली सबमिट करता तो प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, बात खत्म, इतना सिंपल। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ डी भी लिख दूँ तो यहाँ पे बोलता प्लीज फिल आउट दिस, इसको भी डी लिख दूँ तो नहीं हो गया, बोलता नहीं @ लगा, @ भी लिखूंगा तो भी मेरे को ये एरर ही दिखाने वाला। तो गाइस आपका वैलिडेशन ये देखो कितनी अच्छे से कर देता है। ऑलराइट, एंड वन मोर थिंग, दैट इज, एक चीज बच गया, वो है आपका टेक्स्ट एरिया। तो अब ये टेक्स्ट एरिया क्या होता है, देखो सिंपली इनपुट्स पे आइए आप, यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव दिस टेक्स्ट एरिया, तो सिंपली इसको कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। देखो मैंने क्या बताया, जो चीज ऑलरेडी अवेलेबल है उसके लिए ज्यादा एकदम दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है वो। फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हो ना गाइस, तो इट्स बेटर कि आप सब क्लासेस को हैंड से लिख करो, ठीक है। लेकिन अगर हम अभी वेबसाइट क्रिएट करें, इट मीन्स हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुका है, अब हम एक लेवल अप है, दैट्स वाई हम कॉपी पेस्ट करें, क्योंकि हमें मालूम है ये, ठीक है। तो टेक्स्ट एरिया फॉर्म कंट्रोल रो 5, ये ठीक है कितना होता है वो देख लेते पहले। तो एक बार ये कंट्रोल एस सेव करता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं दिखना चाहिए, रिफ्रेश करता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। एक प्रॉब्लम है कि आई थिंक ये थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, तो इंस्टेड ऑफ रो 5 मैं क्या कर देता हूँ, रो 4, रोज जितने भी होंगे मैं 4 कर देता हूँ। ऑलराइट, एंड ऑलराइट, अब ठीक है, देखो अभी ऑलमोस्ट हो चुका है। आप सोच रहे होंगे इसमें प्लेस होल्डर्स तो दिख नहीं रहे, ठीक है। तो अब मैं गाइस क्या ऐड कर लेता हूँ, प्लेस होल्डर्स, और इसमें क्या है, एंटर योर नेम, इसको मैं कॉपी भी नहीं कर सकता, एंटर योर नेम। एक सेकेंड, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी जस्ट मैंने जैसे ये जो वर्ड बोला नहीं कर सकता, तो गाइस ये फिर अच्छा नहीं हो, ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है कि नहीं, ये वर्ड नहीं कर सकता। सो देखिए गाइस सिंपली क्या करो, राइट क्लिक इंस्पेक्ट कर दो, ये किस पे है, ये मोबाइल पे अभी, ठीक है। और राइट, ये मोबाइल पे बैठे मोबाइल डिवाइसेस पे रेस्पॉन्सिव, देखो क्या करना है, इसको क्लिक कर दो किसी भी एक पे, ठीक है। अब पहले मैं मोबाइल पे कर देता हूँ, देखो यहाँ पे मैं जाता हूँ। एंड अगर आप देखोगे, जस्ट अभी मैंने आपसे जो कहा था कि शायद मैं कॉपी नहीं कर सकते, वो बिल्कुल रॉन्ग है, आप यहाँ पे देख सकते हो, एंटर योर ईमेल एड्रेस, इसको मैंने किया कॉपी,
ठीक है। तो मतलब कॉपी करने के बहुत तरीके हैं गाइस। मैंने जस्ट जैसे ही ये बोला मुझे लगा शायद ये शायद नहीं बोलना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं ही अगर आप लोग को समझा रहा हूँ और मैं बोलता कॉपी नहीं होगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अब मैं आपको कॉपी करके दिखाऊंगा। फिर देखो प्लेस होल्डर एंड देन, अब ये जो आपका डीप है ठीक है, ये क्या है हमारा कौन सा ये मोबाइल नंबर है। सो मोबाइल नंबर का आप यहाँ पे देख सकती हो। ठीक है, प्लेस होल्डर इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड पेस्ट, कैसा लगा एंटर। अब इसका भी मैं कॉपी करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ऑल राइट, ये कौन सा चीज़ है, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्ट वाई कंटेंट। ऑल राइट ठीक है, ऑन क्लिक ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपका दिखाई देगा प्लेस होल्डर एंटर योर, ठीक है देखो इसको मैं करता हूँ कॉपी एंटर योर मैसेज। आपको ठीक इस जगह पे आके यहाँ पे जहाँ पे आईडी आपका कमेंट लिखा है ना, वहाँ पे आपको आके लिखना है एंटर योर मैसेज, लेकिन उससे पहले आपको प्लेस होल्डर तो देना पड़ेगा। सो प्लेस होल्डर एंड देन एंटर योर मैसेज, दिस इज इट गाइस, इतना सिंपल था। इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, इसको कंट्रोल एस सेव कर। सो कैसा लगा आपको गाइस, जस्ट अभी कॉपी नहीं कर सकते वाला, लेकिन मैंने आपको करके दिखा दिया, बहुत सिंपल था ये, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। ऑल राइट ठीक है, इतना हो गया। अब हमें इसके सीएसएस पे जाना पड़ेगा। ऑल राइट यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको ठीक मैं कॉपी करता हूँ। सो आप देख सकते हो गाइस मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ एंड परफेक्टली। ऑल राइट ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या गाइस, जो कॉन्टेक्ट हमने लिखा है ना, इसको मुझे स्टाइल करना है सबसे पहले। तो कैसे होगा वो स्टाइल आप देखिए। ठीक है, मैं विड्थ हमेशा की तरह 100% देने वाला हूँ, इसको हाइट देने वाला हूँ 100 VH का। ऑल राइट, इसको मैं पैडिंग दूंगा ऊपर नीचे से 80 पिक्सल का, याद रखूँगा। मैं मार्जिन नहीं दे सकता क्योंकि फिर वो बैकग्राउंड आपका ऊपर नीचे प्रॉब्लम करेगा। सो पोजीशन दे देता हूँ रिलेटिव, एंड आप समझ चुके हो कि मैंने पोजीशन रिलेटिव इसलिए दिया ताकि गाइस मैं आप लोगों को दिखा सकूँ वो बैकग्राउंड कैसे हुआ। हालांकि मैंने आपको ऊपर दिखाई चुका है, खाली हमें डिग्री के साथ खेलना है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, कंट्रोल एस सेव कर देते, एक बार रिफ्रेश करूंगा गाइस परफेक्टली। देखो अब ये 100 VH आ चुका है ना, इसको कम्प्लीटली एक हाइट मिल चुका है। अब कितना ब्यूटीफुल ऊपर और नीचे से हमें परफेक्ट गैप दिख रहा है। ऑल राइट, तो यहाँ पे कॉन्टैक्टर्स पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं बिफोर पे जाता हूँ, आप चाहे तो आफ्टर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले वी हैव अ कंटेंट, ठीक है, जिसको कुछ लेना देना नहीं है। देन वी हैव पोजिशन एब्सोल्यूट, टॉप कर दो 0। ऑल राइट, लेफ्ट भी कर दो 0, बाकी दो लिखने की जरूरत नहीं है। एंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका बैकग्राउंड, जहां पे आपको लिखना है लीनियर ग्रेडियंट। इस तरीके से सिंपली स्पेलिंग एकदम परफेक्ट रखना है। ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट, और इसके अंदर पहले तो मैं गाइस दो कलर ऐड कर देता हूँ, डेट इज योर 16C9F6। मैंने जस्ट अभी क्या बोला, 16C9 एंड देन F6। ऑल राइट, आपको ये कितना परसेंट देना है, ये हमें देना है 55%, क्योंकि लीनियर ग्रेडियंट के लिए आपको हमेशा दो कलर देने ही पड़ेंगे, और जो दूसरा होगा वो होगा मेरा F, ट्रिपल एप, इट मीन्स व्हाइट कलर। ऑल राइट, इतना लिखूंगा ना तो देखो क्या होता है। सो गाइस कंट्रोल एस सेव करता है एंड रिफ्रेश करता है, आप देखोगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसका रीजन ही गाइस आपने टॉप 0 लिखा, लेफ्ट 0 लिखा। ठीक है, लेकिन अब टॉप 0 मतलब ये और लेफ्ट 0 मतलब ये, लेकिन एंड किधर करना है आपको, समझ रहे हो? तो आपको यहाँ पे भी बॉटम 0 लिखना पड़ेगा, एंड देन गाइस आपका एक चीज बच गया, डेट इज राइट 0। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना ही है गाइस, ये आप समझ लो कि ये आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम पोजीशन बता रहे कि मुझे टॉप 0 चाहिए, लेफ्ट 0 चाहिए, देन राइट का भी 0 चाहिए, एंड देन बॉटम का भी 0, मतलब ये पूरा का पूरा स्पेस आपको चाहिए चाहिए इसको यूज करने के लिए। ठीक है, अब इतना से काम नहीं चलेगा। अब इसको अगर मैं कंट्रोल सेव कर देता हूं तो देखो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं कर दूँ, जैसे मैंने वहाँ पे ऐड किया था 160, अगर यहाँ पे मैं 330 डिग्री ऐड कर देता हूँ तो गाइस वो सेव आपको दिख के आ जाएगा एंड परफेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, जो हमारे टेक्स्ट थे वो गायब हो चुका, हमें दिख नहीं रहा। तो उसका रीजन मैं बताता हूँ कि जो ये व्हाइट कलर मैंने लिखा है ना, बेसिकली वो उसके पीछे छुप गए, सो वो हमें नहीं चाहिए। तो दैट इज द ओनली रीजन वाई गाइस मैं जी इंडेक्स इसको -1 दे रहा हूँ, -1, ताकि सबसे पीछे चले जाए एंड बूम। तो अभी आपको ये जो बैकग्राउंड में व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है, वो मेरा ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो मेरा पेज है, उसका व्हाइट कलर नहीं है, वो ये जो मैंने व्हाइट कलर दिया हुआ है ना, ये उसका व्हाइट कलर है। दैट इज द ओनली रीजन व्हाई गाइस ये आपके उसके पीछे चला गया था, बट जैसे मैंने जी इंडेक्स नेगेटिव वैल्यू दी वो सबसे पीछे चला गया, और उसके नीचे जो भी कंटेंट थे वो टॉप पे अब हमें दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, इतना हो चुका है, अभी मुझे क्या करना है देखो, तो ये और ये और ये जो चीजें हैं ये एकदम परफेक्ट, इसको मुझे टच भी नहीं करना है। मुझे ये बटन को एकदम सेंटर पे कैसे लेके आऊं वो देखिए। सो बटन को सेंटर में करना है ना मुझे, तो क्या करता होगा इस, यहाँ पे अगेन मैं एक डीव लेता हूँ, और जो मैं बार बार आपको डिस्प्ले फ्लेक्स वाला करके दिखा रहा था ना, मैं आपको वापस वो करके दिखाता हूँ। देखो एक एंटर हिट कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे मैं जाता हूँ एक सेकंड के लिए, सिर्फ इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखो क्या करना है, आपको सिंपली क्लास लिखना है,
जिसमें लिखना होगा डिस्प्ले फ्लेक्स। ये देखो ठीक है, बूटस्ट्रैप ने ऑलरेडी हमें दे रखा। एंड आपको लिखना है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, दिस इज इट। जब भी एक डिप के अंदर दूसरा कुछ भी होगा एंड कैसा लगा आपको, मतलब इतना सिंपल है गाइस ये, समझ रहे हो, दिस इज इट। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे, वी हैव दिस फॉर्म, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास ये फॉर्म है ठीक है। तो इस फॉर्म जो कि एक टैग है, फॉर्म के अंदर आपका जो ये बटन है उसको मुझे थोड़ा सा स्टाइलिश करना है ठीक है। एंड जो स्टाइलिश करने का, इसमें आपको बता रहा हूँ कि ऑलरेडी हमने हजार बार किया हुआ है बटन को स्टाइलिश। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी इस तरीके से। यहाँ पे किया मैंने कॉपी, यहाँ पे आता हूँ परफेक्टली यहाँ पे चिपका देता हूँ इस तरीके से ठीक है। सो इसको मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखने वाला। एंड ऑल राइट, सो गाइस आप देख सकते हो कि जो जस्ट अभी मैंने कॉपी किया था वो उस पर इफेक्ट नहीं कर रहा। ऑल राइट, तो मैं आपको एक बेस्ट बात पता है क्या बताना चाहूँगा, कि जो हम इस बटन को करना चाह रहे हैं ना ठीक, इसके ऊपर अगर एक डीप है तो उसी को ही एक क्लास दे दो ना, फॉर्म एंड बटन, इस तरीके से उसी को एक क्लास पकड़ा दो। इसको करो कॉपी, यहाँ पे आओ और इंस्टेड ऑफ दिस फॉर्म, तो डायरेक्ट जो अभी हमने क्लास ऐड किया उसको यहाँ पे लिख के उसके अंदर जो बटन है उसको लिखो ठीक है। सो 3, 2, 1 एंड बूम, अब देखो वो कंप्लीट हो चुका। गाइस मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, एंड मुझे इसका बैकग्राउंड चाहिए ट्रांसपेरेंट ठीक है। सो इसका बैकग्राउंड में लिख देता हूँ इस तरीके से ट्रांसपेरेंट। और जैसे ही मैंने इसका बैकग्राउंड लिखूंगा ट्रांसपेरेंट, तो देखो गाइस अब वो हमें दिख ही नहीं रहा, कैसा लगा, वो बैग जा चुका है गाइस, वो ट्रांसपेरेंट कर दिया तो कुछ दिखेगा नहीं ठीक है। क्योंकि मुझे जब मैं उसको करूंगा हूवर तब मुझे उसको दिखाने का है ठीक है। तो देखो कैसे होगा, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, इस तरीके से कॉपी किया ठीक है। यहाँ पे मैं एज इट इज रखता हूँ, लेकिन कब, जब मैं अपने फॉर्म, जो मेरा ये फॉर्म है उसको जब मैं करूंगा हूवर, तब मेरा ये जो बटन है वो उसका, देखो क्या करता हूं मैं, तब मैं इसका बैकग्राउंड कर दूंगा ट्रिपल एफ व्हाइट कलर का, इसका जो कलर होगा ठीक है, इसकी जो कलर होगी उसका कलर होगा ये जो कलर मैंने ऑलरेडी ऊपर यूज किया हुआ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ परफेक्ट इस तरीके से ठीक है। एंड देन इसका लास्ट होगा कि कैसे, इसका जो बॉक्स शैडो है मैं आपको दिखाता हूँ, बॉक्स शैडो करके एंड 0.0.20 पिक्सल, 0 मतलब हॉरिजॉन्टल देन वर्टिकल ऑफसेट, देन आपको कितना ब्लर करना है, आपको कितना उसको स्प्रेड करवाना है, एंड आपको कौन सा कलर उसको देना है, RGBA लिखना है, लास्ट का अल्फा आपका अल्फा वैल्यू। एंड इसमें मैं हमेशा मोस्टली ब्लैक कलर ही पकड़ाता हूँ, सो 0.3 ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड 3, 2, 1 एंड बूम गाइस, कैसा लगा आपको, देखो अब जब भी आप होवर करोगे तो आपको वो दिखाई देगा। एंड वन मोर थिंग गाइस, ये जो आपको प्लेस होल्डर्स दिखाई दे रहे हैं, अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि आप प्लेस होल्डर्स को भी कैसे एडिट कर सकते हो। सो आपको डबल कॉलन लिखना है एंड यू हैव टू राइट प्लेस होल्डर्स इस तरीके से ठीक है। आपको प्लेस होल्डर लिखना, अदरवाइज आपके पास कोई चारा ही नहीं है कि आप प्लेस होल्डर को कैसे करोगे गाइस। अगर आपको मालूम है ठीक है कि विदाउट यूजिंग ये डबल कोट्स, ये दो बार डबल कोट्स एंड देन प्लेस होल्डर्स भी नहीं, प्लेस होल्डर लिखना, एक ये तरीका है जिससे हम ये जो अंदर प्लेस होल्डर है उसको एडिट कर सकते हैं ठीक है। अगर आपको इसके अलावा कोई दूसरा ट्रिक मालूम है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना गाइस, क्योंकि मैंने कभी सर्च किया नहीं, मेरे को जानना है कि है भी या नहीं ठीक है। मैं हमेशा से जब भी प्लेस होल्डर करना होता मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज करता हूँ। एंड देन मैं सिंपली फॉन्ट साइज को घटा के कर दूंगा 0.85 REM रूट EM ठीक है। एंड बूम, कैसा लगा, पतला हो गया, नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, और ये अपना काम हो चुका है। एंड वन मोर थिंग गाइस, जब मैं आप बटन को ही होवर कर रहा हूं तो वो दिख नहीं रहा है मुझे ठीक है। जब मैं इस बटन को ही कर रहा हूँ होवर तो मुझे वो दिख नहीं रहा। तो गाइस इसको जब मैं कर रहा हूँ होवर तो इसका कलर मुझे यही देना पड़ेगा फिर से ठीक है। यहाँ पे मतलब आपको ऐसे चेक करते रहना कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ऑल राइट, नाउ इट्स परफेक्ट ठीक है। ऑल राइट गाइस, तो अब हमें क्या देखना है, नाउ अब हमें देखना है सब्सक्राइब टू आवर न्यूज लेटर। तो ये बहुत सिंपल है, देखो कैसे सिंपली, जहाँ पे कॉन्टैक्ट अस एंड हुआ है कि नहीं, इसको मैं कॉपी करता हूँ पेस्ट, एक सेकेंड पेस्ट एंड देन पेस्ट किया। अब यहाँ पे मैं इंस्टेड ऑफ कॉन्टैक्ट अस क्या लिख देता हूँ, न्यूज लेटर स्टार्ट्स, और यहाँ पे एंड है तो यहाँ पे एंड को हटा देता हूँ, यहाँ पे स्टार्ट को हटा देता हूँ, परफेक्ट हो चुका इतना। अब सबसे पहले देखो एक चीज़ तो श्योर है कि हमें ये चाहिए ही चाहिए, तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट ठीक है। यहाँ पे जाके सेक्शन को भी कर देता हूँ क्लोज। नाउ अब यहाँ पे सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़लेटर को मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे जाता हूँ इसको करता हूँ, एक सेकेंड कुछ ज़्यादा ही कॉपी हो गया, कॉपी एंड देन पेस्ट। ये मुझे टेक्स्ट बिल्कुल नहीं चाहिए ठीक है। अब देखो गाइस क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे सो वी हैव ये एक पार्ट दिखाई दे रहा है जहाँ पे ईमेल आईडी लिख सकते हो और यहाँ पे सब्सक्राइब आपको दिखाई दे रहा है, एंड दोनों के दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं ठीक है। तो वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, वी हैव इनपुट ग्रुप्स,
इनपुट ग्रुप्स करके हमारे पास है, जहाँ पे अगर आप ये सेकंड ऑप्शन देखोगे यूर ईमेल एंड एट द रेट एग्जाम्पल डॉट कॉम, ठीक है, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, आप देख सकते हो। सो डीप एंड देन डीप, ऑल राइट, परफेक्ट, ठीक है। इस तरीके से गाइस आप कर सकते हो यहाँ पे, एंड यहाँ पे सिंपली आप इस एक सेकेंड, सबसे पहले तो गाइस आप डिप दे दीजिए क्योंकि हमें इसमें भी ग्रिड सिस्टम यूज करना ही पड़ेगा। सो इसको मैं लिख देता हूँ कंटेनर, यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ क्लास रो, एंड अब देखना यह है कि मुझे इसको कितना एक्सेस देना है और कितना एक्सेस नहीं देना है। ऑल राइट, सो एक और डिप लेता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको मैं लार्ज डिवाइसेस पे देना चाहूंगा 8 columns, एंड जैसे 8 columns दे तो गाइस मुझे ऑफसेट अब देना पड़ेगा लार्ज का, कितना एक सेकेंड, मुझे 2 देने पड़ेंगे, ठीक है, तभी जाके वो 2, 2, 4 एंड 8 का 12 आएगा। एंड देन मोबाइल डिवाइसेस पे गाइस मुझे इसको कम्प्लीटली 12 का 12 स्पेस देना है, एंड नो ऑफसेट एंड ऑल। इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, अब जो अब एक सेकेंड फिर से अभी भी यही पेस्ट हो रखा है, कॉपी एंड देन पेस्ट, परफेक्ट। तो इतना हो चुका है, एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये कैसा दिख रहा है, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, एंड बूम गाइस कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड ऑल राइट, मैंने शायद वो बैकग्राउंड चेंज नहीं किया इसलिए वो बैकग्राउंड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और एक कॉन्टैक्ट अस के बदले गाइस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूज लेटर, ठीक है, एंड देन ठीक इसके बदले भी मैं लिख देता हूँ न्यूज लेटर, एंड देन आई डी एड कर देता हूँ, सब्सक्राइब टू आवर न्यूज लेटर, परफेक्ट, कोई नहीं, अब एकदम नॉर्मल दिखाई देगा हमें इस तरीके से, ठीक है। अच्छी बात है, ये भी हमें मिल चुका है, इसको बस हमें क्या करना है गाइस, स्टाइल करना है, एंड वो बहुत सिंपल है, तो उसको स्टाइल कैसे करना है वो देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस मैं एक चीज करना चाहूंगा, दैट इज ये जो मेरा इनपुट फील्ड है, ठीक है, इस पर मैं एक क्लास ऐड करना चाहूंगा, जिसको मेरे को एक सेकेंड क्लास, ऑल राइट एक सेकेंड, क्लास ऑलरेडी ऐड है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक और क्लास अपने एंड से ऐड कर देता हूँ, दैट इज योर न्यूज लेटर, इस तरीके से न्यूज लेटर लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, सबसे पहले तो इस न्यूज लेटर को मैं कॉपी कर लेता हूँ, स्टाइल पे आता हूँ, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करके रख देता हूँ। लेकिन उससे पहले गाइस अगेन एक अच्छी आदत, यू नो, जस्ट इस तरीके से लिखो, एंड देन ये जो कॉन्टैक्ट अस आपको दिखाई दे रहा है कुछ ज़्यादा ही जूम हो जाता है फिर, ठीक है, न्यूज लेटर लिखा गाइस मैंने यहाँ पे। सो गाइस हमेशा की तरह इसको भी विड्थ दे दो 100%, बट दिस टाइम आपको इसका हाइट को एकदम मेंटेन रखना है, ठीक है, हमें कंप्लीट हाइट नीचे से ऑटो कर देते जितना उसको चाहिए लेने दो, लेकिन एक चीज़ हम कर देंगे, दैट इज मार्जिन। तो मार्जिन से हमें ये पता चलेगा कि चाहे जितना भी हाइट हो लेकिन ऊपर और नीचे से एटलीस्ट 80 pixels का मार्जिन हमें मिले। एंड अगर आपको याद होगा, जस्ट मैंने अभी न्यूज लेटर के जो मैंने वहाँ पे लिखा है गाइस, वो मैं लेटर के बदले क्या करता हूँ अभी, सिंपली मैं इनपुट यूज कर देता हूँ, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा दिखाई देगा हमें, दैट इज न्यूज इनपुट, परफेक्ट। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ, ऑलराइट एकदम ठीक है। अब न्यूज इनपुट में देखो गाइस, सबसे पहले तो मुझे क्या करना है कि इनको एक बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ मैं, अब बॉर्डर रेडियस, परफेक्ट। और देखो मैं किस तरीके से दे रहा हूँ बॉर्डर रेडियस, टॉप लेफ्ट, ये क्या दिया गाइस, जस्ट मैंने अभी टॉप लेफ्ट को मैं दे रहा हूँ 100 pixels, देन टॉप राइट विल बी माई 0 pixels, टॉप राइट आप समझ लो, देन बॉटम राइट को भी मैं दे रहा हूँ 0 pixels, एंड देन बॉटम लेफ्ट जो होगा उसको मैं दूंगा 100 pixels। सो गाइस इसको कंट्रोल एस सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आपको दिखा दूं कि गाइस वो इफेक्ट नहीं करेगा। ये यही एक प्रॉब्लम है बूस्टर 4 के साथ कि गाइस आपको इंपॉर्टेंट लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उन्होंने अपने, मैंने क्या बताया, हर इन्होंने अपने क्लास ऐड कर रखा है फॉर्म कंट्रोल, जब भी हम उसको यूज करते हैं तो इतना ब्यूटीफुल हमें दिखाई देता है। देखो ना, आपको हाईलाइट करते एक कर्सर आ जाना, ब्लिंक करना, एंड देन पीछे ब्लू कलर का बॉक्स शैडो आ जाता है, वो हम उसको ओवरराइड करने के लिए गाइस मुझे इंपॉर्टेंट लिखना पड़ा। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, बूम, इस जगह पर ध्यान दो, यूर ईमेल के बाजू में देखो गाइस, अब वो किस तरीके से कर्व आ चुका है, ठीक है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ बॉक्स शैडो हुआ था। ये इंटरव्यू में भी, इंटरव्यू में तो नहीं लेकिन आपको बहुत जगह काम आता है कि एक साइड को एज इट इज रखो, सिर्फ एक साइड का किस तरीके से कलर, आई मीन ये यू नो आपका ये बॉक्स शैडो या बॉर्डर रेडियस आपको चेंज करना हो। तो इतना हो चुका है, अभी वो हद से ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, तो मैं एक चीज करना चाहूंगा, दैट इज कि मीन विड्थ, मतलब कम से कम मुझे 150 pixels चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मोबाइल में भी इतनी होती ही होती है, एंड देन कम से कम 45 pixels का मुझे उसकी हाइट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सो 3:1 एंड बूम, परफेक्ट हो गया। अभी आप इसको चाहो तो एज इट इज रख सकते हो, लेकिन ये एट द रेट एग्जाम्पल नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए गाइस, सब्सक्राइब लिख देता हूँ मैं, ठीक है, सब्सक्राइब, ऑलराइट ठीक है, इस तरीके से लिखा, परफेक्ट। सो अभी इस सब्सक्राइब वाले बटन को इसका यू नो डिजाइन हल्का चेंज कर देते, तो ऑलरेडी इसके पास एक क्लास है, दैट इज योर इनपुट ग्रुप टेक्स्ट,
तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे जाता हूँ इनपुट ग्रुप टेक्स्ट, आप देख सकते हो बहुत सिंपल था। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो गाइस इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ व्हाइट, ठीक है, ये अब आपको दिखेगा नहीं अगेन, यही इसका प्रॉब्लम है। बैकग्राउंड में मैं जाता हूँ गाइस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5B6C0DE, ठीक है। अभी जस्ट मैंने क्या बोला गाइस, 5B एंड देन C0DE, तो है ये कोडी, ऐसे अब क्या कर सकते हैं कि नहीं, एक सेकेंड, ये बट यहाँ पे डबल हैशटैग आ चुका है, वो हमें नहीं चाहिए था। बैकग्राउंड एंड देन इसका जो बॉर्डर रेडियस होगा, बॉर्डर रेडियस गाइस मैं इसको कर देता हूँ, अब देखो टॉप लेफ्ट से मुझे चाहिए 0 पिक्सल, टॉप लेफ्ट मतलब समझते हो ना आप, टॉप लेफ्ट मतलब ये वाला जहाँ मेरा कर्सर है, ठीक है, वो मेरा 0% मैंने जीरो कर दिया है। देन आपका जो ये टॉप राइट होगा, डेट इज योर 100 पिक्सल, टॉप राइट को मैंने किया 100 पिक्सल, मतलब टॉप राइट मतलब ये, क्योंकि मुझे टॉप राइट एंड देन आपका ये जो बॉटम राइट है, मुझे सिर्फ इस दोनों को करना है ना, तो टॉप राइट को 100, बॉटम राइट को भी 100, बाकी जो आपका ये कौन सा कहलाएगा गाइस, ये क्या होगा आपका बॉटम है और लेफ्ट साइड है, इसको जीरो कर दिया। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो गाइस कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट लिखना ही पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट लिखना ही पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट लिखना ही पड़ेगा। अब देखो इतना इंपॉर्टेंट लिखना पड़ रहा, तब जाके वो हमें इस तरीके से दिखाई देता, परफेक्ट, ठीक है। और एक और चीज़ की वो बहुत चिपक सा गया है वहाँ पे, ऑलराइट, सो वो हमें नहीं चाहिए, तो इसको भी मैं कर देता हूँ 120 पिक्सल कर देता हूँ, कम से कम इतना चाहिए ही चाहिए। मीन हाइट लिख लेता हूँ गाइस मैं 41 सेकेंड, ऊपर कितना दिया, ऑलराइट, ठीक है 45 पिक्सल, तो इतना लिखूंगा 3, 2, 1 एंड बूम गाइस, परफेक्टली इतना दिखाई दे रहा है। अब एक प्रॉब्लम हमको ये लग रहा है कि गाइस इसकी और इसकी हाइट में कुछ तो भी प्रॉब्लम आ रहा है हमें, ऑलराइट, सो वो हाइट में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, दैट्स द ओनली रीजन वाइज 40 एंड नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते, बहुत सिंपल था ये। और एक अगर आपको लग रहा बहुत पास से, तो गाइस इसको 130 कर दीजिए नाउ, अब ये एकदम हो चुका है परफेक्टली, ऑलराइट, हमारा इसका काम कंप्लीट हो चुका है। रेस्ट गाइस अगर आपको इसमें अगर आप बैकएंड से जोड़ के फॉर्म भेजना चाहते हो, तो आप यहाँ पे फॉर्म टैग का भी यूज़ कर सकते हो, ऑलराइट, इतना हो चुका है। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे मैं जाता हूँ सिंपली एक और चीज़ में जाता हूँ, और यहाँ पे आप मुझे मेरा फूटर चाहिए, फाइनली हम फूटर तक आ चुके हैं। एंड डोंट वरी गाइस, अभी तक हमने क्या नहीं देखा है रेस्पॉन्सिव, बट वो एक बार ये कंप्लीट होने दो, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हम चाहे तो साइड बाई साइड भी देख सकते थे, लेकिन वो फिर आपको मुझे लेकिन फिर मुझे ये लगा कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, दैट इज द ओनली रीजन वाई, एक बार वेबसाइट बन जाए मैं आपको स्टार्ट से बताऊंगा कि रेस्पॉन्सिव आप कैसे चेक कर सकते हो। सो फूटर स्टार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया है, एंड वंस जैसे ही फूटर स्टार्ट होता है गाइस, ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं हर बार कर रहा हूँ, डैट इज कॉपी एंड पेस्ट, किसका, आपका सेक्शन डिवाइसेस का, ठीक है। सो यहाँ पे मैं जाता हूँ, और एक सेकेंड, ये भी नहीं, एक सेकेंड, फूटर दिख कैसा रहा अपना, ऑलराइट, फूटर में तो सेक्शन की नीड भी नहीं, हम डायरेक्टली क्या करते गाइस, यहाँ पे मैं जाता हूँ, ठीक है, देखो ठीक फूटर यहाँ पे है, डायरेक्ट फूटर टैग ले लेते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ गाइस, इसको फूटर होने के बावजूद मैं इसको अपना खुद का एक क्लास देने वाला हूँ, डैट इज अ फूटर सेक्शन, आईडी भी दे देता हूँ फूटर, एंड डीप दे देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, ऑलराइट, परफेक्ट, इतना मैंने दिया गाइस। अब इसको एक क्लास दूंगा मैं कंटेनर करके, एंड अगेन मुझे इस पर ग्रेड सिस्टम यूज करना है, डैट इज रो, ठीक है। अब देखो क्यों, क्योंकि सिंपल 1, 2 एंड 3, बहुत सिंपल है, 1, 2 एंड 3, मुझे तीन स्पेसेस चाहिए एक रो के अंदर, एंड सिंपली किस तरीके से करेंगे, तो सिंपली गाइस यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको इस तरीके से डीप लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ऑलराइट, मुझे कितना चाहिए, लार्ज में मुझे चाहिए 4, ठीक है, लार्ज में मुझे इसको 4 चाहिए, लेकिन अब देखो मीडियम डिवाइसेस पे मुझे चाहिए इसकी 6 स्पेसेस, एंड मैं लिख देता हूँ कॉल 12, सिंपल इस तरीके से गाइस मैंने इसको लिख दिया, ऑलराइट। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो बहुत सिंपल है गाइस, अब मुझे कुछ नहीं करना, सिंपली एक डिप लेना है इस तरीके से, डिप को मैं क्लास छोड़ देता हूँ अभी, ठीक है, ताकि इसको मैं परफेक्टली, मैं ना इसमें डायरेक्ट गाइस अगर मैं डिस्प्ले फ्लैक्स यूज कर देता हूँ तो भी ऑटोमेटिक एक के बाद एक आ जाएगा ये, तो एज इट इज मैंने इसको डिप को लिख के रख दिया है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक H3 ले लेता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, परफेक्ट, एंड ठीक इसी के नीचे गाइस पैराग्राफ, एंड आपको याद होगा गाइस मैंने ऑलरेडी H3 को ऊपर टॉप पे, एक सेकेंड, मुझे सिर्फ इसको कॉपी करना था, ठीक है, कॉपी हुआ, यहाँ पे पेस्ट, ठीक है, एक सेकेंड, कॉपी, एंड अभी जस्ट जो हुआ वो तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए क्या, ये, ऑलराइट, ठीक है, इस तरीके से एक डिप आया, एंड नाउ इट लुक्स ऑसम एंड परफेक्ट, ठीक है, इतना हुआ। एंड एक आई थिंक गाइस मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, डैट इज
फूटर का मुझे एक क्लास देना है यहाँ पे मुझे क्लास देना पड़ेगा, डेट इज योर फूटर डीप करके, ठीक है। ये एक क्लास मुझे यहाँ पे देना है और इसको मैं इस तरीके से रख देता हूँ, ठीक है। ये जो चीज अभी मैंने किया ना, इसी को ही मुझे कॉपी करना है, ठीक है, एक बार एंड देन दो बार। तो अब आप इसमें नोटिस कर सकते हो कि इसमें जो है लार्ज में तो एकदम परफेक्ट है, चार चार एंड देन चार, लेकिन जब मीडियम की बात आएगी तो ये छः और ये छः ले लेंगे। डेट मीन्स मीडियम में आईपैड में ये और ये कम्प्लीटली 12 हो जाएगा और ये वाला जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। एंड अगर ये नीचे आ रहा तो इसको भी मैं कर दूंगा पूरा का पूरा 12 मीडियम में, क्योंकि ऑलरेडी दोनों स्पेस खा चुका है, ठीक है, इतना सिंपल। अभी यहाँ पे ये जो अबाउट लिखा है उसके बदले मैं नेविगेशन लिंक लिख देता हूँ यहाँ पे सिंपली इस तरीके से। एंड ये जो तीनों की तीन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली पी के अंदर नहीं है गाइस, ये है आपके एल आई के अंदर, ये है आपके किसके अंदर गाइस, ये है आपके एल आई के अंदर एंकर टैग है उसके अंदर एज इट इज रखो, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरीके से लिख दो होम, एंड ये जो आपको एल आई है इसको एज इट इज रखो। एंड अब भी क्या करना है, इसी को ही आपको कॉपी करना है, चार बार पेस्ट कर दो। तो ये होम, देन आपका ये जो सर्विसेस है यहाँ पे लिख दो, बहुत सिंपल है, ठीक है। सर्विसेस लिखा आपने, एंड क्या आपका प्राइस एंड अबाउट, ठीक है। मैंने कॉन्टैक्ट नहीं लिखा क्योंकि कॉन्टैक्ट तो ठीक उसके ऊपर ही है ना, तो किस लिए लिखना एंड अबाउट, दिस इज इट ना। इसको मैं कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, एक बार दिखाता हूँ कि ये हो कैसे रहा, कुछ इस तरीके से हो रहा है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अभी ये जो आपका न्यूज लेटर है, तो ये जो आपका न्यूज लेटर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा आपका इस तरीके से न्यूज लेटर। एंड ये जो है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और वो यहाँ पे आ जाएगा आपका कम्प्लीटली इस तरीके से, ठीक है, परफेक्ट। एंड देखने वाली बात ये कि न्यूज लेटर के नीचे ही हमारे पास ये आपका सब्सक्राइब वाला जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपको वहाँ पे दिख रहा है। सो वो कैसे आ रहा है, देखो गाइस बहुत सिंपल है, वो जो सब्सक्राइब वाला है, तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है गाइस, एक काम करते कि ये जो है इस डिप को मैं कम्प्लीटली कर लेता हूँ कॉपी और उसी को ही ठीक इस पैराग्राफ के नीचे, समझो ठीक पैराग्राफ के नीचे मैं कर देता हूँ पेस्ट इस तरीके से। एंड इसको मैं हल्का सा इस तरीके से रख देता हूँ, इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। ये जो मैंने कंटेनर लिखा है इसको एज इट इज रखता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, न्यूज लेटर मेन, ठीक है। अगर मुझे बाय चांस इस पर क्लास ऐड करना पड़ा तो मैं ये यूज कर सकता हूँ इस तरीके से। सो कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ, एंड बूम गाइस, तब आपको कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसको हम देख लेंगे अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो एटलीस्ट आ गया है कि नहीं, इतना इसने अपना काम कर लिया है। सो गाइस अब मुझे क्या करना, देखिए अब बहुत सिंपल सा है कि एक काम करते हैं कि ये ख़त्म की देर, पहले तो वो देख लेता हूँ, मैं यहाँ पे गया, ये ठीक इस जगह पे ख़त्म हो रहा है, ऑलराइट। और मुझे सबसे पहले तो ये देखना कि ये रो किधर ख़त्म हो रहा है, ऑलराइट। ठीक जहाँ पे ये रो ख़त्म हो रहा है ना गाइस, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ठीक इसी के नीचे आपको आना है, ऑलराइट। आप एक और डिप ले लीजिए इस तरीके से, उस डिप में आप बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे मार्जिन टॉप आप दे दो 5 ताकि ऊपर से आपको गैप मिल जाए, एंड टेक्स्ट कर दो सेंटर इस तरीके से, टेक्स्ट सेंटर कहाँ गया गाइस, टेक्स्ट सेंटर, परफेक्ट। अब ठीक यहाँ पे आप एक पी टैग ले लीजिए और ये जो मैंने लिखा है ये परफेक्टली अब आपके आ जाएगा सेंटर पे, दिस इज इट, इतना सिंपल था। एंड आप अगर आप देखोगे तो परफेक्टली ये सेंटर पे आ चुका है, इतना सिंपल था ये, ऑलराइट। अभी इसको मुझे करना है स्टाइल, तो देखो कैसे होगा स्टाइल। सो गाइस यहाँ पे सिंपली अब मुझे फुटर ऐड करना है, ऑलराइट। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और ये जो आपको न्यूज लेटर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे सिंपली आप लिख दो फुटर स्टार्ट्स, इसको हटा देता हूँ और इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, ऑलराइट ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले तो मुझे वो जो फुटर सेक्शन मैंने जो लिखा है, ठीक है, उसको मुझे क्लास करना होगा। सो फुटर सेक्शन लिखा है, इसको मैं विड्थ हमेशा की तरह 100 पिक्सल, हाइट अब आपको कितना देना आपके ऊपर है सो ऑटो दे दो, क्योंकि हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। पैडिंग देखो बहुत परफेक्टली आपको देना होगा 70 पिक्सल टॉप से, राइट से मुझे कुछ नहीं चाहिए, बॉटम से मुझे 20 पिक्सल एंड लेफ्ट से मुझे कुछ नहीं चाहिए। एंड देन गाइस आपको बैकग्राउंड कलर यूज़ करना है, डैट इज अगेन आपका होगा वो 00AB FF, ठीक है। इस तरीके से गाइस कलर का नाम है कोई नहीं, अगर ये कौन सा कलर है वो तो अभी आपको पता चली जाएगा, लेकिन अभी मैं पोजिशन रिलेटिव दे देता हूँ, ठीक है। इतना हो चुका है गाइस, अभी वो जो मेरा फूटर का सेक्शन है, जो मैं फूटर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, फूटर सेक्शन के अंदर मेरे जितने भी पैराग्राफ याद है आपको, मैंने पैराग्राफ टैग यूज़ किया हुआ है, तो उसका कलर मुझे वाइट करना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो ग्रे कलर में, क्योंकि मैंने एकदम टॉप पे आपको याद होगा ग्रे कलर दिया था, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा FFF इस तरीके से, कंट्रोल एस सेव करता हूँ एक बार। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके, तो ये कुछ इस तरीके से अब हमें दिखाई दे रहा है, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, खाली ये वाला जो पार्ट है इसको मुझे टेक्स्ट सेंटर करना होगा, ऑलराइट।
तो वो टेक्स्ट सेंटर में करने के लिए बहुत सिंपल है गाइस। तो मैं क्या करता हूँ देखिए, सबसे पहले तो मुझे इसको एक स्टाइल भी करना पड़ेगा ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा वो वेट दिखाई दे रहा है। अब फुटर सेक्शन के अंदर एलआई के अंदर जो आपका ये एंकर टैग था उसका सबसे पहले फॉन्ट साइज 0.9 रूट ईएम कर देता हूँ, उसका जो लाइन हाइट होगा 1.6 कर देता हूँ, उसका जो फॉन्ट वेट बोल्ड उसको मैं थिन रखना चाहूँगा डेट इज योर 400 ठीक है। एंड देन उसका जो कलर है, आपने नोटिस किया गाइस मैंने कलर दिया था वो अभी भी ब्लू कलर में ही है क्योंकि बाय डिफॉल्ट ब्लू में दिखते, कलर दे दिया ये। एंड देन जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होगा उसको मैं कर देता हूँ कैपिटलाइज ठीक है, इस तरीके से कैपिटलाइज एंड 3-1 बूम परफेक्ट। अब ये भी एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मुझे चीज सेंटर में, ऑलराइट सेंटर में चाहिए, तो यहाँ पे मैं सिंपली टेक्स्ट सेंटर टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकता हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्टली वहाँ पे जाके भी टेक्स्ट सेंटर लिख सकता, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलराइट एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर नहीं हो रहा क्योंकि मुझे एक काम करते हैं उसको आप एज इट इज रहने दो ठीक। इस रो पे अगर आप जाओगे ना गाइस तो बहुत परफेक्टली काम करेगा वो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। ये देखो न्यूज़लेटर इधर है, ये पार्ट आपका जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे अगर आप लिख दोगे इस तरीके से टेक्स्ट सेंटर एंड बूम, देखो किस तरीके से परफेक्टली सेंटर में आ गया ये। ऑलराइट अपना काम हो चुका है ये। सो गाइस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, अभी हमें इसको सेट करना है ये जो H3 लिखा है, लेकिन ये हमें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है ये जो सब्सक्राइब वाला। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैंने इसको किया कॉपी, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉल लार्ज 8-2 ऐसा दिखाई दे रहा है ठीक है। यहाँ पे मुझे 8 नीचे, यहाँ पे मुझे कम्प्लीटली 12 चाहिए, ऑफसेट बिल्कुल मुझे नीचे, तो मैं कम्प्लीट साइज दे रहा हूँ, मैं कम्प्लीट स्पेस दे रहा हूँ 3-1 एंड बूम, नाउ इट्स लुकिंग ऑसम परफेक्ट ठीक है। अब ये थोड़ा सा देख सकते कि थोड़ा सा अभी भी यू नो अटैच नहीं लग रहा है, ये थोड़ा छोटा ये थोड़ा बड़ा हमें लग रहा है। तो गाइस आप इसको CSS करके छोटा या बड़ा या दोनों को इक्वल कर सकते हो। ऑलराइट अभी मुझे आपको दिखाना कि इसको मैं कैसे चेंज करूँ, ये जो अबाउट टेक्निकल ये जो इतने बड़े दिखाई दे रहे, तो गाइस इसके लिए मुझे क्या करना होगा, एकदम टॉप पे जाना होगा और जो इसकी H3 है, H3 जो हमने इसके लिए करना है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैं जाता हूँ और सेक्शन के अंदर जो मेरा H3 है ठीक है, उसको मुझे क्या करना है, देखो गाइस सबसे पहले तो टेक्स्ट जो ट्रांसफॉर्म है उसको मैं कर दूंगा अपर केस परफेक्ट। कलर सबसे पहले मैं चेंज कर देता हूँ उनका वाइट कलर में कर देता हूँ, और क्योंकि मैं उसको और मार्जिन बॉटम दे देता हूँ सबसे पहले तो ठीक है, मार्जिन बॉटम दे देता हूँ 25 पिक्सल का, नीचे से 25 पिक्सल का बॉटम आ जाएगा। फॉन्ट की जो साइज होगी डेट विल बी 1.2 rem, एंड आपको वो दिखेगा नहीं तो आपको इंपॉर्टेंट यूज करना ही पड़ेगा ठीक है। ये है, ये होता है, बाय डिफॉल्ट दिखती नहीं क्योंकि बाय डिफॉल्ट उन्होंने अपना दिया हुआ है बूस्टर वालों। एंड देन जब आप एक सेकेंड, ये नीचे कहाँ से आ गया, और क्या कर सकते, फॉन्ट वेट कर देते हैं आप डायरेक्टली यहाँ पे, या तो 500 या तो 600 लिख दो या तो बोल्ड लिख दो, इक्वल होंगे वो दोनों ठीक है। मार्जिन बॉटम मैंने यूज कर दिया है, अब एक चीज बच गया डेट इज योर टेक्स्ट शैडो। टेक्स्ट शैडो देखो अगेन कैसे टेक्स्ट है, तो इसके अंदर से हम मैक्सिमम 3 वैल्यू दे सकते हैं, तो हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, वर्टिकल ऑफसेट, कितना आपको उसको ब्लर करना है ठीक है, एंड देन किस कलर के थ्रू ब्लर करवाना है। सो वो कलर आपको यहाँ पकड़ाना है, कलर विल बी योर 0.0.0, इट मींस आपका ब्लैक कलर 0.4, कंट्रोल एस सेव करता हूँ 3-1 एंड बूम गाइस। तो कुछ इस तरीके से एकदम ब्यूटीफुल ये कम्प्लीट हो चुका है हमारा, तो आप देख सकते हो गाइस हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ कम्प्लीट हो चुका है ठीक है। अब कम्प्लीट नहीं हुआ तो ये कि अगर मैं सर्विस को क्लिक करता हूँ तो कुछ हो नहीं रहा है ठीक है। एंड देन यहाँ पे नीचे पे वो अभी आपको दिख नहीं रहा जो आपके लिए आई थिंक जिसके लिए आप वेट कर रहे थे ठीक है। तो ठीक है गाइस, अब हम सबसे पहले उसको देख लेते हैं कि कैसे इसको मैं क्लिक करता हूँ इस आइकन का, वो टॉप पे चला जाता है ठीक है, बहुत सिंपल है वो। मैं क्या करता हूँ ठीक इसी के नीचे गाइस मैं क्या करूंगा, एक और डिब ले लेता हूँ। सो आप देख सकते हो गाइस मैंने एक डिब लिया ठीक उसी के नीचे जहाँ हमारा ये कॉपीराइट वाला सेक्शन मैंने लिखा था। यहाँ पे गाइस मैंने ये जो बताना चाहूंगा कि ये ऑलरेडी ऑनलाइन आपको अवेलेबल मिल जाएगा ठीक है, तो मैं तब भी लिख लेता हूँ स्क्रोल टॉप ठीक है। इस तरीके से क्लास यूज करो, फ्लोट राइट लिख देता हूँ, बूटस्ट्रैप 4 के क्लासेस है ये। एंड देन सिंपली इतना हुआ, यहाँ पे मैं जाता हूँ इस आई टैग को यूज करता हूँ क्योंकि यहाँ पे गाइस अगर आप क्लास यूज करोगे सो वी हैव अ फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम में एक एरो दिखाई देगा, एरो लिखना है आपको, एरो अप मतलब ऊपर की ओर आपका वो एरो जा रहा है और बाकी सिंपल है। एंड देन जब आप उस पर करोगे क्लिक तो गाइस एक फंक्शन कॉल होगा जिसका नाम होगा टॉप फंक्शन ठीक है, बहुत सिंपल है, टॉप फंक्शन करके कॉल होगा और इसको मैं एक आईडी दूंगा डेट इज #, लिखने की जरूरत नहीं है माई बटन ठीक है। ये ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल है तो मैं सेम वही डिटो लिख रहा हूँ, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, हालांकि मैंने खाली इसका
ये चेंजेस किया हुआ है खाली क्लास आपको जो दिखाई देगा आइकन, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूं और आपको याद है गाइस हमने ऑलरेडी ये देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। सो गाइस आप देख सकते हो एकदम बॉटम यहाँ पे जो जहाँ पे अभी आपको मेरा एक माउस का कर्सर दिख रहा है ठीक उस जगह पे वो है, ठीक है। वो दिखेगा नहीं अभी लेकिन मैं आपको सीएसएस जब तक हम नहीं करेंगे तब तक कैसे दिखेगा। सो ये माई बटन को मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे आता हूँ। आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम आईडी यूज कर रहा हूँ हैशटैग लगा के, है कि नहीं। सो माई बटन लिखा गया सबसे पहले इसको मैं डिस्प्ले कर देता हूँ नन, और इसका जो पोजिशन होगा उसको मैं कर देता हूँ फिक्स ताकि वो हमें दिखाई दे वहाँ पे, और बॉटम से कितना ऊपर आना चाहिए 20 पिक्सल ऊपर मुझे वो दिखना चाहिए। राइट साइड मतलब राइट साइड कितना 40 पिक्सल, राइट साइड मतलब इधर से राइट को राइट से कितना खिसकाना है 40 पिक्सल तभी तो एकदम नीचे और परफेक्टली दिखाई देगा, ठीक है। उसका जी इंडेक्स 99 मतलब हमेशा एकदम टॉप पे रहना चाहिए। बॉर्डर कर देता हूँ नन, इनका जो कलर मैं कर देता हूँ कौन सा कलर, व्हाइट कलर कर देते हैं। ऑल राइट इस तरीके से व्हाइट कलर किया गया। इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा उसको मैं दे देता हूँ, देखो बैकग्राउंड कलर सिंपल है गाइस, कौन सा देने वाला हूँ ये जो मैंने 00 कुछ तो भी लिखा था यहाँ पे बैकग्राउंड मुझे अच्छे से याद है, ये रहा यहाँ पे, इसको मैं करता हूँ कॉपी और एक काम करता हूँ ये डबल को हटा देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से गाइस हो चुका है। एक बार मैं आपको एक सेकेंड ऊपर फिर से अब लास्ट में डबल आ गया, इसको हटाता हूँ और ये जो डिस्प्ले नन है ना फिलहाल अभी इसको एज इट इज रखता हूँ, और मैं अगर आपको रिफ्रेश करके दिखाऊँ बूम गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे आपको छोटा सा एक दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो इसको मैं क्या करूँगा पैडिंग यूज करूंगा फ्रॉम ऑल साइड से 10 पिक्सल का, और जो बॉर्डर रेडियस है ठीक है बॉर्डर रेडियस भी मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल का, दिस इज इट, इस तरीके से इतना दूंगा एंड रिफ्रेश करूंगा बूम गाइस। तो आपको ये कैसे दिखाई दे रहा है परफेक्टली यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे क्या चाहिए कि इसको मैं होवर करूँ तो इसका कलर चेंज होना चाहिए क्योंकि ब्लू में ब्लू दिख नहीं रहा है ये, ठीक है। तो माई बटन पे मैं जाता हूँ सिंपली यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको अगर मैं करता हूँ होवर एक सेकेंड होवर तो इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। सो डैट विल बी गाइस मुझे इसका सिर्फ बैकग्राउंड चेंज करना है, डैट विल बी 60। आप कह सकते हो कि ये ग्रे है बट एक लाइट ग्रे कलर, लाइट ग्रे टाइप का है वो, ठीक है। तो बस सिंपल इतना सा मुझे लिखना था एंड ठीक है। अब देखो कैसा लग रहा है, लेकिन अभी कॉल टू एक्शन नहीं है इस पर, मुझे अब इस पर मुझे जावास्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा। तो देखो बहुत सिंपल है वो भी, आप खुद भी सोच सकते हो गाइस कि हम इसको कैसे कर सकते कैसे नहीं कर सकते। तो देखो मैं सिंपली यहाँ पे आता हूँ, ऑल राइट फाइनली हमारा जावास्क्रिप्ट अब शुरू हो जाएगा यहाँ पे। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने उसको कॉपी कर लिया, ठीक है। मैंने सोचा कि कॉपी करके मैं आपको ज़्यादा बेटर समझा पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी आपके सामने दिखाई दे रहा है एंड ऑलरेडी मैंने कमेंट आउट भी करके रखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको ये देखना है कि जब हम इस पर जाते हैं, ठीक है, तो आप नोटिस करो कि गाइस ये जो आइकन है ये देखो सबसे नीचे हमें दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं एक पोजिशन पर पहुँच जाऊँगा टॉप के तो वो गायब हो जाता है। सो वो गायब कैसे हो रहा है वो टोटली डिपेंड है कि मैं स्क्रोल कब कर रहा हूँ। देखो जैसे ही मैं स्क्रोल टॉप पे करता हूँ गायब हो जाता है, एंड हल्का सा नीचे स्क्रोल करते हुए ऑटोमेटिक दिखता है। तो इस फंक्शनैलिटी को पाने के लिए गाइस मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस आइकन को सबसे पहले तो एक्सेस करना पड़ेगा। तो सिंपली बहुत सिंपल ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, मैंने इसको एक्सेस कर लिया मेरे आइकन को, ठीक है। सो माई बटन उस आईडी को मैंने दे रखा था, तो अब माई बटन में मेरे पास जब जब मैं माई बटन को यूज करूंगा तो इट मीन्स मैं डायरेक्टली इसको एक्सेस कर रहा हूँ। ऑलराइट ठीक है। देखो अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया था ऑन क्लिक, ये जावास्क्रिप्ट का एक इवेंट है, ठीक है। ऑलराइट तो उसी तरीके से गाइस एक और इवेंट है दैट इज योर ऑन स्क्रोल। इसका मतलब ये हुआ कि विंडो, मतलब आपको मालूम है कि जावास्क्रिप्ट में एवरीथिंग, मतलब अगर आप कुछ भी कभी भी मैंने आपको एडवांस जावास्क्रिप्ट का मैं अभी सीरीज स्टार्ट किया हुआ गाइस अगर आपको मैं दिखा देना चाहूंगा, ठीक है। अगर मैं प्लेलिस्ट में जाता हूँ यहाँ पे आप एडवांस जावास्क्रिप्ट में देख सकते हो, मैंने ये जो विंडो ऑब्जेक्ट बताया ना इस पर मैंने बहुत फोकस किया हुआ क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे मैं जाता हूँ, अगर मैं गाइस सिंपली कंसोल पे जाता हूँ, ठीक है, अगर मैं कुछ नहीं लिखता, अगर मैं सिर्फ दिस लिखता हूँ एंड बूम आपको विंडो दिखाई देगा। अगर मैं कुछ भी नहीं लिखता, अगर सिर्फ विंडो दिखाई लिखूंगा तो भी आपको विंडो दिखाई देगा। इट मीन्स बाय डिफॉल्ट ब्राउजर हमारे लिए एक इन्वायरमेंट सेट करके रखा है एंड ग्लोबल ऑब्जेक्ट कहते हैं हम इसको विंडो को, ये हमेशा प्रेजेंट रहते ही रहता है, ठीक है। इस विंडो के अंदर अगर मैं दिखाऊं आपको, ठीक है, तो ऑन स्क्रोल ना एंड ऑन स्क्रोल तो देखो गाइस यहीं पे कहीं आपको दिखाई देगा SC, ये देखो ऑन स्क्रोल। तो एक इवेंट हमारे पास ऑलरेडी डेट इज योर ऑन स्क्रोल। तो जैसे ही आप विंडो मतलब आपका ये वेबसाइट उस पर अगर आप करोगे इस तरीके से स्क्रोल, ठीक है, तब एक फंक्शन चलना चाहिए, ठीक है। और फंक्शन का नाम क्या गाइस, स्क्रोल फंक्शन। सिंपली हम एक स्क्रोल फंक्शन नाम के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जब भी यूजर इस तरीके से स्क्रोल करेगा तो एक फंक्शन चलेगा जिसका नाम स्क्रोल फंक्शन।
सो जैसे फंक्शन को कॉल मिला गाइस, बहुत सिंपल है, हम एक कंडीशन चेक कर रहे हैं, ठीक है। और वो कंडीशन में ये देख रहे कि हमारी जो ये डॉक्यूमेंट है, मतलब पूरा का पूरा ये पेज, उसके अंदर जो ये बॉडी, मतलब जो भी हमने कंटेंट लिखा है, अगर वो 20 पिक्सल से ज्यादा है उसका स्क्रोल टॉप, मतलब जब मैं 20 पिक्सल, मतलब जितना अगर मैं नीचे आऊंगा ना, उसकी उतना उसकी पिक्सल इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। आप देखो 20 पिक्सल से यहाँ पे अभी दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा ना, लेकिन जैसे ये 20 पिक्सल से ज्यादा होगा तो वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये दो तरीके से मैं चेक कर रहा हूँ, आप कह सकते हो अगर क्रोम पे अगर ये नहीं चला तो ये जरूर चलेगा, तो उसी तरीके से एकदम रेस्पॉन्सिव वो हर ब्राउजर पे चले, इसलिए हमने ये दोनों के दोनों तरीके से यूज किया हुआ है, ठीक है। अगर 20 पिक्सल से ज्यादा हम स्क्रोल टॉप कर रहे हैं, स्क्रोल कर रहे अपने पेज को, तो ब्लॉक, इट मीन्स उसको शो करो, एल्स उसको डिस्प्ले नन करवा दो। आपको याद होगा यहाँ पे मैंने इस CSS पे क्या करके रखा है, डिस्प्ले नन को हटा दिया था, तो अब मैं उसको कंट्रोल एस सेव अगेन बैक कर देता हूँ। तो आप देखो मैं जैसे टॉप पे जाऊँगा हट गया, एंड वापस आया तो अब आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस ये काम कर रहा है, एंड जो सबसे मेन है कि अब वो ऊपर कैसे जा रहा है, यहाँ पे देखो जैसे ही इस पे कोई भी क्लिक कर रहा है तो एक फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, दैट इज योर टॉप फंक्शन, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, उसमें हमने क्या किया गाइस, देखो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्क्रोल टॉप इज इक्वल टू जीरो, सिंपल। ये जस्ट मैंने अब भी आपको करके दिखाया था, जैसे ही मैंने ये लिखा था आपको वहां पे जीरो दिखाई दिया था, तो सिंपली उसी को ही कॉल करना है, इक्वल टू जीरो कर देना है वापस, चाहे वो जहां पे भी इक्वल टू जीरो कर दो एकदम टॉप पे वो आ गया। ये आपके सफारी के लिए, एंड फ्रॉम क्रोम फायरफॉक्स एंड आईपी इंटरनेट एक्सप्लोर जो कि अभी माइक्रोसॉफ्ट एज है, एंड देन ओपेरा के लिए आपको डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट, अब आपको पता चला ये क्यों यूज किया गया था, ये है आपके सफारी के लिए और ये है आपका क्रोम फायरफॉक्स के लिए। तो सिंपली उसको अगर मैं इक्वल टू जीरो कर दूंगा, इट मीन्स जहां पे भी हो स्क्रोल टॉप उसकी वैल्यू जीरो हमेशा ही रहती है, तो इसलिए वो टॉप पे आ जाते हैं, देखो टॉप पे चला गया। अभी भी एक प्रॉब्लम है कि बहुत ऑन द स्पॉट जा रहा है वो, देखो तो वो एकदम स्मूथ स्क्रोल करने के लिए गाइस वो मैं तो बताना चाहूंगा वो सबसे सिंपल है, एकदम टॉप पे आओ, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है, HTML लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है स्क्रोल बिहेवियर आपको लिखना है स्मूथ, दिस इज इट, बस इतना लिखना है। एंड अगर मैं आपको दिखाऊं, एंड बूम गाइस कैसा लगा, चाहे आप कहीं पे भी जाओ ये देखो, ठीक है, इतना सिंपल। अभी इनको मुझे क्लासेस ऐड करवाने तो कैसे होगा, देखो आपको याद होगा मैंने हर जगह पे क्या करके रखा है गाइस, एक आईडी दे रखी थी, ठीक है। तो सिंपली जो ये मेरी सर्विसेस है, ये जो मेरी सर्विस है अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो सर्विस की मैंने क्या देखी, सर्विस डीप करके रखा हुआ है, ऑलराइट। तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, इसको मैं एक हैशटैग होना बहुत जरूरी है, दैट इज द ओनली रीजन व्हाई गाइस मैंने वहाँ पे दे रखा था। अब अगर मैं सर्विस पे क्लिक करता हूँ, बूम कैसा लगा अब आपको, ठीक है। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने बाकी तीन के लिए भी ऐड कर दिया, एंड जस्ट मैंने जब ऐड किया ना मैंने रियलाइज किया कि फुटर डीप जो है गाइस उसकी मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिखी, तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये देखो यहाँ पे दोनों को एक साथ सेलेक्ट करता हूँ, ये जो फुटर डीप लिखना था उसके बदले एक एक्स्ट्रा ऐप आ गया, तो मैंने ऊपर से और नीचे से दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके हटा दिया है, ठीक है। अगर आप देखोगे ऑलराइट नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। और एक और चीज़ है अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट, मैं इन दोनों में एक ही सेम चीज़ करना चाहूँगा, डेट इज योर न्यूज लेटर, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि दोनों सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब देखो सर्विस पे जा रहा हूँ, परफेक्ट। प्राइस पे जा रहा हूँ, परफेक्ट। अबाउट पे जा रहा हूँ, परफेक्ट। कॉन्टैक्ट पे जाऊँगा तो भी परफेक्ट, ठीक है। अब एक और चीज़ ये कि गाइस कॉन्टैक्ट पे मैं जस्ट अगेन मैंने ये रियलाइज किया कि कॉन्टैक्ट के लिए तो वी ऑलरेडी हैव दिस कॉन्टैक्ट अस पेज ना, है कि नहीं। सो कॉन्टैक्ट पे चलते हैं, कॉन्टैक्ट ऑलराइट। ये देखो कॉन्टैक्ट आईडी मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, तो उसको दिखाने से बेस्ट मैं कॉन्टैक्ट को ही दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, कॉन्टैक्ट पे मैंने दे दिया कॉन्टैक्ट आईडी, एंड देन यहाँ पे भी मैं दे देता हूँ कॉन्टैक्ट आईडी, परफेक्ट। इस तरीके से रिफ्रेश करता हूँ, तो गाइस हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है ये, बस अब हमें क्या देखना है कॉन्टैक्ट पे, ऑलराइट ब्यूटीफुली ये अब हमें दिखाई दे रहा है। अब गाइस ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन एक चीज बच गया, दैट इज योर रेस्पॉन्सिवनेस। अब हम इसका रेस्पॉन्सिव चेक करना, एंड बिलीव मी ये बहुत सिंपल है रेस्पॉन्सिव चेक करना। यहाँ पे मैं जाता हूँ, ठीक है, मोबाइल पे जाता हूँ, तो गाइस सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये आईफोन 10 में एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है, नेक्सस में एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। बस एक चीज़ है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है होम सर्विस प्राइस अबाउट एंड ऑल, इसको मुझे सेंटर पे चाहिए, ठीक है, इन सब डिवाइसेस पे। तो वो कैसे होगा, देखो CSS पे चलते हैं एकदम नीचे, एंड आई थिंक बाप रे 500 से ज़्यादा हो गया, ठीक है, कोई नहीं। यहाँ पे मैं चलता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ, लिखता हूँ मीडिया क्वेरीज, इस तरीके से आपको लिखना है गाइस मीडिया क्वेरीज, परफेक्ट। यहाँ पे गया, कंट्रोल एस सेव करता हूँ,
तो देखो क्या करना है, हमें मोबाइल डिवाइसेस के लिए चाहिए ठीक है, तो @media लिखना है, यहाँ पे लिखना है मैक्स विथ कम से कम ज्यादा से ज्यादा 768 पिक्सल तक ही, जो भी मुझे दिखाना हो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। एंड आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैंने मीडिया क्वेरी इन वन वीडियो के ऊपर वीडियो बनाया, तो उसका लिंक मैं टॉप पे दे दूंगा, हालांकि इसमें भी आपको पूरा समझ में आ जाएगा, सिंपल है। 768 पिक्सल से कम डिवाइसेस पे यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी लिखूंगा वो दिखाई देगा ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो है ये बेसिकली किसके अंदर आता है गाइस, आपके ये आ रहा है आपके नैब आइटम के अंदर ठीक है। सो नैब आइटम पे मैं जाता हूं, इस तरीके से गया ठीक है। यहाँ पे मैं गाइस क्या करूंगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर एंड मुझे इंपॉर्टेंट लिखना पड़ेगा, एल्स वो दिखेगा नहीं। सो कंट्रोल एस सेव करते हैं एंड लेट्स से क्या होता है कि नहीं। सो 3, 2, 1 एंड मैंने रिफ्रेश किया, ऑलराइट परफेक्ट, देखो कितनी ब्यूटीफुल ये सेंटर पे आया है कि नहीं। अब नीचे चलते हैं, ये देखो सब एक के नीचे एक आ रहे हैं परफेक्टली, देखो इफेक्ट अभी भी दिख रहा है। व्हाट डू यू ऑफर, एकदम परफेक्ट, एकदम सही है, ये एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है हमें, ऑलराइट। ये यहाँ पे आप गड़बड़ देख सकते हो गाइस, यहाँ पे गड़बड़ साफ, पता क्या हो रहा है इसमें, हमने जो वो 100VH लिखा है ना, तो 100VH मतलब क्या होता है कि किसी भी डिवाइसेस पे आप देखोगे तो जहां से स्टार्ट हो रहा है जहां पे खत्म हो रहा है मोबाइल का डिवाइस एक्चुअल स्क्रीन, उतना ही हाइट लेता है। लेकिन एक फुटर आ गया, उसके अंदर एक ये बेसिक आ गया, स्टैंडर्ड आ गया, लेकिन अनलिमिटेड के लिए जगह नहीं मिला ना, तो क्यों ना मैं और बेस्ट प्राइसिंग की जो हाइट है उसको मुझे देखो क्या करना है, ये जो मेरा और बेस्ट प्राइसिंग दिखाई दे रहा है इसकी हाइट मुझे इंक्रीज करनी है, तो कैसे करूंगा देखो गाइस, यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं लिखता हूँ इस तरीके से प्राइसिंग, और सिंपली इसका हाइट को मैं क्या कर दूंगा गाइस, ऑटो कर दूंगा, एंड इसका जो मार्जिन टॉप है 50 पिक्सल कर दूंगा ठीक है, मतलब और स्पेस दूंगा मैं ऊपर से। सो 3, 2, 1 एंड बूम, कैसा लगा आवर बेस्ट प्राइसिंग देखो, एंड ऑल राइट, कैसा लगा आपको, पहले जो वो चिपक रहा था अब वो नहीं चिपक रहे, बस प्रॉब्लम है कि इनके ये जो बेसिक स्टैंडर्ड जो हमने ये कार्ड यूज किया वो खुद एक दूसरे के ऊपर चिपक रहे, समझ रहे हो, बेसिक कार्ड ये कार्ड वो खुद एक दूसरे के ऊपर चिपक रहे। सो मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे कम करना है, ये एक अपना कार्ड है, ये इसका कंप्लीट कार्ड कहाँ गया, ये वाला इसका कंप्लीट कार्ड है, और हमने इसको एक क्लास दे रखा था कार्ड सेकंड, यहाँ पे आप देख सकते हो कार्ड सेकंड करके मैंने इसको किया कॉपी, एक सेकंड क्या कॉपी हुआ मुझे वो देखना पड़ेगा पहले तो ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ एक सेकंड, ठीक है कार्ड सेकंड आया है यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखो बहुत सिंपल है, मैंने क्यों कार्ड सेकंड सिलेक्ट किया मालूम है, अब बहुत लोग क्या करते गाइस, सो गाइस इसमें भी अब एक ट्रिक देखिए, बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करके मार्जिन बॉटम, देन सेकंड को सिलेक्ट करेंगे मार्जिन बॉटम, ये सही नहीं है, मतलब सही है बट अब कोड एक्स्ट्रा लिख रहे हो ना, बेटर क्या रहेगा कि 1, 2 एंड 3, और जो बीच वाला है उसी को ही अगर आप इन दोनों से अलग कर दोगे ठीक है तो बात खत्म ना, आप टॉप दे दो सेकंड वाले को सेलेक्ट करके मार्जिन टॉप एंड मार्जिन बॉटम पकड़ा दो, दोनों ऊपर नीचे से अलग अलग हो जाएंगे ठीक है, इसलिए मैंने कार्ड सेकंड वाला सिलेक्ट किया है ठीक है। ये जो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट आपको याद है, जब मैंने ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई किया तो उसको 20 पिक्सल टॉप पे, मैं अब उसको 0 कर दे रहा हूं ताकि वो एक्स्ट्रा ना दिखाई दे, एंड देन अब देखो कितना सिंपल है मार्जिन का, ऊपर और नीचे से गाइस मुझे चाहिए 30 पिक्सल का गैप एंड आजू बाजू से कुछ नहीं, दिस इज इट, सिंपली इतना मैंने किया। अब ये 3, 2, 1 एंड बूम गाइस, देखो गैप देखा आपको 75 कर देता है, देखो गैप आया कि नहीं, यहाँ पे भी आप देख सकते हो इधर गैप आया है एंड देन यहाँ पे आपको गैप दिखाई दे रहा है, ये देखो ठीक इस जगह पे अनलिमिटेड और परचेस के बीच में वाइट बैकग्राउंड इसलिए आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन ठीक जितना गैप यहाँ पे है उतना ही, तो आप वापस देख लेते, सब कुछ एकदम परफेक्टली काम कर रहा है ठीक है। इसका कलर अभी हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखो एकदम परफेक्ट, इसको क्लिक करूंगा तो हुबर एकदम परफेक्ट आ रहा है, ये एकदम परफेक्ट जा रहा है, ये एकदम ठीक है ठीक है, देखो अभी भी ये काम कर रहा है परफेक्टली, कलर चेंज हो रहा है इसका, चेंज हो रहा है, ऑल राइट। आवर हैप्पी क्लाइंट्स एकदम परफेक्ट है इसको, ऑल राइट। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है हैप्पी क्लाइंट्स में, आप देखो कि इसका जो ये इंडिकेटर्स है समझ रहे हो नीचे के, और कॉन्टैक्टर्स दोनों चिपक गए, उसका अगेन सेम यही रीजन है कि और हैप्पी क्लाइंट्स का भी गाइस मुझे हाइट को ऑटो करना पड़ेगा, एंड बार बार क्यों लिखो, इसलिए मैं डायरेक्टली यहीं पे ही मैं क्या कर दूंगा गाइस, डॉट हैप्पी CLIENT स्पेलिंग एकदम परफेक्ट रखना है, हैप्पी क्लाइंट्स, अब मुझे अब ये देखना है कि एस लिखा था या नहीं, एंड ऑल राइट परफेक्ट है, देखो कैसा लगा अब आपको, है कि नहीं। और यहाँ पे भी कहीं पे भी क्लिक करने पे भी होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो गाइस आवर हैप्पी क्लाइंट्स हुआ कॉन्टैक्ट अस, ऑल राइट। आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट अस में एक प्रॉब्लम चल रहा है, अभी क्या प्रॉब्लम है वो देख लेते। आप अगर आप ध्यान से देखो गाइस, ये कोने के साइड हमें बहुत चिपका हुआ दिखाई दे रहा है,
अब वो ऐसा क्यों हो रहा है वो एक सेकंड देख लेते, ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है वो हम एक बार पहले देख लेते, क्योंकि हमने जो कोड लिखा वो एकदम परफेक्ट है। तो मैं क्या करता हूँ, जो कॉन्टेक्ट अस है इसका मैं यहाँ पे इसको भी मैं कर देता हूँ कॉन्टेक्ट, इस तरीके से कॉन्टेक्ट अस पे जाता हूँ और इसको हाइट ऑटो एंड देन ये जो भी है मार्जिन टॉप देता हूँ रिफ्रेश परफेक्ट। ऑल राइट नाउ अब पहले से थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है कि नहीं, वरना एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा था, पहले से अच्छा है, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है कि ये कोने में क्यों दिख रहा है हमें, ये कौन सा डिवाइस है गाइस, आपका मोबाइल डिवाइस है, तो हमें वापस यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो गाइस आपको इसी तरीके से, एंड बेस्ट पार्ट है कि हमने बूटस्ट्रैप यूज़ किया इसलिए हमें ज़्यादा पंगा नहीं आया, अगर आप सिर्फ एचटीएमएल सीएसएस यूज़ करते आपको जितना कोड अभी आपने लिखा है आपके डेस्कटॉप के लिए मोबाइल के लिए भी आपको उतना ही लिखना पड़ता फिर, इसलिए बेटर है कि आप बूटस्ट्रैप यूज़ करो। तो मुझे तो सबसे पहले अब ये देखना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है क्या, और ये मेरे कोड में भी नहीं है क्योंकि मैंने जो लिखा उसके हिसाब से तो परफेक्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया यहाँ पे। तो एकदम नीचे जाते हैं, ठीक है, अब आपको डील करना पड़ेगा कोई क्यों नहीं आया। कॉल लार्ज 8, मीडियम में भी 8 है, ठीक है, और अगर हम ध्यान से देखते हैं ना तो ये कॉलम 10 एकदम परफेक्ट, फिर कहाँ पे पंगा दे रहा है, ये डीप 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 एकदम ठीक है, ये कौन सा डीप है, ये रो पे कहाँ जा रहा है, ऑल राइट, और ये कहाँ पे खत्म हो रहा है, ये कंटेनर पे खत्म हो रहा है, ठीक है गाइस, हमारा कोड के हिसाब से हमने एकदम परफेक्ट लिखा है, लार्ज में 8, मीडियम में 8, कॉलम 10, ठीक है, 8 ये लार्ज में 2, 2 2 4 8 12 परफेक्ट, मीडियम में 2 2 4 8 परफेक्ट 12, कॉलम 10 सर यहाँ पे भी कॉल 1, ऑल राइट, देखा प्रॉब्लम यहाँ पे है गाइस, देखो मैंने जस्ट अभी आपको क्या बताया, हमने जो कोड लिखा उसके हिसाब से परफेक्ट था, ठीक है, मेरे कोड में भी नहीं था ये, तो आपको इस तरीके से चेक करना है, क्यों, क्योंकि हमने क्या लिखा कि कॉलम 10 एकदम परफेक्ट है, लेकिन मुझे लेफ्ट एंड राइट से मुझे स्पेस चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ इंस्टेड ऑफ ऑफसेट मैंने कॉल लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं बार बार चेक कर, अब एकदम परफेक्ट हो जाएगा, ऑफसेट 1 मतलब आपका जो मोबाइल डिवाइसेस है ना उस पर अब आजू बाजू से 1 कॉलम का स्पेस देगा, एंड 3 2 1 एंड बूम गाइस परफेक्टली सेंटर में आ गया, दिस इज इट, हमें यही चाहिए था। ऑलराइट, और एक और चीज देखना कि ये जो लिखा हुआ ये बहुत ज्यादा है, कॉन्टेक्ट अस का जो पैराग्राफ है वो बहुत ज्यादा हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, सो कॉन्टेक्ट अस का जो पैराग्राफ है, ठीक है, इस तरीके से आपको कॉन्टेक्ट अस का पैराग्राफ एंड पैडिंग ऊपर नीचे से तो हमें बिल्कुल 0 चाहिए, लेकिन आजू बाजू से 50 पिक्सल का चाहिए, सो 3 2 1 एंड बूम, ऑलराइट नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, ठीक है, ये हुआ यहाँ पे आए कॉन्टैक्ट अस परफेक्ट, न्यूज लेटर एकदम परफेक्ट है, ऑल राइट, अब एक सेकंड, ये आपको नीचे में दिखा भी तो नहीं सकता, ठीक है, देखो यहाँ पे गाइस ये सब एकदम परफेक्ट है, ये एकदम स्मूथली काम कर रहा है, ठीक है, कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ वापस, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो नेविगेशन आपका लिंक है ये एकदम सेंटर पे, मुझे सेंटर पे नहीं चाहिए भाई, ये मुझे क्या चाहिए, ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं जाता हूँ, हमें मालूम है कि गाइस उसका नाम क्या दे रखा है, हमने फूटर डीप, हाँ फूटर डीप दिया, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सेकंड मैं आपको एक न्यू ट्रिक बताता हूँ, अब एक और बेस्ट तरीका, आप सिंपली चाहो तो इसको क्लास देके भी कर सकते थे, लेकिन बाय चांस अगर गलती से कभी एक और कुछ ऐड आ गया वहां पे, ठीक है, तो देखो क्या करना है, बेस्ट रहेगा कि अगर आप nth चाइल्ड वाली प्रॉपर्टी यूज करो, ठीक है, जो कि सीएसएस ने हमें प्रोवाइड करा रखा है, और यहाँ पे आप सिंपली लिख दो सेकंड, तो सिंपली गाइस आपको nth चाइल्ड, ये मैंने क्या किया, सेकंड को सिलेक्ट करो, इट मींस मैं नेविगेशन लिंक को सिलेक्ट करो, आप सिंपली चाहे तो गाइस क्लासेस भी यूज कर सकते थे क्लास ऐड करके भी, लेकिन ये ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, तो इस तरीके से मैंने लिखा, और पता मुझे क्या लिखना है, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, इतना सिंपल था, ठीक है, यहाँ पे मैं जाते इंपॉर्टेंट मुझे करना ही पड़ेगा गाइस, क्योंकि मैंने सेंटर पे करके रखा था, एंड बूम, कैसा लगा आपको, परफेक्ट हो गया एकदम गाइस, हमारा ये रेस्पॉन्सिव हो चुका है, ऑलराइट, एंड एक प्रॉब्लम अभी ये कि गाइस अगर आप देखोगे तो न्यूज लेटर और अबाउट चिपक गए, एंड ये बहुत चिपक चुके हैं एक दूसरे के साथ, वो हमें नहीं चाहिए, तो वो जो ना चिपके ना उसके लिए मैं क्या करना चाहूंगा गाइस, यहाँ पे मैं जाता हूँ, और आपको याद है कि हर एक फूटर डीप हमने एक एक डीप को दिया था, यहाँ पे सिंपली गाइस मैं क्या करूंगा, ये एक डीप है तो मैं मार्जिन दे सकता हूँ इजीली, ठीक है, तो मैं मार्जिन देना चाहूंगा गाइस सिंपली 30 पिक्सल फ्रॉम टॉप एंड बॉटम एंड लेफ्ट एंड राइट से मुझे बिल्कुल कुछ भी नीचे, एंड बूम, कैसा लग रहा है, स्पेस 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 एंड दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, और एक सेकेंड यहाँ पे ये क्या हो रखा है भाई, इसका कलर क्यों नहीं दिख रहा हमें, सो अगर मैं कलर जाता और मैं वाइट करता हूँ फिर भी नहीं दिख रहा है,
इसका अगर मैं जी इंडेक्स बढ़ा दूँ लेट्स से 22 और इसको अगर मैं इंपॉर्टेंट दे दूँ, ठीक है, इस तरीके से इंपॉर्टेंट, तो गाइस फिर भी आपको नहीं दिख रहा, तो ऐसे क्यों हो चुका है, ये कलर क्यों नहीं दिख रहा है हमें? यहाँ पे कलर वाइट है, इसका बैकग्राउंड कलर एक बार चेक कर लेते गाइस, बैकग्राउंड ब्लैक, ऑल राइट, अब आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन वो व्हाइट कलर क्यों नहीं दिख रहा है? सो देखिए गाइस इसको हम कैसे डील कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लिक कर रहा है, मतलब एकदम परफेक्ट है। अगर हम इसको सिलेक्ट करते तो आप देखोगे कि गाइस ये नेवबार टॉगलर आइकन है और कंटेंट एकदम खाली है, ठीक है, उससे कुछ लेना देना भी नहीं है। लेकिन व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि हमने जब इसको कॉपी किया था, ठीक है, तो क्या कर सकते, देखो गाइस यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे देखोगे गाइस ये हमारा नेवबार है, यहाँ पे ऑलरेडी कलर देते हैं लोग, आपको याद है वहां पे कलर देते, तो अगर मैं यहाँ पे नेवबार डार्क, ये बस इनकी खासियत है कि अगर आप डार्क लिखते हो तो वो व्हाइट कलर दिखता है, नेवबार डार्क मतलब नेवबार व्हाइट कलर, ठीक है। इसको अगर मैं लिखता हूँ एंड देखो 3, 2, 1, एक सेकेंड इसको मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है, अभी यहाँ पे देखो 3, 2, 1 एंड बूम गाइस, देखो कैसा लग रहा है, अब आपको दिखाई दे रहा है वो, ये दिख रहा है, ये देखो अब हमें वो दिखाई दे रहा है, तीन डॉट यहाँ पे, तीन हैमबर्गर मेन्यू भी, आप इसको बहुत सारे लोग हैमबर्गर भी बोलते, लेकिन अब हमें वो दिखाई दे रहा है जस्ट बिकॉज हमने नेवबार डार्क नहीं लिखा था, ठीक है। तो आप देख सकते हो गाइस नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, एकदम परफेक्टली सब सेंटर पे है और बेस्ट प्राइसिंग परफेक्टली काम कर रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आवर हैप्पी क्लाइंट्स, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो भी रोटेट हो रहा है, यहाँ पे करता हूँ तो भी स्लाइड हो रहा है, ये एकदम परफेक्टली सेंटर पे है न्यूज़लेटर, और ये भी देखो, एक सेकेंड में अब नीचे तो जा नहीं पाऊंगा, इसको कम जूम कर देता हूँ, एक सेकेंड, ऑल राइट अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस 50% एंड हमने जो जस्ट अभी देखा, सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई रियली होप गाइस आपको बहुत मजा आया होगा, हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा गया लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आप लोग को एंटरटेन रख सकूं इतने लंबे समय तक, क्योंकि हमने पूरा का पूरा टाइम है गाइस, एक बार भी टाइम वेस्ट नहीं किया, हमने हर एक चीज़ अच्छे से देखा और मुझे जहां जहां लगा कि इसको मैं कॉपी कर सकता था गाइस मैंने वहां पे उसको आपको कॉपी करके दिखाया, ठीक है। सो गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ा सा यूजफुल थोड़ा सा पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल थापर टेक्निकल, ऑल राइट गाइस, और एंड आप देख सकते हो 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला, तो गाइस जल्द से जल्द कर दीजिए, मुझे बहुत खुशी की, मैं लाइव आना चाहूंगा आप लोगों के सामने, एंड गाइस